नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल परीक्षा प्लस में। मैं हूं आलोक शुक्ला और आज आपके लिए लेके आया हूं साइंस का पहला लेक्चर यूपी ट्रिपल एससी लोअर मेंस के हेतु। लोअर मेंस की परीक्षा आपकी लगी हुई है। परीक्षा प्लस के द्वारा जो प्रोग्राम संचालित किया जा रहा है, फुल कोर्स और टेस्ट सीरीज, जो आज से ही स्टार्ट है, अब से आपको डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ ऐसा मिलेगा जो आपकी परीक्षा के, आपकी सफलता को एक एक कदम आगे लेके चला जाएगा और पास एकदम पहुंचा देगा। फिर थोड़ा सा और मेहनत करके हमें सफलता गेन कर लेनी है। समय है हमारे पास, उसके घबराने की जरूरत नहीं है। हर दिन सेक्शनल टेस्ट, एक सेक्शन का टेस्ट होगा। वीडियोज आपको मिल रही है, आपको टेस्ट सीरीज फुल लेंथ मिल रहा है, आपको सब्जेक्टिव मिल रहा है, आपको प्रॉपर नोट्स मिल रहे हैं, साथ साथ में ही आपको रिवीजन नोट, कंपेंडियम नोट सब कुछ दिया जाएगा। एक जो प्रॉपर कंप्रेहेंसिव कोर्स बोला जा सकता है, वो सब कुछ आपका फुल कोर्स में दिया जा रहा है बहुत अच्छे से, जो आज से ही स्टार्ट है। अब जो बच्चे जहां पे भी हो, बहुत ही आराम से एकाग्रता के साथ अपनी तैयारी शुरू कर दो। और अब कोई भी ऐसा, वो कहते हैं ना, कोई भी ईंट बिना पलटे छोड़ो मत, है ना। इतनी मेहनत कर डालो, वो सारे तजुर्बे अपना लो, वो सारी चीजें अपना लो जिससे आपकी सफलता मिल जाए। क्योंकि आप सभी जानते हो कि ये जो आपका पोस्ट है लोअर मेंस में, जो विभिन्न पद हैं, ईओ जैसे, अधिशासी अधिकारी जैसे पद बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं। और अब एक आप पीढ़ी चढ़ आए हो जिसका आपका मार्क्स भी नहीं जुड़ना है, तो एक पीढ़ी केवल एक स्टेप में ही आपका सिलेक्शन हो जाना है और इसी में पूरा दमखम लगा दो। समझ लो कि ये जिंदगी का सबसे बड़ा लक्ष्य है, यही से जिंदगी आपकी बदल जानी है। तो देर न करते हुए मैं शुरू करता हूं अभी आपका साइंस का पहला लेक्चर। जो बच्चे कोर्स ले चुके हैं उनके लिए पहला ही लेक्चर है। जो बच्चे नहीं लिए हैं, लेना चाहते हैं, वो इसे डेमो के तौर पे समझ सकते हैं। डेमो के तौर पे साइंस का लेक्चर है जिसमें हम सबसे पहला चैप्टर शुरुआत करेंगे न्यूट्रिशन का। चैप्टर शुरुआत करने से पहले कुछ हम चीजें, ये इससे पहले देख लीजिए कि जो डेमो वाले बच्चे हैं जिन्हें कोर्स लेना है, उन्हें बता दें कि फुल कोर्स और टेस्ट सीरीज दो अलग अलग निकाले गए हैं। फुल कोर्स में आपको व्यापक वीडियो क्लास दी जाएगी, सभी विषय के वीडियो क्लास मिलेंगे। उसके बाद क्लास के पीडीएफ नोट्स दिए जाएंगे। पीडीएफ नोट्स के बाद अद्यतन पाठ्यक्रम पर आधारित बुकलेट नोट्स दिए जाएंगे। ये जो बुकलेट नोट्स है, अभी आपका साइंस का, ज्योग्राफी का लग चुका है और एक कोई और सब्जेक्ट लग गया है, मुझे इतना ध्यान नहीं आ रहा है। तीन सब्जेक्ट के आपके नोट्स लग गए हैं, ठीक है ना। और भी जो है, हिस्ट्री वगैरह है, पॉलिटी वगैरह है, वो एक दो दिन में लग जाएंगे। ये हमारे जो स्टैटिक सब्जेक्ट है जिसमें चेंज नहीं होता, जैसे इतिहास में कुछ बदलता नहीं है, जैसे पॉलिटी में खासकर कुछ बदल नहीं रहा है, साइंस में कुछ ज्यादा बदल नहीं रहा है, जो बदल रहा है वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी, हम उसे देख लेंगे। उन सारे के नोट्स आपको लगा दिए गए हैं आपके कोर्स में ही, और आप वहां से उसे डाउनलोड कर सकते हो। आपको ग्रुप में भी व्हाट्सएप वाले दे दिया जाएगा ताकि आप अपनी पढ़ाई एकदम से शुरुआत कर दो, ताकि ये ना रहे कि हमसे कुछ बच गया है। तो ये सारे नोट्स दिए जाएंगे, सारे के बुकलेट आप लोग देखे ही हो। इसमें साथ 25 टेस्ट क्या, ये ऐसा समझिए कि ये टोटल जो 25 है, ये फुल लेंथ टेस्ट है, टेस्ट सीरीज वाला है। बात समझ में आ गई। इसमें अगर पेपर वन पेपर टू सारा मिला ले तो फिर देखा, सभी टेस्ट के व्यापक हल मिलेंगे पीडीएफ के रूप में, उसका पीडीएफ भी दिया जाता है। डेली सेक्शनल टेस्ट भी आपको होगा, और ये सबसे बड़ी बात है, ये कुल मिला के 75 प्लस से ज्यादा टेस्ट आपका होगा। तो 75 ये 25 ये टोटल 100 टेस्ट आपका टीम कराएगी लोअर मेंस के लिए। अब आप सोचिए, अगर 100 टेस्ट कर लेंगे तो 100 टेस्ट में कम से कम 4-5 हज़ार क्वेश्चन, 4-5 हज़ार से कहीं ज्यादा क्वेश्चन कवर कर लिए। बात समझ में आ रही है। और अगर इतने क्वेश्चन कवर कर लिए, वो भी केवल यूपी ट्रिपल एससी और मेंस पे आधारित, तो समझ लो सिलेक्शन कोई रोक नहीं सकता है। बहुत ही कंप्रेहेंसिव तैयारी होनी है। उसके साथ साथ ही एडॉन के रूप में 3000 जीएस एमसीक्यू अलग से दिया जाएगा, 1000 जीएस एमसीक्यू हिंदी का अलग दिया जाएगा। बात समझ में आ रही है। फिर इसके बड़े से बड़ी बात, जो व्यक्तिगत मार्गदर्शन है वो आपको हमेशा देती रहेगी परीक्षा प्लस टीम, और देती रहेगी वो भी टॉप क्वालिटी की। अगर आपको केवल टेस्ट लेना है, फुल कोर्स नहीं लेना है, तो आप इसमें केवल टेस्ट है, 25 टेस्ट में सेक्शन नहीं रखा गया है, 7 विषयवार है, 8 फुल लेंथ है, बाकी सबके पीडीएफ जो मिलेंगे उसके सॉल्यूशन मिलेंगे, और सभी विषय के शॉर्ट नोट्स भी इसमें दे दिए जाएंगे। इसमें आपको घबराने की बात नहीं है। अगर आप इसमें रजिस्ट्रेशन करना चाहते हो तो दिए गए नंबर पे आप आज ही कॉल कर लो, और अब समय नहीं है, अपनी तैयारी शुरू कर दो। जहां भी सुस्त पड़े हो, एकदम एक्टिव हो जाओ। चलिए शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने से पहले, मैं जैसा कि बोला था, हमें इस बात को बहुत अच्छे से समझना है कि जो विज्ञान सब्जेक्ट है साइंस, देखिए सबसे पहली बात तो जो 75 क्वेश्चन का जो जिम्मेदारी है वो मेरे ऊपर है।
आपका जो मैथ और साइंस का सेक्शन है ये मैं ही आपको पढ़ाऊंगा। और मैं पहले भी बोला था, जब मैथ्स का भी मैं आपको डेमो दिया था, साइंस का भी दे रहा हूं, कि इस 75 में से 70 प्लस अगर आप मेरे हिसाब से चल लिए तो कितना भी पेपर टफ आ जाए, कितना भी वो खेल ले भावनाओं के साथ अपने से, 70 प्लस से ज्यादा क्वेश्चन आपके सही करवाऊंगा। और समझ लीजिए, अगर आप 70 क्वेश्चन सही कर लेते हैं 200 क्वेश्चन में से, अगर एक पोर्शन में केवल एक जगह मेहनत करके, तो समझ लीजिए कि फिर आपका सिलेक्शन का चांस कितना ज्यादा बढ़ जाता है। कैसे करना है इस बात की हमें मैच्योरिटी समझनी पड़ेगी, हमें अपने दिमाग को थोड़ा और डेवलप करना पड़ेगा, यह समझना पड़ेगा क्वेश्चन कहां से सेट हो सकता है, यह समझना पड़ेगा आखिर पहले क्या रणनीति थी, अभी क्या रणनीति हो सकती है मेंस के लिए, यह समझना पड़ेगा आयोग किस हद तक जा सकता है। जैसे उसने एक शब्द भी बोला है कि जो इसका लेवल होगा वो थोड़ा डीप लेवल का होगा, तो हमें ये समझना पड़ेगा कि ठीक है डीप लेवल का होगा, टफ होगा, तो किस सेक्शन को टफ कर सकता है। ऐसा तो है नहीं कि 200 के 200 क्वेश्चन एकदम टफ कैटेगरी के दे दें, फिर अगर सारे टफ कैटेगरी के दे देगा भैया 200 क्वेश्चन, तो फिर बैठे रहो 4-5 दिन लगे रहो, नहीं लगा पाओगे, कोई नहीं बच्चा ला पाएगा। तो फिर से रूल तो वो चलेगा ही कि टफ तो करेगा वही 20-30% ही टफ होता है, बहुत ज्यादा कर देगा 35% टफ कर देगा, अभी भी मिनिमम के 65% जो क्वेश्चन होंगे आपके आसान या मॉडरेट लेवल के होंगे, बात समझ में आ रहा है, और सिलेक्शन के करीब वही ले जाएगा, क्योंकि ये मेंस है, क्योंकि पद इसमें 672 है, क्योंकि ये आपका क्रीम चांस है, इसलिए ये 35% भी आपको नहीं छोड़ना है। ये बात समझ में आ रही है, वो तो 65% आसान और मॉडरेट वाला हम करेंगे, 35% में जो बच्चा जितना कर लिया वही आपकी रैंक बना देगा, वही आपको अधिशासी अधिकारी बना देगा और आपकी ड्रीम जॉब दिला देगा, आपकी जिंदगी बदल देगा 360 डिग्री से। बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो मैथ और साइंस में 75 क्वेश्चन है, 75 में, जैसा कि लोअर 2 में भी इसने किया था 2019 वाले पेपर में, और फिर से जो मोस्ट एक्सपेक्टेड है 38 क्वेश्चन आपके मैथ्स के होंगे, जिसका लेके मैं स्ट्रेटजी भी बता चुका हूं सब कुछ। अभी हम बात करेंगे 37 क्वेश्चन साइंस के, ये 50-50 का डिवीजन होगा लगभग, आपके प्री में भी किया था, जब 50 क्वेश्चन मैथ साइंस का था तो 25 साइंस किया था और 25 क्या किया था मैथ्स किया था। अब यहाँ पे भी हम 50-50 किए तो 37.5 तो कर नहीं सकते, इसलिए 38 और 37 रहेगा, और सेम डिवीजन आपका लोअर 2 के 19 वाले पेपर में, 2019 वाले पेपर में था। बात समझ में आ गई, अब देखते हैं इसका डिवीजन, देखते हैं इस 37 में उसने, सबसे बड़ी बात हमें दो चीज समझना पड़ेगा, एक तो हम प्री पे जाएंगे और मेंस पे जाएंगे और दोनों के डायमेंशन को समझेंगे कि दोनों में अंतर क्या है। समझाता हूं आपको, एक तरफ आपका प्री है और एक तरफ आपका मेंस है। आप बताओ मुझे कि प्री का आपके कितने शिफ्ट में पेपर हुआ था, 4 शिफ्ट में पेपर हुआ था, और प्रत्येक शिफ्ट में कितने क्वेश्चन थे साइंस के, 25 क्वेश्चन थे, तो 4 का 25 से गुणा कर दो, तो इसका मतलब उस बार आयोग को, और आयोग कौन यहाँ पे पेपर कौन बना रहा है, TCS बना रहा है। बात समझ में आ रही है, ध्यान रखना पेपर कौन बना रहा है, TCS बना रहा है। 100 क्वेश्चन उसे चूज करना था, तो जब 100 क्वेश्चन चूज किया तो उसका बहुत रैंडमाइजेशन हो गया, वो कहीं से टॉपिक कुछ भी उठा लिया, कोई भी क्वेश्चन डाल दिया। बात समझ में आ रही, अब क्या है, अब उसके पास केवल कितने क्वेश्चन बनाने हैं, 37। बात समझ में आ रहा है, 37%, समझ रहे कितना कम हो गया। अब वो अगर इसमें से क्वेश्चन बनाएगा तो वो वाहियात वाले क्वेश्चन तो एकदम भूल जाइए, वो नहीं पूछेगा, वन लाइनर क्वेश्चन नहीं पूछेगा। इसका मतलब कन्वेंशनल टॉपिक से आपका सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाएगा। बात समझ में आ रही है, कन्वेंशनल टॉपिक मतलब क्या, मतलब कि जो आपकी किताबों में साफ साफ आप पढ़ते रहते हो, आपके इर्द गिर्द चलता रहता है, उसमें क्या हुआ लोअर प्री वाले में, जैसे सिकल सेल एनेमिया का क्वेश्चन पूछ लिया, या पूछ लिया कि कितना शुद्ध पानी है, या ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन जो डाटा आंकड़ा वाले थे, जो शायद ही आपको किताबों में मिलते हैं, डायनेमिक चीजें होती हैं, वो पूछा था, क्योंकि टीसीएस का ये चलता ही चलता है, वो स्टैटिक के क्वेश्चन ऐसा डाल देता है करंट से रिलेटेड, जिसके बच्चे परेशान हो जाते हैं, जिनकी करंट पे, वो भी ऐसे करंट पे जो यूपीएससी वाले करंट पे पकड़ अच्छी रहती है साइंस टेक्नोलॉजी टाइप में, वो कर पाते हैं। बात समझ में आ रही, लेकिन वहां पे इसके सीन खत्म हो गए, बहुत ज्यादा होगा तो 10-15% क्वेश्चन ऐसे आएंगे जो कहीं रेंडमाइज हो सकते हैं, जिसका आपका पता, और वो भी हम कवर कराएंगे कि कैसे उस क्वेश्चन को कवर करना है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। तो 37 क्वेश्चन का 10% अगर निकाल लें तो 3-4 क्वेश्चन बस, मैक्सिमम 5 क्वेश्चन ही ऐसे हो सकते हैं जो आपका रेंडमाइज हो, बाकी जो 32 क्वेश्चन हैं, ये 32 क्वेश्चन आपके कन्वेंशनल होंगे, आपकी किताबों से सीधे सीधे पूछे जाएंगे जो आपके कोर्स में है। कोर्स की बात करें तो एक बात UP SSC का आप देख रहे हो, ये जो सिलेबस का बहुत ही डिसिप्लिंड है, डिसिप्लिंड का मतलब जो सिलेबस में लिख दिया वहां से क्वेश्चन पूछेगा, तो कुछ टॉपिक तो उसने वैसे ही मेंशन कर दिया है। जैसे मैं बता दूं, मेजर टॉपिक उसने न्यूट्रिशन बताया है, पोषण के बारे में ये इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछेगा, विटामिन से क्वेश्चन पूछेगा साफ साफ लिख दिया है, प्रोटीन साफ साफ लिख दिया है, इसके अलावा उसने क्या लिखा है, फिजिक्स में एक टॉपिक रखा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक करके,
EMR करके है ना, रेजिस्टिविटी करके, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेजिस्टिविटी। उसके बाद फिर आपका बायो में डिजीजेस से साफ साफ बोला है, डिजीजेस में आपका एनीमिया का टॉपिक ही अलग कर दिया है। और जब एनीमिया का टॉपिक अलग कर दिया, इसके अलावा कुछ वाटर साइकिल का टॉपिक रखा है। अगर आप लोग सिलेबस ध्यान से देखे होंगे, इसमें एक्वीफायर का बात किया, एक्वीफायर जो होते हैं वाटर टेबल जो नीचे पानी पाए जाते हैं उसके बारे में बात किया है ना। फिर इसको कैसे शुद्ध किया जाए, वाटर साइकिल के बारे में कैसे उसे शुद्ध किया जाए, ये कुछ आपके टॉपिक है जो पर्टिकुलरली उसने क्या कर दिया है, मेंशन कर दिया है। और आप प्री में भी देखे होंगे न्यूट्रिशन से, विटामिन से, प्रोटीन से, या डिजीज से, एनीमिया, एनीमिया का सिकल सेल एनीमिया से बताया नहीं, वैसे क्वेश्चन पूछा था, और एक्वीफेयर से भी पूछा था, वाटर साइकिल से भी पूछा था। तो कहने का मतलब जो वो टॉपिक दे दिया है उससे तो कन्फर्म पूछेगा। और ऐसे कितने टॉपिक डिपिक्ट किया है, कम से कम 12 से 15। इसका मतलब 12 से 15 क्वेश्चन तो कन्फर्म यहीं से बन जाएंगे। बात समझ में आ रही? हम 37 क्वेश्चन का डिवीजन बता रहे हैं कहां कहां से क्वेश्चन पूछेगा। 37 क्वेश्चन में 12 से 15 क्वेश्चन जो उसने टॉपिक दे दिया है साफ साफ, उसी में से पूछ लेगा, पक्का वहीं से पूछेगा। अब 12-15 यहां हो गए, कम से कम नहीं तो 5 क्वेश्चन आपका करंट साइंस से पूछेगा, करंट साइंस एंड टेक्नोलॉजी। और इसमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी में क्या पूछेगा, जैसे उसने पिछली बार डीआरडीओ वगैरह से क्वेश्चन पूछा था, ऐसे ही क्वेश्चन फिर पूछेगा। तो ये करंट अगर आप कवर कर रहे हो तो अपने आप कवर हो जाएगा, और बहुत आसान क्वेश्चन पूछा था सारे, मिसाइल वगैरह। तो 12 से 15 5 यानी कि 17 से 20 क्वेश्चन तो हमारा यहाँ पे कवर हो गया बहुत आराम से। कितने में से? 37 में से कवर हो गया। ये केवल मैं बायो पोर्शन की बात कर रहा हूँ, इसके अलावा हमारी केमिस्ट्री फिजिक्स सब अलग अलग बची हुई है, समझिएगा। लेकिन हमें सबसे ज्यादा जहां से नंबर उठाना है, अब सोचिए अगर आप इतने टॉपिक केवल पढ़ लेते हो तो आपके 20 क्वेश्चन आ गए, आपके बच्चे कितना, 17 क्वेश्चन, जिसके लिए पूरी फिजिक्स पढ़ी है, जिसके लिए पूरी केमिस्ट्री पढ़ी है, बायो में बॉटनी पोर्शन पढ़ा है, उसके बाद फिर नॉमेनक्लेचर क्लासिफिकेशन वाला, माइक्रोब्स वाले पढ़े हैं, ये सब चैप्टर बहुत ही जो लेंदी होते हैं, जो बच्चों को जल्दी समझ में नहीं आता है वो आगे पढ़े हैं। तो इतने सारे, इतना जिसका सिलेबस बहुत ज्यादा लेंदी है उसका वेटेज कितना है, 17, और जितना दिया है उसमें कितना है, 20। तो बात समझ में आ रही है कि हम इस पोर्शन को सबसे पहले पढ़ेंगे और सबसे ज्यादा, कहने का मतलब जो उसने टॉपिक डिपिक्ट कर दिया सिलेबस में उसका एक भी टॉपिक हम कहीं ले नहीं जाएंगे, एक भी टॉपिक हम उसका छोड़ेंगे नहीं, बहुत अच्छे तरीके से हम इसे पढ़ेंगे। इस कारण ताकि हमारा जो पकड़ मजबूत हो सके साइंस में, जो इतना अनएक्सपेक्टेड है वो हम एक्सपेक्टेड बना सके। मैं नहीं कह रहा हूं कि पढ़ना नहीं, पढ़ना ना सब कुछ है, लेकिन इसे इतना पढ़ लेना है कि ये 20 क्वेश्चन में एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होना चाहिए। बात समझ में आ गई? चलिए, इतनी बात समझ में आ गई तो ये बात समझ में आ गया होगा कि साइंस का 37 क्वेश्चन सबसे ज्यादा आसान है नंबर लाना। ये बात क्लियर हो गई? ठीक है, अब हम शुरुआत करते हैं चैप्टर के टॉपिक की। तो जैसा उसने डिपिक्ट किया है, हम भी शुरुआत कर रहे हैं न्यूट्रिएंट से, पोषक पदार्थ से, न्यूट्रिशनल वैल्यू से चीजों को स्टार्ट कर रहे हैं। क्यों न्यूट्रिशन? क्योंकि सबसे ज्यादा क्वेश्चन भी यही से पूछता है। इस चैप्टर में आपकी क्या क्या कवर हो जाएंगे, विटामिन कवर हो जाएगा, फैट कवर हो जाएगा, लिपिड वगैरह जो होते हैं कवर हो जाएंगे, कार्बोहाइड्रेट कवर हो जाएगा, आपके विटामिन से होने वाले डिजीजेस कवर हो जाएंगे, आपका जो बैलेंस डाइट होता है वो कवर हो जाएगा। बैलेंस डाइट से पिछली बार भी क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा था, और वो पॉइंट भी डिपिक्ट किया है कि बैलेंस डाइट से क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो इसलिए मैं सारा कुछ इस आज पर्टिकुलर क्लास में सब कुछ कवर कराऊंगा कि जितनी टॉपिक उसने मेंशन कर दिया है उसका करीबन 40 से 50% तो इसी क्लास में आपका मैं कवर करा दूंगा, ताकि एक साइंस वाला बोझ आपका उतर जाए। ठीक है ना, आप फ्री माइंड से अच्छे से पढ़ते रहे, बाकी टॉपिक हम जैसे जैसे क्लास चलती रहेगी वैसे वैसे हम कवर कराते रहेंगे। तो न्यूट्रिएंट्स अगर हम बात करें तो क्या होता है, पोषक पदार्थ क्या होते हैं, न्यूट्रिशन का नाम सुने, पोषण, पोषण क्या कहलाता है? एक बात बताइए, हम लोग हैं, मनुष्य हैं, मनुष्य हैं, जानवर हैं, पेड़ पौधे कुछ भी हैं, सभी लोग जीवित हैं, है ना, जीवित की परिभाषा आप सभी लोग जानते हो। एक बात और, क्लास पढ़ाते समय मैं ये एकदम नहीं सोचूंगा कि आप लोग जीरो लेवल के हो, क्योंकि आप प्री क्वालिफाई करके आए हो तो इतना पता होगा कि आप जीवित हो कि नहीं जीवित हो, ये सारी बेसिक चीजें, सेल स्ट्रक्चर, ये सब आपको पता होगा, क्या सेल होता है, कोशिका किसे कहते हैं, टीसी ऊतक किसे कहते हैं, ये सब पता होगा, बेसिक डेफिनेशन पता होगी। हम मेन कॉन्सेप्ट की बात करेंगे, हम मेन उन बिंदुओं की बात करेंगे जहां से प्रश्न डायरेक्ट पूछे जा सकते हैं, जिस टाइप के प्रश्न पूछे जा सकते हैं उन प्रश्नों को कवर करेंगे, ताकि हमारा एक लेवल आगे ही बढ़े, हम अपना समय वेस्ट मत करें। बात क्लियर हो गई? तो आपको भी थोड़ा कोऑपरेट करना है, दिमाग को थोड़ा
तेज हाई मोड में लेकर चलना है, ताकि कम समय में ज्यादा से ज्यादा चीजों को हम कवर कर पाए, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा आपको सेल्फ स्टडी ही करनी है। आपको पूरे नोट्स दिए जाएंगे, नोट्स अच्छे पढ़ना और सबसे ज्यादा प्रैक्टिस करना है। जो 100 टेस्ट करा रहे हैं ये टीम, उस 100 टेस्ट को बहुत व्यापक रूप से करिएगा आप लोग, जिसके लिए हम लोग डिस्कशन भी करेंगे, यहाँ पे आपकी कमियां रहेगी, कहाँ पे आपका किसका नंबर कमा रहे, जितने बच्चे हैं पर्टिकुलर एक एक बच्चे की उसमें एनालिसिस होगी कि कौन सा पॉइंट उसका वीक है, कौन सा पॉइंट स्ट्रांग है। कहने का मतलब परीक्षा प्लस की जिम्मेदारी है आपका सिलेक्शन करवाना। तो न्यूट्रिएंट्स की बात कर रहे थे हम, न्यूट्रिशनल की बात कर रहे थे, न्यूट्रिशनल फूड की बात कर रहे थे। हर इंसान, हर वो जीव जो जीवित है ना, जो सांस ले रहा है, जो खा रहा है, जो पी रहा है, उसे बढ़ने के लिए, ग्रो करने के लिए किसी चीज की जरूरत पड़ रही है, सो कॉल्ड एनर्जी की जरूरत पड़ रही है। वो एनर्जी आ कहां से रही है? वो एनर्जी किसी भोज्य पदार्थ से आ रही है। अब भोज्य पदार्थ जैसे बात होती है, वैसे आपके दिमाग में क्या आता है? भाई पिज्जा खा ले, बर्गर खा ले, ये खा ले, सब कुछ है। तो ये हमारा दिमाग होता है कि हम समझ रहे हैं कि ये दाल है, हम समझ रहे हैं कि ये चावल है, हम समझ रहे हैं कि ये रोटी है, हम समझ रहे हैं बर्गर, हम समझ रहे पिज्जा है, हम समझ रहे कोल्ड ड्रिंक है। पेट नहीं समझ रहा है, जीव का जो आंतरिक सिस्टम है, इंटरनल सिस्टम है, वो ये सब नहीं समझ रहा क्या पिज्जा है, क्या गेहूं है, क्या रोटी है, क्या चावल है, क्या दाल है, ये कौन सी दाल है, दाल मखनी है कि पनीर कलेजी है, कुछ नहीं है ना, टंगड़ी उंगड़ी कुछ नहीं समझ में आ रहा है उसको। पेट को ये समझ में आ रहा है कि बेटा जो भी मेरे अंदर गया वो या तो क्या है, कार्बोहाइड्रेट है, या क्या है, प्रोटीन है, या क्या है, फैट है, या क्या है, विटामिन है, या क्या है, पानी है, या फाइबर है, यही सब वो समझ रहा है। कहने का मतलब जो बोलते हैं पंच तत्व से पूरी दुनिया बनी हुई है, तो हमारे जो शरीर है उसे खाने में केवल ये नहीं, वो जो पर्टिकुलर केमिस्ट्री की बात करते हैं ना, सब कुछ वही बेसिक एलिमेंट से बने, उससे मतलब है। अच्छा कुछ लोग, जैसे मैं बता दूं, कुछ लोग कहते हैं ना कि अंडा खाने के बाद दूध नहीं पिया जाता है, या केला खाने के बाद अंडा नहीं खाया जाता है। भाई पेट को क्या मालूम, पेट को तो मालूम है कार्बोहाइड्रेट क्या है, पेट को मालूम है विटामिन क्या है, वो अंडा और केला थोड़ी जाना है। सारी एडिबल चीजें, सारे खाद्य पदार्थ जो आपको नुकसान नहीं कर रहे हैं, वो चाहे पहले खा लो, चाहे बाद में खा लो, चाहे मिक्स करके खा लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, सब कुछ आप खा सकते हो। अगर एडिबल है तो कोई रिएक्शन नहीं होगा। ये प्रकृति ने इतना अच्छा बना के रखा है कि ऐसा नहीं है कि दूध और केला मिला दोगे, और दूध तो केला तो पी लेते सभी लोग, अंडा और केला साथ में मिला दोगे तो उसमें कोई रिएक्शन हो जाएगा, बस वो पॉइजन बन जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। ये सब हमारे मन का भ्रम है, पेट नहीं समझता उस बात को। पेट में जाता तो मिक्स ही होता है ना, कि दाल चावल यहाँ पे जाके अलग, दाल अलग रखी रहती है, चावल अलग, ऐसा नहीं है ना, सब कुछ तो मिक्स होकर जाता ही है। तो ये हम अपने स्वादानुसार अपनी कहानी बना लेते हैं, वो बात अलग है। इससे हमें पता ये चला कि जो हमारा पेट है, जो जीवों को ग्रो करने के लिए, उन्हें बढ़ने के लिए, उनके जो मान के चलो कि कुछ रक्चर्स हो जाते हैं, चोट लग जाती है, तो उसको दोबारा से रिकवर करने के लिए, इन सारी चीज़ों को जरूरत जो पूरी करने की होती है, वो एक ऐसे कॉन्स्टिट्यूएंट की जरूरत होती है, ऐसे बेसिक एलिमेंट की जरूरत होती है जो आपका केवल कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के रूप में होता है, और कुछ मिनरल्स के इनऑर्गेनिक कंपाउंड भी होते हैं, इनके रूप में होता है, अगर आपको केमिस्ट्री थोड़ी बहुत भी आती होगी तो। समझ में आ रहा होगा इतना। अब जो ये है क्या, ये बेसिकली जैसे मैंने बताया क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन, फाइबर, वाटर, मिनरल्स, यही मेनली जो 6-7 तत्व हैं, जो 6-7 बेसिक हैं कॉन्स्टेंट, इन्हीं को क्या बोला जाता है, न्यूट्रिएंट्स बोला जाता है, पोषक पदार्थ बोला जाता है। बात समझ में आ गई। तो पोषक पदार्थ हमें मिलता कहाँ से है, उन्हीं चीज़ों से मिलता है जो हम खाते हैं, जिन्हें हम डिफरेंट डिफरेंट नाम से जानते हैं, मांस हुआ, मछली हुआ, खाना वेज में, आप बात कर ले, सारा नॉन वेज बात नहीं करते हैं, दाल रोटी है ना, सब्जी हुआ, हरी सब्जियां, फल फ्रूट, दूध, ये सारी चीजें क्या है, सब कुछ क्या है, कहीं ना कहीं इन्हीं का रूप है। तो ये हमारे न्यूट्रिएंट्स हैं। काम क्या होता है, काम होता है मेनली इनका ऊर्जा देना, और बेसिक जो हमारे बॉडी होते हैं, रेप्चर्स होते हैं, जो उनमें चोट लगती है या कोई कमी आ जाती है, उन्हें क्या करना है, रिकवरी करना होता है। अगर हम न्यूट्रिएंट्स का डिवीजन करें तो ये बेसिकली 4 पार्ट में डिवीजन किया गया। क्या? एक तो हमारा ऊर्जा, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो, एनर्जी प्रोड्यूसर जो हमें ऊर्जा दे सकते हैं, ऊर्जा कौन दे सकता है, या तो कार्बोहाइड्रेट दे सकता है, या तो फैट दे सकता है। बहुत लोग कंफ्यूज होंगे, सोचते कि विटामिन भी ऊर्जा दे रहा है, विटामिन नहीं मिल रहा है तो मेरी एनर्जी डाउन हो जाएगी, ये बेवकूफ वाली बात नहीं करनी है। विटामिन से एनर्जी नहीं मिलती है, विटामिन से कैटलिस्ट की तरह काम करता है, ये मैं आगे बताऊंगा। जो आपके बेसिक कैटाबॉलिक और मेटाबॉलिक जो रिएक्शन होते हैं, उपापचय वाले जो रिएक्शन होते हैं बॉडी में, उनको मददगार करता है कैटलिस्ट, समझते हैं ना, जो किसी चीज की स्पीड बढ़ा दे, किसी केमिकल रिएक्शन की, किसी रासायनिक जो क्रिया होती है उसका जो
गति बढ़ा दे, उसे क्या कहते हैं कैटलिस्ट ही कहते हैं, ये बात सबको समझ में। तो विटामिन कैटलिस्ट है, वो कोई आपको एनर्जी नहीं देता, पानी आपको कोई एनर्जी नहीं देता। एक क्वेश्चन में पूछा गया था एक बार कि पानी से आपको कितने किलो कैलोरी एनर्जी मिलेगी, तो बच्चे को 1000-2000 लगा के जीरो जीरो किलो कैलोरी भाई, उसमें कोई ऊर्जा नहीं होती है, कोई वो नहीं होता। पानी केवल आपके जो तरल है ना बॉडी, उसका बैलेंस बनाने के लिए है, जो एसिड और बेस का जो एक लेवल होता है बैलेंस बनाने के लिए होता है, और बहुत सारी चीजें जहां पे, क्योंकि पूरा तो 65% तो पानी ही है, ये बात सभी लोग जानते हो पूरे शरीर में। तो पानी भी एनर्जी नहीं प्रोवाइड करता, एनर्जी कौन प्रोवाइड करता है, केवल कार्बोहाइड्रेट और वसा यानी कि फैट। कार्बोहाइड्रेट कार्बोहाइड्रेट बोलते हैं सब लोग हिंदी में समझते होंगे, फैट मतलब वसा होता है, इंग्लिश में फैट उसे बोलते हैं और हिंदी में वसा बोलते हैं, यही हमें सबसे ज्यादा एनर्जी देता है। और अगर आप खाने की बात करें, खाने में सबसे ज्यादा क्या होता है कार्बोहाइड्रेट। क्या फैट खाते हो? क्या फैट ऐसे नहीं खाते हो, फैट तो जनरली जब खाते क्या हो कार्बोहाइड्रेट ही खाते हो, है ना, वो रूप उसी का है। फैट और कार्बोहाइड्रेट है दोनों सिमिलर चीजें, बेसिक डिफरेंस में बताऊंगा, कुछ ऑक्सीजन कॉन्स्टिट्यूएंट का फर्क होता है, लेकिन मेनली जो हम खाना खाते हैं उसमें 60-70% जो होता है वो होता क्या है कार्बोहाइड्रेट ही होता है, और इंस्टेंट एनर्जी हमारी कार्बोहाइड्रेट ही देती है। अगर आप कहीं कोई एक्सरसाइज कर रहे हो, कहीं आप कोई गेम खेल रहे हो, कहीं आप कोई और वर्क कर रहे हो, तो जो आपको एनर्जी मिलेगी वो कहां से मिलेगी, कार्बोहाइड्रेट से मिलेगी। क्वेश्चन भी पूछा गया था, बच्चे उसमें फैट लगा के आए थे, क्योंकि दिमाग में होता है ना फैट क्या होती है, संचित होती है, फैट हमारे अंदर स्टोर होता है, जो पेट निकला होता है, बड़ा बड़ा टम्मी निकला होता है ना, पाँव इतने मोटे मोटे से हो गए, हाथ इतने मोटे, गाल लटक रहे हैं, कान लटक रहे हैं, सोचते हैं कि इनके अंदर बहुत एनर्जी, अगर उनके अंदर एनर्जी होती तो वही ना गोल्ड मेडल लेके चले जाते, बात समझ में आ रही। वो तो संचित है, वो तब है जब आप 5-6 दिन खाना नहीं खाओगे, वो धीरे धीरे वो जो फैट होगा वो काम आता रहेगा। कार्बोहाइड्रेट का काम उससे एकदम अलग है, वो इंस्टेंट एनर्जी देता है, बात समझ में आ गया। तो जो भी हम खाना खाते हैं उसमें 60-65% जो एनर्जी होती है वो कहाँ से आती है, कार्बोहाइड्रेट से आती है। तो जो हमारा पोषक पदार्थ है, न्यूट्रिएंट्स है, वो मेनली क्या कर रहा है, ऊर्जा दे रहा है। तो क्या ऊर्जा ही दे रहा है? नहीं, इसके और भी तो पार्ट है, मैंने बताया प्रोटीन विटामिन ये सभी, इनका क्या काम है, ऐसे खाली तो बैठे नहीं रहेंगे, ईर्ष्या हो जाएगा उनको, जल मरेंगे कि सारा काम तुम ही संभाल ले रहे हो, मुझे कुछ करना ही नहीं पड़ रहा है ना। तो ऐसा नहीं, सबका अपना अपना काम है, इस प्रकृति ने जितनी भी चीजें बनाई है कुछ बेकार नहीं बनाई है, सबका अपना काम है। अगर कोई एक चीज भी कम हो जाए ना तो आंखों की रोशनी चली जाएगी, बात समझ लेना। दूसरी चीज क्या है, बिल्डिंग सब्सटेंसेस, मतलब कि जो आपके बॉडी में ग्रो कर रहे हैं, आपका सेल हुआ, कोशिका हुई, है ना, इपिथीलियल सेल होता है, जो सबसे बाहरी स्किन जो होती है इपिथीलियल सेल बोलते हैं। ये हमारी खाल बढ़ती कैसे, अगर प्रोटीन ना हो तो हमारी खाल ही ना बढ़े, अगर प्रोटीन ना हो तो हमारे बॉडी में सेल ही ना ग्रो करे, सेल का हमारे एक सेल से दूसरे सेल पैदा ही ना हो अगर प्रोटीन ना हो बॉडी में, बात समझ में आ गई। तो जो बॉडी का ग्रो होता है, आप इतने बड़े पैदा होते हो और इतने बड़े हो जाते हो 6 फीट 6.5 फीट 7 फीट का, वो कौन करता है, प्रोटीन। उस प्रोटीन को आपको धन्यवाद करना चाहिए जो आपको इतने इत्तु सा था ना, वो बोलता है इतने से लेके और इतने बड़े हो जाते हो, वो सब कुछ प्रोटीन का कमाल है। ये ना मिले होते तो हाथ अलग लटक रहे होते, पैर अलग रहे होते, कुछ एक अंग छोटा होता, एक अंग बड़ा होता, यही कुछ हो रहा होता, बात समझ में आ गई। तो क्या केवल ग्रो करने का प्रोटीन काम करता है? नहीं, ये आपका जैसे मैंने बताया ना कि आप कहीं चोट खा जाते हो या कुछ और भी कोई बीमारी हो जाती है, वहां पे भी जब आपके सेल रप्चर होते हैं तब भी कौन काम करता है, प्रोटीन काम करता है। तो दूसरा जो काम होता है, शरीर का निर्माण करने वाले पोषक पदार्थ शरीर में, शरीर का मतलब बेसिक फंडामेंटल पे जाएं तो कोशिका या उत्तर सेल या टिश्यू का जो निर्माण करते हैं वो कौन करते हैं, प्रोटीन, और ये होते क्या है, न्यूट्रिएंट्स होते हैं, बात समझ में आ गई। तीसरा क्या है, उपापचय क्रिया मतलब मेटाबॉलिक रिएक्शन, और कौन कंट्रोल करता है, विटामिन्स करते हैं, जैसा कि मैंने बताया मिनरल्स करते हैं। विटामिन्स और मिनरल्स, विटामिन और जल खनिज तत्व, ये इनका काम बेसिकली क्या होता है, ये आपके मेटाबॉलिक रिएक्शन को कंट्रोल करते हैं। अभी समझिएगा मेटाबॉलिक रिएक्शन होता क्या है, इसमें थोड़ा बता दूं। जैसे सपोज करो बहुत लोगों को देखते हो कि कितना भी खा लें लेकिन वो मोटे ही नहीं होते, क्यों, उनका मेटाबॉलिक जो रिएक्शन होता है बहुत तेज होता है, मतलब जो खाते हैं सब पचके निकल जाता है, उनके शरीर में कुछ नहीं लगता, इधर इनपुट गया उधर आउटपुट निकल गया, तो शरीर में क्या लगेगा, उनका मेटाबॉलिक रिएक्शन बहुत ज्यादा तेज होता है। कुछ लोग होते हैं कुछ भी ना खाए फिर भी फूलते चले जाते हैं, हाथी हाथी के बाद पता नहीं क्या क्या, जितने भी बड़े बोल दो उन्हें जो भी संज्ञा दे दो, होते चले जाते हैं और परेशान रहते हैं, डाइटिंग करेंगे, जूस पिएंगे, पानी पिएंगे, फिर भी 1 इंच नहीं कम होगा, 1-1 साल जिम जाएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्यों नहीं फर्क पड़ता है, क्यों, क्योंकि उनका मेटाबॉलिक रिएक्शन बहुत स्लो होता है। तो ये जो मेटाबॉलिक रिएक्शन आपका उपापचय की जो क्रिया है, इसको बैलेंस करने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है, विटामिन्स की जरूरत पड़ती है, मिनरल्स के। विटामिन आप जानते हो ए डी ई के, ऐसे 20 से ज्यादा नॉन विटामिन्स हैं, जिसमें हमारा 10-12 जो हैं वो काम के हैं, जो हम पढ़ते हैं, जो हमारे सिलेबस में है, जो हमसे पूछा जाता है और जो हमें नोन है। ऐसे तो और भी हो सकते हैं क्योंकि अभी विज्ञान बहुत पीछे है मनुष्य और जीवों के मामले में, बात समझ में आ रही है, लेकिन फिर भी अभी जो नोन है वो 20 ही है।
इसके साथ मिनरल्स, मिनरल्स जैसे सोडियम हुआ, कैल्शियम हुआ, पोटेशियम हुआ, सल्फर हुआ, आयरन हुआ, ये सब क्या है, ये मिनरल्स है, इनका भी अपना प्रयोग है। सोडियम ना हो तो पता लगे आपकी मसल्स ही ऐंठती चली जाए, रोज आपको वो टांस बोलते ना, टांस चढ़ रहा है ना, खिंचाव हो जाता है मसल्स में, वही होता रहे, है ना। मैग्नीशियम ना हो, पोटेशियम ना हो तो पता लगे दिल का धड़कना ही रुक जाए आपका, क्या बोलते हैं वो, दिल का तार जुड़ा होता है ना, आप लग जाता है, डिवाइस लग जाती है। तो वो सारी चीजें मिनरल्स का ही प्रयोग होता है। तो उपापचय क्रिया को नियंत्रित कौन करते हैं, पोषक पदार्थ, वो होते हैं विटामिन्स होते हैं, जल विटामिन्स। अभी हम क्लियर, एक एक चीज को बहुत क्लियर करके क्लियर, ऐसा नहीं है कि ये मैं बस इंट्रो दे रहा हूँ। जल होते हैं, खनिज तत्व होते हैं, मतलब कि मिनरल्स होते हैं, बात समझ में आ गई। चौथा क्या होता है, प्रतिरक्षी क्षमता वाले पोषक पदार्थ। जैसे हमें कोई बीमारी आ गई, हमें कोई बीमारी आ गई, तो बीमारी आ गई तो उसके लिए भी शरीर में कुछ ऐसा होना चाहिए जो उससे लड़ सके। जैसे आप कोई WBC जानते होंगे, WBC क्या है, एक तरह का प्रोटीन ही है, बात समझ में आ रहा है, अभी आगे हम पढ़ेंगे। तो ऐसे भी कहीं ना कहीं जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो हमें कुछ ऐसे कंपोनेंट देते हैं शरीर में, ऐसा वरदान देते हैं जो बाहर की बीमारियों से, पैथोजेंस से, इन सब चीजों से लड़ सके, प्रतिरक्षा, रोग प्रतिरक्षा कर सके, बात समझ में आ रही है। तो ये हमारे क्या होते हैं, जनरली विटामिन होते हैं और मिनरल्स होते हैं, उनका यही काम होता है। मैग्नीशियम वगैरह कमी हो जाती है तो हाथ वाथ कांपने लगता है, बात समझ में आ रही। तो ये सारी चीजें तो बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो हमने बेसिकली क्या पढ़ा कि पोषक पदार्थ जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो चार टाइप के हम किए, क्लासिफाई किए। एक तो एनर्जी प्रोड्यूसर जो हमें ऊर्जा देते हैं, एक हमारे जो मेटाबॉलिक रिएक्शन को कंट्रोल करते हैं जैसे विटामिन और मिनरल्स, एक हमारे क्या है शरीर के निर्माण वाले, ग्रोथ वाले जैसे कि प्रोटीन्स, और एक हमारे प्रतिरक्षा वाले जैसे कि एंटीबॉडीज वगैरह, ये सब जो है वो क्या करते हैं, विटामिन और मिनरल्स ही करते हैं। तो इन्हीं चार कैटेगरी में हमने कर दिया है। अब इसके अलावा भी कुछ होते हैं, ऐसा नहीं है, फाइबर वगैरह होते हैं, उसके भी अपना भी बहुत बड़ा रोल है, अभी समझाऊंगा जब आऊंगा। तो बहुत मजेदार टॉपिक है फाइबर भी, आजकल जो डाइटिशियन है उनसे पूछो क्या हाल होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इससे आगे बढ़ने से पहले हम एक क्वेश्चन को देखते हैं कि जो आपके एग्जाम में ही पूछा गया, और मैं इस क्वेश्चन को इसलिए सिलेक्ट किया हूं क्योंकि जो लोअर है ना वो ऐसे ही क्वेश्चन के साथ आपके साथ खेलेगा। क्यों खेलेगा, क्योंकि ये चैप्टर ही ऐसा दे दिया है न्यूट्रिएंट्स, और न्यूट्रिएंट्स में वो कौन सा क्वेश्चन उठाएगा आपके, क्योंकि टीसीएस है, टीसीएस में हमेशा जो आपके इर्द गिर्द चीजें हो रही है ना वहीं से क्वेश्चन उठाएगा, और अगर वहीं से क्वेश्चन उठाएगा तो उससे रिलेशन तो चलाएगा ही। अब देखते हैं, प्रश्न भी समझ में आ जाएगा। केला जो एक फल के रूप में अत्यधिक मूल्यवान भोज्य पदार्थ माना जाता है, प्रति 100 ग्राम में होता है, कहने का मतलब डायरेक्टली पूछ रहे हैं कि अगर आप 100 ग्राम केला खाओगे, एक मीडियम साइज का अगर केला खाते हो, बनाना अंग्रेजी वाले, तो आप लगभग 100 ग्राम केला खा रहे हो, तो उससे आपको कितनी एनर्जी मिली। अब ये ऊटपटांग क्वेश्चन, कोई पूछने वाला क्वेश्चन है कि आप बताओ, यहाँ पे तो चलो ठीक है केला पूछ लिया, कितने लोग देखने जाते हो कि केला में क्या होता है। ऐसे प्रोडक्ट जो मार्केट में पॉलिथीन में जो आप खरीद के लेके आए, तो हो सकता है उसके पीछे रैपर में देख लो कितनी एनर्जी मिल रही है, कितना इसमें फैट है, कितना इसमें प्रोटीन है, फिर भी देख लेते हो। लेकिन ठेले वाले से पूछने जाते हो क्या, भैया इसमें कितना किलो कैलोरी है, इसमें कितना प्रोटीन, नहीं पूछते। केला से पूछते हो क्या, केला कैसे बता पाएगा, है ना, वो तो टूट गया उसके, वैसे ही मुंह नहीं है, बात समझ में आ रहा है। तो आपको पता नहीं चला, फिर गूगल करने की आपकी आदत नहीं है, गूगल करते हो तो फालतू की चीज करते हो कि आज योगी जी क्या बोले, वैकेंसी आएगी कि नहीं आएगी, किस कितने साल बाद हमारा पूरा होगा, ये सब गूगल करते हो, और फिर कोरोना और फलाना देखा ना, जो भी चीजें, बहुत सारी चीजों का हम क्या करते हैं, ऐसी चीजों को फालतू में सर्च करते रहते हैं जो कहीं ना कहीं गड़बड़ हो जाता है, बात समझ में आ रही है। अब देखते हैं इसका हमारा सही उत्तर क्या होगा, उत्तर क्या होगा इसका, इसका उत्तर 116 किलो कैलोरी होगा। अगर आप कहीं गूगल करोगे तो गूगल पे 89 किलो कैलोरी आपको दिखाएगा, लगभग आपको कुछ वेबसाइटों पे 100 के आसपास मिल जाएगा, इसलिए इसका जो नियरेस्ट वैल्यू है 116 है, यही सही उत्तर होगा आपका। आयोग ने 116 ही माना था, UPPCS का ये प्रश्न है, इसलिए मैं उठा लिया, बात समझ में आ रही है। अब ये सब बहुत दूर है, लेकिन ऐसे प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं, तो आज से ही आदत डाल लो कि आप जो विभिन्न, हालांकि जो मैं रिविजन नोट्स कंपेंडियम जो आपको दूंगा उसमें मैं सारे आपको बना के दूंगा कि किस फल में कितनी एनर्जी मिलती है, कितना प्रोटीन मिलता है, कितना सब कुछ मिलता है, कि लास्ट टाइम में आप रिवाइज करके जाओ, और एक से दो क्वेश्चन पक्का फंसेगा, निश्चित एक क्वेश्चन आएगा दो नंबर का, ये पक्का है। तो वो जो अगर आप केवल वो कंपेंडियम पक्का पढ़ लोगे तो कंफर्म है वो दो नंबर आप सही कर लोगे, बात समझ में आ गई। आप भी तब तक रिसर्च, मेरे सारे सारे ना बैठे रहना, अपना भी रिसर्च करना, दो तीन बार पढ़ लोगे तो ज्यादा कंठस्थ हो जाएगी चीजें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कैसे आपसे पूछता है, एक क्वेश्चन है बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जल्दी नहीं मिलता है। न्यूट्रास्यूटिकल्स उत्पाद हैं जिनमें होते न्यूट्रास्यूटिकल्स का नाम आप सुनेगा भी क्या होता है, अभी देखिए कह रहे पोषक विटामिन और खनिज, पोषक विटामिन और वसा अम्ल, पोषक और विषाक्त प्रभाव, पोषक और औषधि प्रभाव, चारों में से क्या होगा आप बताओ। न्यूट्रा यहां पे आपको समझ रहा है न्यूट्रिशन से कुछ रिलेटेड है, और स्यूटिकल्स
फार्मास्यूटिकल्स का नाम सुने हैं, दवाइयों का। तो जब न्यूट्रा प्लस स्यूटिकल बना हुआ है तो जाहिर सी बात है कुछ न्यूट्रिशन है और कुछ फार्मेसी है, कुछ दवाई है। तो बस दवाई मतलब औषधि हो गया और न्यूट्रिशन मतलब पोषक हो गया। ऑप्शन आपका कौन सा सही हो गया, डी सही हो गया। तो हमें थोड़ा ऐसे दिमाग लगा के भी एग्जाम में क्वेश्चन करना है, बात समझ में आ रही। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं, नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। हम बात कर रहे थे न्यूट्रिशंस के, न्यूट्रिशंस के कंपोनेंट ऑफ फूड की बात करेंगे, उसमें क्या क्या होता है। तो जैसे कि बेसिकली मैंने बता दिया, कार्बोहाइड्रेट होता है, प्रोटीन होता है, फैट होता है, विटामिन होता है, मिनरल्स होता है, फाइबर होता है और वाटर होता है। और इन्हीं सारी चीज़ों के बारे में हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देर न करते हुए कार्बोहाइड्रेट के बारे में शुरू करते हैं। कार्बोहाइड्रेट जैसा कि मैंने बताया है कि आपके जितने भी भोज्य पदार्थ होता है जो आप खाना खाते हो, फूड जिसे बोलते हो, उसमें 60-65% जो एनर्जी होती है जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो उसी खाने से मिल जाता है। बात समझ में आएगा। कहने का मतलब अगर आप 100 ग्राम खाना खा रहे हो तो उसमें 60 ग्राम आपको कार्बोहाइड्रेट मिलेगा और बाकी 60-65 ग्राम और बाकी 35-40 ग्राम में आपके प्रोटीन्स होंगे, आपके मिनरल्स होंगे, आपके विटामिन्स होंगे, आपके और अन्य जो कॉन्स्टिट्यूएंट है, पानी होगा, वो सब मिलेगा। बात समझ में आ रही। तो 60-65% आपका क्या होता है ये दिमाग में रख लो, किसी भी फूड में आपका कार्बोहाइड्रेट होता है। ठीक, अब कार्बोहाइड्रेट किसके बने होते हैं, तो ये कार्बन कंपाउंड, हाइड्रोजन कंपाउंड और ऑक्सीजन कंपाउंड के बने होते हैं। मतलब इसका जो स्ट्रक्चर होता है, दो स्ट्रक्चर होते हैं, एक रिंग स्ट्रक्चर होता है, मैं आपको बता दूं कई सारे होते हैं। बेसिकली ये सुक्रोज, आप सुनो ना, सुगर, कार्बोहाइड्रेट को आप चीनी बोल सकते हो, सुगर बोल सकते हो, अब वो वाली चीनी, खाने वाली चीनी नहीं, इसका केमिकल कंपाउंड अलग होता है, ठीक है ना, केमिकल फार्मूला। तो ये दो तरीके से होते हैं बेसिकली। जैसे अगर मैं ये सुक्रोज की बात करूं तो 6 ऐसे होते हैं या पेंटोज वगैरह होते हैं। ये सब आपके क्या हैं, ये सब आपके कार्बोहाइड्रेट ही हैं। ओपन चेन भी होती है, तो जैसे ये SSC आप पढ़े हो केमिस्ट्री, आपको याद दिला दूं, यहाँ पे OH, यहाँ पे H, यहाँ पे OH, यहाँ पे H, और ये ऐसे ऐसे बढ़ता चला जाता है। तो ये जो कुछ इसमें आप देखोगे तो क्या है, केवल कार्बन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। इन्हीं तीन कंपाउंड से मिलके पूरा का पूरा हमारा कार्बोहाइड्रेट बना होता है। इन्हीं के डिफरेंट केमिकल जो कंपोजिशन होते हैं, डिफरेंट स्ट्रक्चर होते हैं, जैसे आप सिस ट्रांस सैचुरेटेड एंड सैचुरेटेड फैट में सब पढ़ोगे, ये सब कुछ इसी से बना हुआ है। और जो ये ऐसे कंपोनेंट होते हैं उन्हें कहते क्या है, कार्बोनिक कंपोनेंट, है ना। जिसमें भी कार्बन है, कार्बोनिक, जिसमें भी कार्बन है वो क्या है, या ऑर्गेनिक हो सकते हो, ऑर्गेनिक कंपोनेंट। आप पढ़े होगे ना केमिस्ट्री में 10th 11th जब में ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो ऑर्गेनिक वाले में आप ऐसे ही तो कुछ एल्डिहाइड वगैरह, कीटोन्स वगैरह, ये सब क्या पढ़ते हो, वही तो जो ग्रुप पढ़ते हो वो सब ऑर्गेनिक में आता है। तो ये आपका अल्कोहलिक ग्रुप है, ये कार्बन है, कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, सब लोग जानते हो। ये हाइड्रोजन है, टेट्रा वैलेंसी शो कर रहा है, तो 4 आपके उस लगे हुए हैं। तो इन्हीं कंपाउंड से मिलकर आपका क्या बना होता है, कार्बोहाइड्रेट बना होता है, जो डिफरेंट डिफरेंट होते हैं, सुक्रोज होते हैं, पेंटोज होते हैं, माल्टोज होते हैं। ये सब हमारे क्या है, ये सब जितने भी शुगर का कॉन्स्टिट्यूएंट होता है वो सब हमारा कार्बोहाइड्रेट ही होता है। अगर हम इसकी बात करें तो जो इसका रेशियो होता है वो 1:2:1 होता है, मतलब जो जेनेरिक फार्मूला होता है CnH2O(N) होता है। मतलब जब कार्बन का एक कंपाउंड होगा तो हाइड्रोजन का 2 कंपाउंड होगा और ऑक्सीजन का 1 कंपाउंड होगा, CHO ऐसे बोलो तो 1:2:1 के फॉर्म में होगा। जैसे C6H12O2 ऐसे पढ़े ना, तो 1:2:1 के कंपोनेंट में आपका ऐसे ही मिलके आता है। कार्बोहाइड्रेट होते क्या है, कार्बोहाइड्रेट जनरली जब आप खाना खाते हो, कोई भी खाना खा लिए, अब खाना गया तो ऐसे तो चला नहीं जाएगा, क्योंकि पेट मैंने बताया क्या समझ रहे, कार्बोहाइड्रेट फैट ही समझ रहे। तो वो खाना पाया वो समझेगा, आप दाल पिए, दाल खाए, तो दाल जो समझेगा उससे क्या करेगा, उसे तोड़ेगा, किसमें तोड़ेगा, ग्लूकोज में तोड़ेगा, और ग्लूकोज में तोड़ने के बाद उसकी क्या ले लेगा, ऊर्जा ले लेगा, तो ऐसे उसको ऊर्जा की प्राप्ति हो जाती है। मैंने बताया ना कि आपकी आवश्यकता की जो होती है 50-70% मात्रा कौन पूरा कर देता है, कार्बोहाइड्रेट। हालांकि मैंने 60% बताया, लेकिन उसका रेंज बढ़ा सकते हो, तो 50-70% ये वेरिएबल होती है, ये आंकड़े कभी शुद्ध नहीं होते, ध्यान रखिएगा। डिफरेंट वेबसाइट पे डिफरेंट जो रिसर्च होते हैं, पेपर होते हैं, सब पे अलग अलग मिलेगा, क्योंकि अलग अलग इंसान का अलग अलग एब्जॉर्प्शन होता है, अलग अलग चीजें होती है, उस हिसाब से बहुत सारे रैंडम बहुत सारे कलेक्ट किए जाते हैं डेटा, फिर उसका चार्ट निकाला जाता है, फिर उसका वेरिएंस निकाला जाता है, तब जाके हम इस पे आते हैं। तो ये डिफरेंट डिफरेंट मिलेगा, लेकिन अनुमानित जो है वो 60-65% है। भोजन में कार्बोहाइड्रेट घुलनशील शर्करा तथा अघुलनशील मान स्टार्च के रूप में होते हैं। कहने का मतलब जो हमारे भोजन में है वो जो कार्बोहाइड्रेट होंगे, तो दो तरीके होंगे, एक तो हमारे घुलनशील होंगे और एक अघुलनशील होंगे। जो घुलनशील होते हैं वो सारे कहते हैं शुगर के फॉर्म में होते हैं, और जो स्टार्च होता है वो जल्दी सॉल्युबल नहीं होता है। हालांकि बेंजीन वगैरह कुछ ऐसी चीजें होते हैं जिसमें हमारा स्टार्च सॉल्युबल होता है, लेकिन पानी में सॉल्युबल नहीं होता है, वाटर सॉल्युबल नहीं होता है। बात समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट आते हैं। तो अभी हम देखते हैं कि कार्बोहाइड्रेट के प्रकार कितने हैं, है ना। अगर उसे हम
डिराइव करें। लेकिन उससे पहले कुछ चीज जान लेते हैं कि 4.2 ग्राम जो ग्लूकोज है ना, अगर हम उसे खाएंगे तो 1 किलो कैलोरी मिलता है। ये मैंने इसलिए रख दिया है क्योंकि एग्जाम में डायरेक्ट पूछ लेता है, तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसे आप नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, जैसे भी ले लीजिएगा, इसलिए मैं डायरेक्ट उसे लिख लिया हूँ, बात समझ में आ रही है। चलिए अगर हम ये बात करें कि किस किस सोर्स से मिलता है कार्बोहाइड्रेट, तो जितनी सारी चीजें जो मीठी होती हैं वो तो निश्चित है कि उसमें कार्बोहाइड्रेट होगा, जैसे आपका आलू हुआ, आपका मक्का हुआ, आपका चावल हुआ, इन सबका जो बेसिक जो टेस्ट है वो मीठे में टच कर रहा है। क्या हुआ, ये गंजी जिसे बोलते हो, है ना, स्वीट पोटैटो जिसे अंग्रेजी में बोलते हैं, ये सारी चीजें सब में क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। इसके अलावा गुड़ वगैरह में, गेहूं, चावल, मक्का, ज्वार, बाजरा, जौ, शक्कर में, क्योंकि मीठा है तो जाहिर सी बात है कार्बोहाइड्रेट होगा। गुड़, शहद, सूखे फल में, जो सूखे फल मतलब कौन से होते हैं, अंजीर वगैरह होते हैं, या फिर आपके ड्राई फ्रूट्स में काजू वगैरह, बादाम वगैरह, ये सब क्या है, इन सब में बहुत ज्यादा पाया जाता है। पके फल में पाए जाते हैं आलू, शकरकंद, चुकंदर, रसीले फल में गन्ना, शलजम, केला, मांस आदि। तो अभी देखिए ये वाला जो टास्क होता है ये सबसे टफ होता है लोगों को याद करने में कि किस फल में क्या पाया जाता है। यहाँ पे मैं एक बहुत बेसिक चीजें आपको बता दूं कि एक जो बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग होती है आपके दिमाग में, जैसे आप बोलते हो कि सपोज करिए कि गाजर में विटामिन ए पाया जाता है, तो आपके दिमाग में होता है कि गाजर में विटामिन ए ही पाया जाता है, कोई अन्य विटामिन नहीं पाया जाता है। ऐसा नहीं है, किसी भी एक फल में डिफरेंट सारे विटामिन पाए जा सकते हैं। जिसकी मात्रा सबसे ज्यादा होती है हम उसे बोलते हैं कि ये विटामिन ए रिच है। तो गाजर को बोलेंगे विटामिन ए रिच है, आम को बोलेंगे विटामिन ए रिच है, मिर्ची को बोलेंगे विटामिन सी रिच है, आंवला को बोलेंगे विटामिन सी रिच है। मतलब कि इसमें सी, जो विटामिन सी है वो सबसे ज्यादा है, बाकी सबकी मात्रा कम है। जैसे अभी आप एप्पल की बात करो, सेब की बात करो, 100 ग्राम एप्पल में, ऐसा नहीं है, 1 ग्राम आपको अन्य में मिल जाएंगे, लेकिन जो ज्यादा है उसकी बात हम अलग कर लेते हैं। तो चलिए अब इसीलिए सबसे ज्यादा दिक्कत होती है कि इतने सारे फल दिए हुए हैं किस में क्या होता है। तो ये जब आप बेसिकली कई बार पढ़ोगे तब आपको समझ में आएगा। एक जनरल सा कॉन्सेप्ट ये है कि जो भी चीज मीठे होते हैं क्योंकि सुक्रोज है तो उसमें क्या होगा, कार्बोहाइड्रेट पाया जाएगा, ठीक है। चलिए कार्बोहाइड्रेट के प्रकार की हम बात कर रहे थे, टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट के, तो ये 3 प्रकार में जनरली होते हैं। कौन कौन से होते हैं, मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड। मोनोसैकेराइड क्या, जैसे सुगर का ही कंपोनेंट होता है, चीनी होता है, समझ गए, जो फॉर्मूला होता है रिंग टाइप में 6 कार्बन लगे होते हैं, इसका जो मोनोमर होता है, सिंगल कंपाउंड होता है, उसे क्या बोलते हैं, कार्बोहाइड्रेट बोलते हैं। अगर हम ये सोचें कि कार्बोहाइड्रेट में पानी उससे निकाल दे रहे किसी प्रोसेस से, तो नहीं निकाल पाएंगे, इसका मतलब उसका हाइड्रोलिसिस संभव नहीं है। जबकि अगर हम दो मोनोमर इकट्ठा कर ले, है ना, 2 मोनोसैकेराइड को एक साथ कर दें और उसका केमिकल रिएक्शन कराए तो उससे पानी हम निकाल सकते हैं। मतलब जब हम डाइसैकेराइड या पॉलीसैकेराइड में जाएंगे तब तो हमें पानी मिल सकता है, लेकिन मोनोसैकेराइड से हम पानी नहीं निकाल सकते हैं। हम आपको इसका स्ट्रक्चर दिखा दें, तो ये आपका जैसे ग्लूकोज मोनोसैकेराइड में क्या क्या आते हैं, ग्लूकोज आते हैं, फ्रक्टोज आते हैं, गैलेक्टोज आते हैं। फ्रक्टोज वगैरह आपको जूसी फ्रूट में, ऐसे फल में जिसमें जूस वगैरह ज्यादा होता है, या लगभग सभी फल में, मीठे फल में क्या पाया जाता है, फ्रक्टोज पाया जाता है। ग्लूकोज आप जानते हो, शुगर वगैरह, गुड़ वगैरह सब में क्या पाया जाता है, ग्लूकोज पाया जाता है। गैलेक्टोज आपका दूध में पाया जाता है, जो दूध में मिठास होती है वो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत गैलेक्टोज के ही कंपोनेंट से होती है। तो ये जो बेसिकली आपके ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज हैं, ये आपके किस क्या होते हैं, मोनोसैकेराइड होते हैं। ध्यान दीजिए, ग्लूकोज में 6 कार्बन है, ये जो होते हैं ना पॉइंट, ये कार्बन होते हैं, 1, 2, 3, 4, 5 और एक ओ लगा हुआ है। तो ये हमारा जो बेसिक स्ट्रक्चर ग्लूकोज का है, ये हमारा जो बेसिक स्ट्रक्चर है पेंटागन की तरह दिख रहा है, ये फ्रक्टोज का है, ये भी हेक्सागन की तरह दिख रहा है, क्या दिख रहा है, गैलेक्टोज दिख रहा है। ये जो होता है ये CO का ग्रुप होता है, जो यहाँ पे O दिख रहा है ना, कीटोन ग्रुप कहते हैं, इसमें हमारा ये लगा होता है, इसमें डबल बॉन्ड होता है यहाँ पे, क्योंकि O हमेशा डबल बॉन्ड बनाएगा C से, बात समझ में आ रही है। चलिए मोनोसैकेराइड का अगर स्ट्रक्चर आपने देख लिया होगा तो हम पॉलीसैकेराइड की बात कर लेते हैं। ये जनरली क्रिस्टल साइज में होते हैं। हम डाइसैकेराइड की बात करते हैं, तो जब हम दो मोनोसैकेराइड को एक साथ ले आएंगे और उसे मिला देंगे तो क्या बन जाएगा, हमारा डाइसैकेराइड बन जाएगा। दो अलग अलग सैकेराइड सिंगल सिंगल यूनिट को मिला दीजिए, और अब यहाँ पे देखिए आपको 2H और 1O मिल रहा है, तो हम इससे इसका मतलब अब पानी इसका अलग निकाल सकते हैं किसी भी केमिकल रिएक्शन से, तो इससे पानी निकलना आसान है। हम देख लेते हैं ये कौन कौन सा है। ये जो आपका स्ट्रक्चर है ये सुक्रोज का है, और सुक्रोज प्राप्त कैसे होता है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज, ये क्वेश्चन इस पे बन सकता है, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है, सीधा दे देगा ग्लूकोज और फ्रक्टोज बराबर
बराबर सुक्रोज, गैलेक्टोज और ग्लूकोज बराबर लैक्टोज, और ग्लूकोज और ग्लूकोज बराबर मेल्टोज, और कोई एक और दे देगा उसमें से आपसे पूछेगा, सुमेलित नहीं है वो आपको पता करना पड़ेगा। तो ये आप दिमाग में रख दो कि जब आपका ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज मिलेगा तो आपका सुक्रोज बनेगा, जब आपका गैलेक्टोज प्लस ग्लूकोज बनेगा तो आपका लैक्टोज बनेगा, और अगर दोनों ग्लूकोज और ग्लूकोज मिला देंगे तो आपका क्या बन जाएगा, माल्टोज बन जाएगा। एम में से डिनोट कर दे रहा हूँ, बात समझ में आ रही है। तो ये बेसिक यानी ग्लूकोज और फ्रक्टोज मिलके हमारा सुक्रोज बन रहा है, गैलेक्टोज ग्लूकोज मिलके लैक्टोज, ये क्योंकि इसमें गैलेक्टोज है तो लैक्टोज है तो ये फिर से हमारा दूध के ही कंपोनेंट में जाएगा। सुक्रोज आपका ग्लूकोज और फ्रक्टोज है तो फिर से फलों में ही ये पाया जाता है, बात समझ में आ रही है। माल्टोज की बात कर रहे हैं, ग्लूकोज और ग्लूकोज ये डिफरेंट पोर्शन में फल वगैरह में पाए जाते हैं, माल्टोज हमारा। चलिए इसके बाद हम पॉलीसेकेराइड देख लेते हैं। अब ये दो से ज्यादा और मिलते चले गए तो हमारा क्या बन जाता है, पॉलीसेकेराइड बन जाता है। जैसे हमारा स्टार्च हुआ, साइटिन हुआ, या सेलुलोज वगैरह हुआ, ग्लाइकोजन हुआ, ये सारे क्या हो जाते हैं, हमारे पॉलीसेकेराइड होते हैं। मैं उसका बेसिक स्ट्रक्चर आपको यहाँ पे दे दिया हूँ, 1, 2, 3, 4 ये सारे क्या मिले हुए हैं, ये देखिए सारे सुक्रोज मिला दिए तो हमारा क्या बन गया, सेलुलोज। और सेलुलोज बनता कहाँ है, सेलुलोज बनता कहाँ है, आप जितने भी आपकी कोशिका भित्तीय सेल वाल होते हैं, सेलुलोज वहीं पे होता है, साइटोप्लाज्म वगैरह होता है, तो वो जो उसका फॉर्मेशन करता है वो क्या होता है, सेलुलोज ही होते हैं बेसिकली। स्टार्च जो होता है वो डिफरेंट होता है सेलुलोज से, स्ट्रक्चर आपको लगभग सिमिलर दिख रहा होगा लेकिन इसमें अंतर होता है सिस और ट्रांस का। इसमें देखिए उस वो ऐसे है, इसमें वो क्या है, नीचे है। तो जब हम कोई भी सिस ट्रांस आप जानते हैं केमिस्ट्री में पढ़ेंगे उस चीज को मैं अच्छे से बता दूंगा ऑर्गेनिक में, तो जब उसका स्ट्रक्चर बदल जाता है क्या हो जाता है, स्टार्च हो जाता है। दोनों की सारी चीजें लगभग लगभग सेम ही मिलती हैं, बस इसका स्ट्रक्चर थोड़ा अलग होता है। तीसरी चीज क्या है, ग्लाइकोजन है, ग्लाइकोजन का भी स्ट्रक्चर सिमिलरली सेम है। और चौथा है चिटिन, चिटिन आपका जो बेसिक स्केलेटन होते हैं, जैसे आप बहुत सारे जीव देखते होंगे, जैसे आप कछुआ देख रहे हो तो ऊपर का जो वो होता है नहीं, ऊपर का ढाल जो होता है उसका, वो सारे का चिटिन होते हैं। या और भी बहुत सारे ऐसे होते हैं सांप के ऊपर का जो होता है वो सारे क्या होते हैं, वो चिटिन ही होते हैं, या काइटिन भी बोलते हैं इसे, कुछ लोग प्रोनाउंसिएशन करते हैं अलग अलग करते हैं। ये सारे हैं किसके, ये पॉलीसेक्राइड है, ये किसके रूप है, सारे कार्बोहाइड्रेट के रूप है। तो एक जनरल सा क्वेश्चन बन सकता है कि पॉलीसेक्राइड निम्न में से कौन सा, निम्न में से पॉलीसेक्राइड नहीं है, वो चार ऑप्शन दे देगा, काइटिन दे देगा, ग्लाइकोजन दे देगा, स्टार्च दे देगा, और एक कुछ आपको सुक्रोज दे देगा। अब जब आप इसे बहुत विधिवत देखे होंगे, बहुत डीपली देखे होंगे, तब आप इसका उत्तर दे पाओगे, वरना नहीं दे पाओगे, और प्रश्नों का स्तर थोड़ा टफ होना है। इसलिए मैं आपको स्ट्रक्चर वगैरह सब कुछ साथ लेके आया हूं ताकि ये अच्छे से आपके दिमाग में फिट हो जाए, आपको एक फोटो की तरह दिमाग में बैठ जाए, ताकि ये हमारा ग्लूकोज है, ये हमारा फ्रक्टोज है, ये हमारा लैक्टोज है, ये हमारा गैलेक्टोज है, ये हमारा माल्टोज वगैरह है या साइटिन वगैरह है। ये सारी चीजें आपको तब पता चलेंगी जब आप इसे विधिवत देख पाओगे। तो हमने कार्बोहाइड्रेट में क्या क्या देखा, कार्बोहाइड्रेट के 3 बेसिक स्ट्रक्चर हैं, सैकराइड, मोनोसैकराइड, डाइसैकराइड और पॉलीसैकराइड। मोनोसैकराइड में हमारा ग्लूकोज सुक्रोज वाला रहा था, उसके बाद हमारा जब डाइसैकराइड हुआ तो 2 ग्लूकोज को मिला दिया, हमारा सुक्रोज बन गया। उसके बाद हमारा जब पॉलीसैकराइड हो गया तो हमारा काइटिन वगैरह ये सारे बन गए। जब हम 2 से ज्यादा मोनोमर को मिला देंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, पॉलीसैकराइड्स बन जाएगा। इसमें स्टार्च, सेलुलोज और काइटिन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है, इसके बारे में मैं आपको अलग से भी बता दूंगा, नोट्स में भी आपको उसमें मिल जाएगा, तो अच्छे से देख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, कार्बोहाइड्रेट का कार्य क्या होता है। तो मैंने अभी तक लगता है सारी चीजें बता दिया है, कार्बोहाइड्रेट का कार्य क्या है, ऊर्जा का, ये डीएनए और आरएनए के भी मुख्य घटक होते हैं, साथ में ही प्रोटीन को संरक्षित रखते हैं, प्रोटीन को कंबाइन करके रखते हैं, कार्बोहाइड्रेट का ही काम होता है। और सेल मेम्ब्रेन, जैसे मैंने क्या बोला कि ये अभी जस्ट ये वाला क्या है, सेलुलोज, ये सब सेल मेम्ब्रेन को ही बनाते हैं। तो अल्टीमेटली कार्बोहाइड्रेट का काम आप ये भी लिख सकते हो, जैसे काइटिन का काम क्या होता है, तो वो जो काम करेगा बेसिक स्केलेटन देने का, है ना, बेसिक स्ट्रक्चर देने का, तो वो काम भी आपका क्या हो जाएगा, कार्बोहाइड्रेट का ही काम हो जाएगा। तो एनर्जी तो देते ही देते हैं, डीएनए आरएनए के भी घटक होते हैं, प्रोटीन के भी संरक्षित रखते हैं, सेल मेम्ब्रेन, स्केलेटन, इतना सारा काम करता है कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट के लिए एक बार आप धन्यवाद बोलिए उस प्रकृति को कि इतनी अच्छी चीजें आपको तरह तरह चीजों में दे दी है, जिसकी वजह से आप जीवित हो, ग्रो कर रहे हो और अधिशासी बनने, अधिशासी अधिकारी बनने का ख्वाब देख रहे हो। बात समझ में आ रहा है, ये सबका किसको जाता है श्रेय, सब कार्बोहाइड्रेट को जाता है, आपका कुछ नहीं है। घमंडी इंसान को नहीं होना चाहिए, अगर प्रकृति से कार्बोहाइड्रेट खत्म हो जाएगा तो आपका अस्तित्व खत्म हो जाएगा, हमारा अस्तित्व खत्म हो जाएगा। बात समझ में आ रही है। चलिए अगर हमें कार्बोहाइड्रेट के बारे में अच्छे से समझ में आ गया तो हम नेक्स्ट देख लेते हैं फैट्स के बारे में। अब आता है
कार्बोहाइड्रेट और फैट, क्यों है एक ही क्लास में सब कुछ कवर करना है, थोड़ा लंबी क्लास जाएगी, लेकिन परेशान मत होइएगा इस क्लास के बाद, ताकि आपका 40-50% सिलेबस की बायो का यही मैं कवर कर दूंगा। बात क्लियर हुई, फिर आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। बाकी आपके नोट्स हैं, अच्छे से पढ़ लीजिएगा, जितना डीपली पढ़ लीजिएगा इससे एक अच्छा से अलग नहीं होगा सब कुछ, और बाकी जो रिविजन और जो क्वेश्चन होंगे उसे करते जाइएगा, तो एक भी क्वेश्चन आपका अलग छूटेगा नहीं, सब कुछ कवर हो जाएगा इतने में ही। बात समझ में आ गई, अलग ज्यादा भटकने की जरूरत नहीं है। बहुत कायदे से वीडियो लेक्चर देखिए, बहुत कायदे से सारे कॉन्सेप्ट समझिए, बहुत कायदे से आप नोट्स पढ़िए, कंपेंडियम पढ़िए और क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए, 100 से ज्यादा तो मजा आ जाएगा। चलिए, फैट्स क्या होते हैं, वसा। फैट के बारे में तो सब लोग जानते होंगे, कौन ऐसा जो फैट नहीं आता है, जहां भी देखो हर घर में 4-5 तो फैट दिख ही जाते होंगे, कोई इधर लटकाया हुआ है पेट के रूप में, कोई मोटे मोटे पैर लिया हुआ है, किसी के गाल ही फूले हुए हैं, आंखें घुसी जा रही है, तो सब क्या है, फैट ही है। तो ये आए कहां से, ये आए कार्बोहाइड्रेट से। जब हम कार्बोहाइड्रेट लिए फूड के रूप में, जब कार्बोहाइड्रेट लिए तब जो हमें एनर्जी की जरूरत थी वो तो पूरी हो गई, लेकिन जब जरूरत नहीं थी वो कहीं ना कहीं तो जाएगी, ऐसे तो बर्बाद नहीं होगी, प्रकृति की देन है, प्रकृति ऐसे तो बर्बाद नहीं कर देगा। तो शरीर बहुत ही कंजूस टाइप का इंसान होता है, जो हमारा शरीर होता है बहुत कंजूस, उसके अंदर जो आते ना उसे निकालने में उसे बहुत मशक्कत होती है, वो जल्दी छोड़ना नहीं चाहता, सोचता सब कुछ मेरा हो जाए। अब सपोज करिए कि उसने 60 ग्राम का डेली इंटेक चाहिए ना, 60 ग्राम का कार्बोहाइड्रेट उसने इंटेक किया सपोज करो, अब उसने उतना काम किया नहीं। बहुत सारे आलसी लोग पड़े रहते हैं, और आज के समय पहले तो मान लो किसान लोग ज्यादा होते थे, गांव में जाओ तो सभी लोग खेती बाड़ी करते थे, दिन भर मेहनत करते रहते थे, तो वहां पे कभी किसी अपने दादा परदादा किसी ऐसे को देखे जो पुराने, खासकर किसी किसान को देखे जिसका पेट निकला हो, क्यों उनका पेट निकल ही नहीं सकता, क्योंकि उनका फैट कभी स्टोर ही नहीं हुआ, उनके पास कार्बोहाइड्रेट एक्स्ट्रा बचा ही नहीं। हम क्या करते हैं, हमारे पास कोई काम धाम होता ही नहीं है, इधर खाना खा रहे हैं उसके बाद बिस्तर पे पड़े हैं, चारपाई तोड़ रहे हैं, फोन लेके इधर उधर चला रहे हैं, तो क्या करेंगे, लिए हम 100%, काम लगा 20% का, तो 80% कहां जाएगा, पेट के रूप में तो निकल के आएगा, वो 80% क्या है, वो फैट है। इसका मतलब जो कार्बोहाइड्रेट हम लेते हैं वो हमारे बॉडी में फैट के रूप में संचित हो जाता है। अच्छा, बॉडी बहुत, जो हमारे शरीर होती है ना, बहुत दूर दृष्टि की होती है, वो सोचती है बेटा अभी तो मौज कर रहे हो, अभी पढ़ाई लिखाई नहीं कर रहे हो, अभी मेहनत नहीं कर रहे हो, एक समय ऐसा आएगा जब आपकी ना नौकरी होगी ना कुछ होगा, तब मेहनत करके कमाना पड़ेगा और खाना भी नहीं मिलेगा, इसलिए मैं स्टोर कर रहा हूं ताकि आपको बाद में जरूरत पड़े। बात समझ में आ रही। तो फैट का काम क्या होता है, जब बॉडी में एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है और बाहर से एनर्जी नहीं मिल पाती, कार्बोहाइड्रेट के रूप में नहीं मिल पाता, तब हम फैट की जरूरत पड़ती है, और उस फैट से हमारी जो बॉडी होती है वो एनर्जी रिवर्स करती रहती है। यही कहा, इसलिए कहा जाता है कि अगर आपको दुबला होना है तो खाना थोड़ा कम कर दो, खाना थोड़ा कम कर दो और मेहनत थोड़ा ज्यादा बढ़ा दो। पता लगे आप खाना भी कम कर दिए और काम जितना पहले करते थे वो भी नहीं कर दो, कि मैं कुछ खा नहीं रहा हूं, करूंगा तो थक जाऊंगा, तो आप दुबले थोड़ी ना होगे। आप खाना भी कम करो, आप उसके प्रति एक्सरसाइज भी करो, मेहनत भी करो, तब जाके आप थोड़ा दुबले होगे। आजकल मोटे होने का चांस बहुत होता है लोगों को। तो ये होता है फैट। फैट्स की खासियत होती है, कार्बोहाइड्रेट से अलग क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट में क्या होता है, ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा होती है, जबकि फैट में ऑक्सीजन की मात्रा क्या होती है, कम होती है। ध्यान रखिएगा, कार्बोहाइड्रेट में ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा होती है और फैट में ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है। कम रहने के कारण ये जब ऑक्सीडाइज होता है, जब ये केमिकली बॉडी के अंदर रिजेक्ट करता है, तो इसमें जो ऊर्जा होती है वो कहीं ज्यादा निकलती है। मतलब कि जितना आप कार्बोहाइड्रेट से निकल रहे थे, मतलब 4.2 ग्राम निकाल के 1 किलो कैलोरी कर रहे थे ना, फैट से अगर 4.2 ग्राम फैट करेंगे तो इसमें 2 किलो कैलोरी आपको ऊर्जा मिलेगी, दुगना से भी ज्यादा ऊर्जा मिलती है अगर आपका फैट ऑक्सीडाइज होता है तो। बात समझ में आ गई, ये बहुत जनरल सी बात है। आप देखते हो कि जो मोटे लोग होते हैं बिना खाए हुए 2-3 दिन ऐसे रह जाते हैं, और हम लोग जो दुबले पतले लोग होते हैं, पता लगे सुबह से शाम हो जाए तो एकदम चक्कर आने लगता है, क्योंकि बॉडी को तो एनर्जी की डिमांड होती ही होती है ना। अब एनर्जी की डिमांड है लेकिन हमारे पास फैट है नहीं, तो बॉडी को ना उस फैट से मिल रहा है, उसका जो संचित निधि जिसे बोलते हो आप लोग इकोनॉमिक्स की भाषा में, है ना, ना वहां से मिल रहा है ना खाना मिल रहा है, तो चक्कर आएंगे ही, शरीर में ऑक्सीजन का लेवल माइंड में पहुंच नहीं पाएगा, तो क्या होगा, चक्कर आके गिरोगे ही। तो अल्टीमेटली जो फैट्स होते हैं वो हमारे संचित होते हैं, बॉडी में स्टोर होते हैं। कहाँ स्टोर होते हैं, हमारे एडिपोज टिश्यू में स्टोर होते हैं। एडिपोज टिश्यू
जो हमारी एपिथेलियल टिश्यू होती है स्किन के जस्ट नीचे एपिथेलियल टिश्यू होती है और उसके जस्ट नीचे एडिपोज टिश्यू होती है। तो ये जहाँ भी एडिपोज टिश्यू पाए जाते हैं वहाँ पे जाके स्टोर हो जाते हैं। अब आप अंदाजा लगा सकते हो कि कहाँ कहाँ एडिपोज टिश्यू होता है, मैं आपको दिखा दूँ अच्छे से स्ट्रक्चर की बात क्यों करूँगा। कहाँ कहाँ होता है इंसान में, जब कोई इंसान मोटा होता है तो क्या मोटा होता है, सबसे पहले उसका पेट निकलता है, इसका मतलब एडिपोज टिश्यू कहाँ पे होगा, पेट में होगा। उसके बाद उसके क्या बढ़ते हैं, पैर मोटे होते हैं तो फिर एडिपोज टिश्यू कहाँ होगा, जंघों में होगा। उसके बाद हाथ वगैरह में ये सब बढ़ता है तो एडिपोज टिश्यू कहाँ होगा, यहाँ पे भी होगा। तो ये चार पांच जगह है जहाँ पे एडिपोज टिश्यू पाए जाते हैं, तो यहीं पे जाके हमारा फैट स्टोर होता रहता है। ज्यादा फैट हो जाता है तो पता लगा सकते लीवर उबर में भी जाके स्टोर हो गया, और अगर लीवर में स्टोर हो गया तो आपका लीवर फैटी हो गया, फैटी लीवर हो गया, पता लगे आप आधी जिंदगी तो वैसे परेशान हो गया, आधी से फिर शुगर उगर बढ़ने लगा, सब कुछ बढ़ने लगा। तो फैट का बढ़ना भी बहुत बेकार है, फैट के अपने प्रयोग भी वो भी हैं, प्रॉन्स भी और कॉन्स भी हैं, लाभदायक भी है हानिकारक भी। लाभदायक किसे है, फैट आपके लिए संचित ऊर्जा रखता है, जब आपके पास कार्बोहाइड्रेट की कमी हो जाती है तो फैट जो होता है आपको एनर्जी देता है, यहाँ पे उसकी पॉजिटिविटी है। नंबर एक, रिस्टोर रहता है तो आपको एनर्जी देता है। नंबर दो, जो ज्यादा मोटे लोग होते हैं ना उनको ठंडी कम लगती है, पता लगे जो दुबले पतले होते हैं ना थोड़ा सा टेम्परेचर पता लगा 19-20 हुआ, उन्हें चद्दर चाहिए, अब रहा नहीं जाएगा, सारे रोंगटे खड़े हैं, शरीर एकदम परेशान है, दिमाग कहीं नहीं लग रहा है, कहाँ वहां पे वो बोले कोना पाए और घुस जाए रजाई पाए घुस जाए, ऐसे होता है छोटे लोग। जो मोटे लोग होते पता लगे ठंडी में 3-4 डिग्री सेल्सियस चला गया है, ऊपर से स्नो गिर रहा है, वो टी शर्ट में निकल गए हैं, एकदम साड़ा बन के घूम रहे हैं, गर्मी ठंडी ही नहीं लग रही है, इतनी गर्मी भरी हुई है। तो इसका मतलब क्या हुआ, हमारा टेम्परेचर रेगुलेट करता है बॉडी का, अगर ज्यादा फैट होगा तो क्या होगा, हमारे बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा रेगुलेशन होगा, ज्यादा मेंटेन रहेगा। तीसरी चीज, दुबले पतले हैं पता लगा किसी से लड़ाई हो गई, एक घूसा मारे पता लगा अतड़ी में लग गया, लीवर डैमेज हो गया, इधर किडनी खराब हो गई, कहीं थोड़ी सी भी चोट झेल नहीं पाएंगे। जो मोटे लोग हैं पता लगे लेके आओ बांस लेके मारो तब भी कुछ नहीं, एकदम पेट सबसे आगे कर देंगे कि हाँ कुछ हो ही नहीं सकता, सारा का सारा जो जर्क है सारा का सारा फोर्स है वो हमारा पेट ही संभाल लेगा। तो इसका भी अपना फायदा है, पता लगे दुबले लोग होते हैं ऊपर से कहीं चारपाई से गिर पड़े, कुर्सी से गिर पड़े तो उनके हाथ पैर टूट गए, मोटे लोग हैं एकदम 4-5 तो रोल हो जाएंगे तब भी उनका हाथ पैर नहीं टूटेगा। तो कहने का मतलब आपका जो जर्क होता है, जो आपके अंदर के एलिमेंट्स होते हैं उनको भी बहुत ही ज्यादा फायदा कर देता है। हालांकि ये सब केवल बहकाने वाली बात है, इसका कोई मतलब नहीं होता है, लेकिन फिर भी अब है तो हमें फायदा तो बताना पड़ेगा, वरना मोटे लोग बुरा मान जाएंगे और हमें किसी को यहाँ पे बुरा तो मानना नहीं देना है। इसके नुकसान क्या हैं, अगर फैट ज्यादा होता है तो लीथर्जी ज्यादा हो जाती है, इंसान बहुत ही आलसी हो जाता है, फैट ज़्यादा होने से बॉडी में कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ जाता है ना, जिससे विभिन्न तरीके की बीमारियां हो जाती हैं, जो हमारे वीन्स होते हैं, जो हमारे नम्स होते हैं उसमें कोलेस्ट्रॉल जमा होता है, जिससे हमारे ब्लड प्रेशर लो हो जाता है, हार्ट डिजीज़ के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, हार्ट डिजीज के बाद में ही उसके बाद लीवर फैटी हो जाता है, सारा पाचन क्रिया खत्म हो जाता है, फिर पता लगे डायबिटिक पेशेंट हो जाते हैं, डायबिटिक पेशेंट हो गए तो चीनी ऐसे ही छोड़ देते हैं, पता लगा जहाँ भी मिला वहाँ पे परेशान हो गए, उसके बाद उसकी किडनी खराब हो जाती है, जो भी शुगर के पेशेंट को देखते हो ना बहुत जल्दी किडनी खराब होती है। तो उसके बहुत डिमेरिट है, फायदे कम है, डिमेरिट बहुत ज़्यादा है, ज़्यादा फैट के तमाम बीमारियाँ हैं, तमाम चीज़ें हैं। तो ये हमारी फैट की जनरल सी बात है। अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो जो फैट होता है वो मेनली एक आपका क्या होता है, ग्लिसरॉल जो होता है, इस ग्लिसरॉल में तीन आपके ये जो होते हैं आपके फैटी एसिड्स ये आपके लगे होते हैं। अगर आपको इसका स्ट्रक्चर देखो, जनरली स्ट्रक्चर देखो तो ये कुछ ऐसे आपको दिखेगा, ये तीन स्ट्रिंग आपको ऐसे लगे रहेंगी। तो ये जो तीन स्ट्रिंग है ये यही चेन है, ये किसकी चेन है, कार्बन चेन है, जिसे आप बोल सकते हो फैटी एसिड भी बोल सकते हो, फैटी एसिड की चेन हो सकती है। और ये जो होते हैं ये ईस्टर लिंक जैसे जुड़े होते हैं, इसे कार्बोक्सिल ग्रुप बोला जाता है, COO आप समझ रहे होंगे। तो यहाँ पे आपका कार्बोक्सिल ग्रुप होता है, ये आपका जो होता है ग्लिसरॉल होता है, ये ग्लिसरॉल पार्ट होता है, ग्लिसरॉल में लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, ये आपका फैटी एसिड होता है जो आपको चैन दिखती है, फैटी एसिड होती है, और ये आपका कार्बोक्सिल ग्रुप होता है, ये आपका बेसिक स्ट्रक्चर है। तो क्वेश्चन इसमें कैसे बोल सकता है, इसे ट्राइग्लिसराइड भी बोलते हैं क्योंकि इसमें तीन है, तीन एसिड है, इसलिए इसे क्या बोलते हैं, ट्राइग्लिसराइड भी बोलते हैं।
आपका बेसिक स्ट्रक्चर से कैसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि निम्न में से कौन सा फैट में मौजूद नहीं है, वो दे देगा ग्लिसरॉल, दे देगा फैटी एसिड, दे देगा कार्बोक्सिल, दे देगा और कुछ एक कंपाउंड और दे देगा, उसमें से आपको ढूंढना रहेगा। तो जब आप इसका स्ट्रक्चर देख रहे होगे तो पता रहेगा कि एग्जैक्टली इसमें क्या है क्या नहीं है। चलिए इसके आगे हम देखते हैं। तो अगर हम फैट की बात करें तो जो फैट होता है मेनली वाटर इनसोल्युबल होता है, मतलब पानी में घुलनशील नहीं होता है। लेकिन बेंजीन वगैरह हुआ या आपका क्लोरोफॉर्म वगैरह हुआ, एसीटोन हुआ, पेट्रोलियम हुआ, अल्कोहल हुआ, ईथर हुआ, इन सब में ये आसानी से घुल जाता है। अच्छा यही कारण देखो अल्कोहल में घुलनशील है फैट। आप देखोगे जो ज़्यादा ये पीने वाले लोग होते हैं ना, दारू वारू जो पीते हैं अक्सर मस्त मौला रहते हैं, दुबले ही होते हैं। अभी आप बोलोगे ऐसा नहीं है सर, मैं जितने लोगों को देखा मोटे ही देखा, तो कारण है, अभी मैं समझाता हूँ। जनरली क्या होता है, अगर आप दारू पियोगे तो आप दुबले ही होगे। क्यों? क्योंकि जो आपका बॉडी का फैट है वो अल्कोहल में सॉल्युबल होगा। तो जब जब आप कंज्यूम करते हो अल्कोहल, वो स्टमक में गया, वो अल्कोहल ब्लड सेल में गया, वो ब्लड सेल जहां जहां टहला, ब्लड के साथ जहां जहां टहला गया, फैट से मिला और फैट को कंज्यूम करके अपने में मिला लेके किडनी के साथ बाहर निकाल दिया। तो इससे दो कारण आप देखते होंगे, एक तो जब ज्यादा कोई अल्कोहल पीता है तो उसको पेशाब ज्यादा लगती है, कारण यही होता है क्योंकि वाटर इसमें जो सोल्यूबल होता है फैट, बात समझ में आ रही है। दूसरी बात क्या होती है कि इंसान दुबला ही होगा। जनरली मोटे क्यों दिखते हैं, क्योंकि आज का जो चलन है, लोग बोलते हैं ना कि यार, अब कहने वाली बात नहीं है लेकिन बोलते होंगे, फैशन चल गया है कि जो दारू वगैरह पीते हैं उसके साथ वो उससे ज्यादा खा लेते हैं। जितना आप सोचो, वो इंसान अगर दारू ना पिए और इतना खा ले तो और कितना मोटा हो जाए, जो आपको थोड़ा हैवी लोग दिखते हैं पीने वाले लोग। जनरली जो अल्कोहल कंज्यूम करते हैं वो दुबले होते हैं। कभी गांव में किसी ऐसे जो पौवा वाला रंगीला वगैरह होता नहीं, 25 रुपये 50 रुपये पौवा जो होता है, उन्हें पीने को देखो लगता है शरीर में कुछ नहीं, फूंक दो तो उड़ जाएंगे और उसके बाद चढ़े रहेंगे अलग से। लेकिन ऐसे लोग पाए जाते हैं अभी भी जो केवल कंज्यूम करते हैं, उनकी बॉडी गलती चली जाती है और उन्हें ऐसा फर्क नहीं पड़ता है। हालांकि ऐसा करना नहीं चाहिए, ये बात अलग है। चलिए अगर हम इसके प्रकार की बात करें तो वो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। अभी तो जैसे हमने कार्बोहाइड्रेट में देखा था, उसमें मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड थे। अभी हम यहाँ पे दो जो कंज्यूम मेनली जो हमारे सिलेबस में है, हम कंज्यूम करते हैं फैट, उसके आधार पे इस पे करते हैं। इसे लिपिड के फॉर्म में भी इसे हम बाद में इसे क्लासिफाई करेंगे, लेकिन पहले इस पे करते हैं कि जो होते हैं हमारे दो, एक तो होते हैं जंतु वसा और दूसरी होती है वनस्पति वसा। मतलब एक ऐसे होते हैं जो जीवों के द्वारा पाए जाते हैं और ऐसे होते हैं जो प्लांट के द्वारा, यानी प्लांट फैट जो होते हैं और एनिमल फैट होते हैं एनिमल फैट मतलब जैसे आपका घी हुआ, जो हमें जानवरों के द्वारा, जीवों के द्वारा प्राप्त हुआ। घी हुआ गाय के दूध से मिलता है तो कहीं ना कहीं वो हमारा वही हुआ। मांस हुआ, लीवर वगैरह जो लोग खाते हैं, ये सब हमारे क्या होते हैं, ये सब हमारे जंतु वसा होते हैं, एनिमल फैट होते हैं। कुछ हमारे क्या होते हैं, प्लांट फैट होते हैं, जैसे सोयाबीन का तेल, जैसे मूंगफली का तेल, जैसे सनफ्लावर सूरजमुखी का तेल, सफोला का तेल। ये सारी चीज़ें जो हमारी क्या हैं, ये हमारे प्लांट के द्वारा पाए गए हुए फैट हैं। तो हमारा क्या होगा, ये पादप वसा बोलेंगे या वनस्पति वसा बोलेंगे। तो दूध हुआ, पनीर हुआ, अंडा हुआ, मछली हुआ, ये सब हमारे क्या होते हैं, जंतु वसा होते हैं। अखरोट, बादाम, मूँगफली, सरसों, तिल, नारियल आदि जो तेल होते हैं उनसे जो मिला हुआ फैट होता है वो हमारे क्या होते हैं, वनस्पति फैट होते हैं। अब यहाँ पे इतना आप कर लियो तो मैं आपको बता दूँ कुछ चीज़ें। जो हमारे फैट होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। सबसे पहले एक तरफ मैं प्लांट को लिखूंगा और दूसरी तरफ मैं क्या लिखूंगा, एनिमल को लिखूंगा, बात समझिएगा। और दोनों में क्लासिफाई करता हूँ, यहाँ पे हम सारी चीज़ों को जो हमारे डाइट में रिलेटेड है सब कुछ बहुत अच्छे से समझ लेंगे। प्लांट में जो होते हैं वो सारे क्या होते हैं, अनसेचुरेटेड फैट होते हैं। इन्हें क्या बोलते हैं, अनसेचुरेटेड फैट बोलते हैं। अभी मैं समझाऊंगा अनसेचुरेटेड क्यों, साथ साथ में लिखते हैं। एनिमल वाले को बोलते हैं सेचुरेटेड फैट, अनसेचुरेटेड असंतृप्त, और वो संतृप्त मतलब तृप्त तो हो गए, अब उन्हें किसी चीज की जरूरत नहीं है। किसी चीज की जरूरत नहीं मतलब किसकी जरूरत थी, ऐसा क्या है जिसे इसकी जरूरत है उसकी जरूरत नहीं है, वो है क्या, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन क्यों, आप समझिएगा, स्ट्रक्चर ऊपर था, हाँ ये स्ट्रक्चर है। अगर आप इस फैटी एसिड को देखो, शायद आपको दिख ना रहा हूं, मैं फिर से बना दूं, अलग ही बना दे रहा हूं। ये मान के चलिए आपका कुछ कार्बन का चेन है ना, ये जो होते हैं इसमें आपका एक कहीं डबल बॉन्ड होगा, इसमें आपका जो कार्बन का चेन होगा इसमें सारे सिंगल बॉन्ड होंगे। इसको थोड़ा मैं और अच्छे से स्ट्रक्चर बना दूं ताकि आपको थोड़ा ज्यादा ये क्लियर हो। ये डबल बॉन्ड कुछ ऐसे होंगे, है
है ना। अच्छा, जब यहाँ पे डबल बॉन्ड हो जाएगा तो इसकी वैलेंसी कम हो जाएगी, ऐसा कुछ होता है। ये हमारे क्या है, अनसेचुरेटेड का स्ट्रक्चर है और ये हमारा सेचुरेटेड का स्ट्रक्चर है। अब मैंने बोला कि इन्हें हाइड्रोजन की जरूरत होती है, इन्हें नहीं होती है। आप सभी जानते हो कार्बन की जो वैलेंसी होती है वो कितनी होती है, 4 होती है। मतलब एक कार्बन है, ये इधर भी है, एक कार्बन 4 बॉन्ड बना सकता है, टेट्रावेलेंट होता है, एक ऊपर, एक इधर, एक इधर, एक इधर। अब इसमें कहीं से हाइड्रोजन आके जुड़ सकता है क्या, नहीं जुड़ सकता, इसके सारे बॉन्ड शेयर हो गए, कोवेलेंट बॉन्ड इसका बन गया। अब इसमें कुछ भी नया आके जुड़ नहीं सकता, इसलिए इसे हाइड्रोजन की जरूरत नहीं है, यह संतृप्त है, इसके पास जितनी वैलेंसी होनी चाहिए उतनी है, इस कारण इसे क्या बोला गया, सैचुरेटेड बोला गया, संतृप्त वसा बोला गया। यहां पे क्या है, हमारा डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, हम इसमें कुछ एनर्जी देंगे, हीट करेंगे, तो ये बॉन्ड क्या होगा, ब्रेक कर जाएगा, और बॉन्ड ब्रेक कर जाएगा तो अभी इस वाले का देखो तो आपकी जो वैलेंसी है एक हमारी क्या हो जाएगी, बच जाएगी, और एक वैलेंसी देखो, एक ये, दो ये, तीन ये, तो एक वैलेंसी निकल के यहां जाएगी और यहां पे हाइड्रोजन आके क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। इसका मतलब इसमें हाइड्रोजन ऐड हो सकता है, तो ये क्या होगा, अनसैचुरेटेड फैट होगा। समझ में आया, बहुत ही काम की चीज में, बहुत ही काम का टेबल बना रहा हूं, आप इसे देखते चलिएगा। प्लांट में फिर से बता दूं, बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, प्लांट में अनसैचुरेटेड फैट होते हैं, एनिमल में सैचुरेटेड फैट होते हैं, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन की जरूरत नहीं पड़ती है, इसमें डबल बॉन्ड होते हैं, उसमें सिंगल बॉन्ड होते हैं। खाने के हिसाब से अगर हम एडिटेबल की बात करें तो प्लांट जो फैट होते हैं वो गुड फैट बोले जाते हैं, जो एनिमल फैट होते हैं वो बैड फैट बोले जाते हैं, मतलब हमें नुकसान करते हैं। ज़्यादा अगर एनिमल फैट आप खाओगे तो आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ेगा, फैटी बनोगे, और आपका कहीं ना कहीं फिर वो तमाम तरीके बीमारियाँ, डायबिटिक बन जाओगे, हार्ट डिजीज आएगी, बहुत सारी चीज़ें आपको लेके आएगा, जबकि इसके साथ ऐसा नहीं होता है। तीसरी बात, इसकी प्रॉपर्टी देखिए, समझिएगा, पूरा फिजिक्स और केमिस्ट्री मिला के मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। ये जो हमारा है बॉन्ड स्ट्रक्चर, अब इसमें डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड की वजह से आप एक खास चीज देखें, जब उसमें हाइड्रोजन नहीं लगा था, जब इसमें हाइड्रोजन नहीं लगा था और ये डबल बॉन्ड था, तब आप देख रहे हो यहाँ पे कि इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में बहुत ज्यादा दूरी है, जबकि इसमें कहीं ऐसा नहीं दिखेगा, सारे कार्बन लगभग बराबर दूरी पे रहेंगे। तो ये जो क्लोजली पैक्ड रहते हैं और ये दूर दूर रहते हैं, तो किसी पार्टिकल का अगर एटम दूर दूर है तो वो लिक्विड फॉर्म में रहेगा कि सॉलिड फॉर्म में। सॉलिड में आप जानते हो कि मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, पास पास होते हैं, इसका मतलब जो सैचुरेटेड फैट होंगे वो आपके क्या होंगे, सॉलिड स्ट्रक्चर के होंगे या सेमी सॉलिड होंगे, जैसे कि आपका घी हुआ, वनस्पति घी जिसे आप डालडा बोलते हो, जैसे आपका बटर वगैरह हुआ, मक्खन वगैरह जिसे बोलते हो, पनीर वगैरह हुआ, या आप मांस की बात कर लो, फिश की बात कर लो, ये सब किस स्ट्रक्चर में रहेंगे, सेमी सॉलिड के स्ट्रक्चर में रहेंगे, क्योंकि ये क्लोजली पैक्ड होते, कब, जनरली 20 डिग्री सेल्सियस की बात कर रहा हूँ, 20 डिग्री। अब ज्यादा गर्म किया जाएगा तो ये भी पिघल जाएंगे, लोहा पिघल जाता है तो फैट क्या है, ज्यादा गर्म कर दो इंसान पिघल जाए, बात समझ रहे हो, तो ये तो फिर भी फैट है, तो सेमी सॉलिड होंगे। 20 डिग्री टेम्परेचर पे क्या होते हैं, सेमी सॉलिड है, सॉलिड के फिजे पे होते हैं, जबकि इसके साथ ऐसा नहीं होता, 20 डिग्री सेल्सियस पे ये क्या होते हैं, लिक्विड के फॉर्म में होते हैं। इतनी बात समझ में आ गई, तो ये बहुत ही काम की चीज मैं आपको बताया हूं कि प्लांट होते हैं अनसैचुरेटेड होते हैं, इसमें डबल बाउंड होता है, इसमें हाइड्रोजन की जरूरत पड़ सकती है, 20 डिग्री सेल्सियस पे ये लिक्विड होते हैं और 20 डिग्री सेल्सियस पे ये सॉलिड होते हैं। क्यों, क्योंकि इनका जो होता है मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है, मेल्टिंग पॉइंट हाई क्यों होगा, ये बात आपको समझ में आ गई होगी, इसका जो होगा मेल्टिंग पॉइंट लो होता है, इस कारण ये पिघले हुए होते हैं, ऑयल के रूप में होते हैं। भैया जब किसी चीज में दूर दूर होंगे, है ना, तब क्या होगा, जाहिर सी बात है कि उनका जो स्पेशियल अरेंजमेंट होगा, उसकी जो बॉन्ड तोड़ने में होगा, वो आसानी से टूट हो जाएगा। प्लस अगर आप हाइब्रिडाइजेशन केमिस्ट्री में पढ़े हो, एसपीडीएफ पढ़े हो, जो सिंगल बॉन्ड होते हैं वो जो एस की जो होती है हाइब्रिडाइजेशन, वो एस एस क्लोजली होते हैं, लेकिन जब एसपीडीएफ में आते हैं तो आपका ये वाला बनता है, तो इसमें दूर दूर हो जाते हैं, तो ये वाला बॉन्ड आपका तोड़ना आसान होता है, वसलते इसके, क्योंकि इसमें जो ओवरलैपिंग होती है वो ज़्यादा होती है, तो इसमें आपस में सटे रहेंगे, ओवरलैप रहेंगे, तो इसका मेल्टिंग पॉइंट हाई रहेगा, इसमें दूर दूर रहेंगे तो इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या रहेगा, लो रहेगा। बात समझ में आ गई, तो इतनी सारी चीज़ें हम यहाँ पे समझ गए। इसके अलावा कुछ एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन क्या है कि कोकोनट का जो फैट होता है वो लगभग 20 डिग्री सेल्सियस पे सेमी सॉलिड होता है, देखें आप कभी
सबके घर में गरी का तो तेल होता है, मम्मी लोग तो यूज ही करती होंगे ना, बचपन में तुम भी लगाए होगे, शरमाने वाली क्या बात है। ले और कुछ ऐसे फैट होते हैं जो एनिमल होते हैं, जैसे फिश ऑयल, ये क्या होते हैं हमेशा ये लिक्विड के फॉर्म में होते हैं। ये तो एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन क्यों है इस बात को समझिएगा। मैंने क्या बोला, ऐसा नहीं है कि जो फैट है उसमें सारे अनसेचुरेटेड ही हैं, ऐसा नहीं, जो सेचुरेटेड उसमें सारे के सारे सेचुरेटेड ही हैं। एक पूरा ये फैट का पीस है और इसमें बहुत ढेर सारे अनसेचुरेटेड भी हैं और कहीं कहीं पे सेचुरेटेड भी हैं, ऐसे समझिएगा। बात समझ में आ रही, अनसेचुरेटेड भी हैं, छोटे वाले जो अनसेचुरेटेड हैं और बड़े वाले जो सेचुरेटेड भी हैं। लेकिन क्योंकि कोकोनट फैट में सेचुरेटेड फैट ज्यादा हो जाते हैं, ज्यादा मात्रा पाई जाती है, इसलिए क्या हो जाता है, थोड़ी सी मात्रा बढ़ जाती है, ये क्या हो जाता है, सेमी सॉलिड हो जाता है। और ठीक ऐसे फिश ऑयल में अनसेचुरेटेड फैट के कुछ पार्ट ज्यादा मिल जाते हैं, इसलिए वो क्या हो जाता है, लिक्विड के फॉर्म में हो जाता है। तो ये हमारा फैट से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट सेचुरेटेड अनसेचुरेटेड के बारे में था। इसके अलावा एक होता है ट्रांस फैट, जो हमारा सेचुरेटेड फैट से ही डिराइव करके आता है। कुछ लोग बोलते हैं कि फायदेमंद है, लेकिन फायदेमंद नहीं होता, क्योंकि डिराइव करके आता है और वो भी कोलेस्ट्रॉल लेवल को बढ़ाता है, जो आपका अल्टीमेटली ब्लड प्रेशर को स्लो करता है। और ब्लड प्रेशर अगर आपका लो होगा तो आप हार्ट के पेशेंट बन सकते हो और हार्ट अटैक के भी चांसेस ज्यादा हो सकते हैं। भगवान ना करे किसी को ऐसा हो, आज ही से फैट खाना छोड़ दो ये सब। तो जनरली आपको खाना क्या चाहिए, खाना आपको प्लांट के फैट को चाहिए, मतलब कि आप सोयाबीन का तेल और ये मूंगफली का तेल, या फिर आप ऐसे कोई भी सरसों का तेल, ये सब खाओ ज्यादा। ऐसा कुछ लोग बोलते थे यार सरसों का तेल ज्यादा हुआ है, वो सरसों का तेल को सोयाबीन के तेल से कंपेयर करते हैं, तब सरसों का तेल मीट खाने से कहीं ज्यादा फायदेमंद है। मैं उसकी कंपेयर कर रहा हूँ, बात समझ में आ रहा है। राइस ब्रैन वगैरह आजकल तो मार्केट में चल रहा है, ये सब हालांकि बेवकूफ बनाने के तरीके हैं, लेकिन फिर भी ऐसे जो हैं जो वनस्पति से सीधे पाए जा रहे हैं वो आपके लिए ज्यादा फायदेमंद है। घी वगैरह का प्रयोग, डालडा वगैरह का प्रयोग कम करो, ताकि बटर वगैरह का प्रयोग कम करो, ताकि आप लोग स्वस्थ रहो, क्योंकि अभी अधिशासी अधिकारी भी बनना है और बहुत सारा मजा भी काटना है। बात समझ में आ गई। चलो अगर ये समझ में आ गया होगा तो ये जैसे मैंने बताया ना स्ट्रक्चर वगैरह, ये तो मैं दिखा दिया हूँ, चलिए बता ही दिया हूँ सारी चीजें। इसके फंक्शन क्या होते हैं, फंक्शन भी मैं पहले बता दिया हूँ, तीनों फंक्शन, उसका प्रॉन्स कौन सब बता दिया हूँ। कहाँ से मिलता है, दूध, मांस, मछली, मक्खन, मूंगफली, तेल, घी आदि। ये जो मूंगफली है ये बहुत काम की चीज है, अपने जीवन में मूंगफली खाना शुरू कर दो। बहुत लोग सोचते बादाम बादाम बादाम, यार जिस चीज महंगा होता है ना आप उसी चीज के पीछे जाते हो। कभी कभी सस्ते लोगों की, जैसे हम लोग है ना परीक्षा पास वाले, उसकी काबिलियत नहीं समझते, वो कितना ज्यादा क्वालिटेटिव होते हैं, कितने ज्यादा अच्छे होते हैं, कितने अच्छे से आपको पढ़ाते हैं, जो ज्यादा महंगा होता है उन्हीं के पीछे भागते हो। ये भारतीय मानसिकता बन गई है, जो महंगी है वो अच्छी, ऐसा कुछ नहीं है। मूंगफली ये ज्यादा अवेलेबल ज्यादा है इसलिए सस्ती है आप लोगों के लिए, और बादाम वगैरह से लाखों गुना ज्यादा अच्छी है। 100 ग्राम अगर आप मूंगफली हो खाओगे तो आपका जो जनरल फैट वगैरह मांस वगैरह खाते ना, उससे 2.5 गुना ज्यादा प्रोटीन इसमें मिलता है। प्रोटीन की क्वांटिटी बहुत ज्यादा होता है, बात समझ में आ रहा है। कहीं ज्यादा इसमें फैट होता है, कहीं ज्यादा इसमें एनर्जी होती है, ये बहुत ही फायदेमंद है, 1.5 गुना 2.5 गुना ऐसे अन्न के, किसके, दूध के। आप 100 ग्राम मूंगफली खा लो और 1 लीटर दूध पी लो, दोनों बराबर है, तो आप 1 लीटर दूध क्यों पिया जाओ, 100 ग्राम मूंगफली खा लो। बस समझ में आ रहा है, आप जितना 100 ग्राम में आप मूंगफली से एनर्जी पा जाओगे, प्रोटीन पा जाओगे, उतना आप 100 कितना मांस से नहीं पा पाओगे, उसका 2.5 गुना ज्यादा होता है। बात समझ में आ रहा है, उसको आपको 250 ग्राम खाना पड़ेगा, 250 ग्राम मांस का टुकड़ा खा लीजिए, 100 ग्राम मूंगफली खा लीजिए, दोनों क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। तो ज्यादा चिकन बिरयानी वगैरह मत करो, मूंगफली खाओ, शाम को भिगो, सुबह बढ़िया खाओ, उसमें किशमिश में डाल के खाना भी अच्छा लगेगा, नाश्ता भी हो जाएगा, बाहर तक वो भी बचेगा, आपकी डाइट भी अच्छी रहेगी और बहुत ज्यादा फायदेमंद भी है। सस्ते का प्रयोग करो, बहुत ही काम की चीज होती है मूंगफली। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। अगर हम फैट देख लिए हूं तो अब हमने बोला था कि इसका हम इसके रासायनिक संयोजन के आधार पर भी इसका क्लासिफिकेशन देखेंगे। तो क्या होते हैं, सिंपल लिपिड और कंपाउंड लिपिड और डिराइव लिपिड। अगर हम फैट को इसके केमिकल कंपोजिशन, रासायनिक संयोजन के उस पर डिराइव करें, क्लासिफाई करें, तो इसे लिपिड बोलते हैं फैट को। ये तीन होते हैं, एक सिंपल होते हैं, कॉन्जुगेटेड होते हैं, कंपाउंड बोल सकते हैं, या डिराइव लिपिड होते हैं। जितने हमारे ये सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड ये सारे हैं ना, ये सारे हमारे क्या सिंपल लिपिड ही होते हैं। कंपाउंड में क्या आते हैं, फॉस्फोलिपिड, ऐसे लिपिड होते हैं जिसमें फॉस्फोरस होता है, ग्लाइकोलिपिड्स या मोम वैक्स बोलते हैं, या लाइपोप्रोटीन्स, ऐसे प्रोटीन जिसमें लाइपो के कंटेंट होते हैं, ये सारे क्या होते हैं, कंपाउंड लिपिड होते हैं।
मोम जो वैक्स होता है, जनरली आप ऐसे फल देखे होगे, सेब वगैरह के ऊपर देखे होगे, उसे पानी डालो तो ऐसे नीचे चला जाता है, उसकी जो ऊपर की लेयर होती है वो मोम की बनी होती है। वो है कौन से? कंपाउंड लिपिड्स ही हैं। आप ये अरबी का पत्ता देखो, उस पर ऊपर वैक्स होता है, पानी डालो सीधा निकल के चला जाता है ना, उसमें सल्फेट ऐसा नहीं लगता है, उसमें ये वैक्स लगता है, क्योंकि उसकी जो ऊपरी लेयर है वो किससे बनी है? कंपाउंड लिपिड से बनी हुई है। डिराइव्ड लिपिड क्या होते हैं? ये टर्पीन्स वगैरह होते हैं, आइकोसेनाइट, इसके बारे में अभी डिस्कस करेंगे। उससे पहले ये स्ट्रक्चर जो है वो क्लियर आप देख लो, ये हमारे सैचुरेटेड है, देखो आप एकदम लीनियर है, ये आपके क्या है? ये आपके अनसैचुरेटेड है, यहाँ पे क्या है? डबल बॉन्ड है, बात समझ में आ रहा है। और देखो ये ट्रांस है, क्योंकि ये देखो उल्टा है, ये ट्रांस बनाया जाता है, इसे कुछ सैचुरेटेड टाइप में किया जाता है, कुछ केमिकली रिएक्शन कराया जाता है कि जो इसका स्ट्रक्चर थोड़ा पलट जाए तो जो इसका गैपिंग हो वो थोड़ा कम हो जाए। इसमें देखो ये सिस है तो इसमें गैपिंग काफी ज्यादा है, दो कार्बन का गैप है, इसमें केवल एक कार्बन का गैप है, इस कारण हम ट्रांस बोलते हैं कि ट्रांस थोड़ा सैचुरेटेड के करीब ले आते हैं, कोई वैसे उसका फायदेमंद नहीं होता है, नुकसान ही होता है। अनसैचुरेटेड फूड सबसे ज्यादा, ये वाला सबसे ज्यादा फायदेमंद होता है। चलिए, ये मैंने बताया था कि आपका जो ब्लड वेसल्स होते हैं उसमें ये आपके कोलेस्ट्रॉल जमा हो जाते हैं, तो आपके यहाँ पे ब्लड प्रेशर जो होता है बहुत ज़्यादा हाई कर देगा। भाई कोई चीज़ करेगा तो ब्लड प्रेशर क्या होगा? हाई हो जाएगा, और ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा तो जाहिर सी बात है क्या होगा? हार्ट अटैक के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाएंगे। भंडारण मैंने बताया था एडिपोज टिश्यू में, हम देख लेते हैं एडिपोज टिश्यू होता कहाँ कहाँ है। जैसे मैंने बताया था, ये आपको दिख रहा होगा, ये हमारा बेली फैट है स्टमक में, यहाँ पे हमारे होते हैं, यहाँ पे ग्लूकोज होता है, हो जाता है, यहाँ पे फैट आते हैं, गर्दन पे फैट आता है या पैरों में फैट आता है, तो ये हमारे एडिपोज जो होते हैं फैट हमारे यहीं पे जाके जमा हो जाते हैं, ये हमारा बीच बीच में देखिए जाके फैट जमा हो रहा है, बात समझ में आ रही? कार्बोहाइड्रेट ही है। तो ये हमारे कुछ बेसिक सी चीज़ें थे। फैट का एक और भी चीज़ मैं बता दूं कि इसका एक बहुत ज़्यादा यूज होता है वो सोप बनाने में होता है। ये आपका फैटी एसिड है, जैसे मैंने बताया नहीं था कि ऐसे स्ट्रक्चर होता है, ये वही स्ट्रक्चर है, इसको बस थोड़ा पलट दिया गया है। इसमें जब हम NaOH या KOH मिला देते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड मिला देते हैं और हीट और कुछ इस पर कैटलिस्ट डालते हैं, तो क्या होता है कि इसका जो CO वाला Na वाला पार्ट होता है ये आके सोडियम वाला पार्ट इससे मिल जाता है, और ये फैटी एसिड मिलके तो ये CH3COONa, ये पढ़े होंगे, ये आपका क्या बन जाता है? साबुन बन जाता है, और आपका ग्लिसरॉल अलग हो जाता है। तो आप क्लास 11th में इसे पढ़े होंगे, ग्लिसरॉल का इसमें सोपोनिफिकेशन इसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं? साबुनीकरण, सोपोनिफिकेशन। इससे आपसे प्रश्न ये पूछ सकता है, सोपोनिफिकेशन में किसका प्रयोग किया जाता है? तो NaOH का प्रयोग किया जाता है या KOH का प्रयोग किया जाता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का। जो हमारा फाइनल प्रोडक्ट आता है वो क्या आता है? साबुन बन के आता है और ग्लिसरॉल बन के आता है, जो आप देख रहे हो ये हमारा ग्लिसरॉल है और ये हमारा क्या है? साबुन है। चलिए, हम बात कर रहे थे कंपाउंड लिपिड्स की, तो उसमें क्या होता है? फॉस्फोलिपिड्स, ग्लाइकोलिपिड्स और मोम होते हैं। फॉस्फोलिपिड्स क्या होता है? मेनली कोशिका झिल्ली होता है, जो झिल्ली नुमा आकार का होता है, और ये डिफरेंट उन्होंने पता नहीं, जिससे जो भी होता है सेल स्ट्रक्चर होते हैं उसमें क्या होता है? बेसिक स्केलेटन होते हैं, सेल होते हैं उसकी झिल्ली मेम्ब्रेन जिसे बोलते हैं, आप मेम्ब्रेन नहीं बोलते, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होता है। आपको जब हम मैं सेल स्ट्रक्चर में पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा कि जो फूड होते हैं वो कैसे मेम्ब्रेन से चुन के, अब फूड क्या, ये तो कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन निकालेंगे ना, तो कैसे मेम्ब्रेन से छन छन के सेल में एक लेयर से दूसरे लेयर में जाते हैं, तो वो जो मेम्ब्रेन बनाता है ना, वो कौन बनाता है? वो किससे बने होते हैं? इसी फॉस्फोलिपिड से बने होते हैं, जो कंपाउंड लिपिड्स होते हैं। ऐसे लिसाइथिन एक फॉस्फोलिपिड्स होता है जो हमारे नर्वस सिस्टम में बहुत ही ज्यादा उपयोगी होता है, और ये हमारे लीवर वगैरह में और अंडपीत वगैरह में इसमें भी बहुत ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। तीसरा होता है ग्लाइकोलिपिड्स, जो हमारा सेल वॉल वगैरह बनाता है, या बाहरी सतह एपिथेलियल टिश्यू, एपिथेलियल जो सेल होते हैं उनकी बात करता है, वो कौन होते हैं? ग्लाइकोलिपिड्स होते हैं। ये भी हमारे क्या होते हैं? कंपाउंड लिपिड्स होते हैं, मोम की बात जैसे मैंने आपको किया है। अभी डिराइव्ड लिपिड क्या होते हैं? मैंने बोला था टर्पाइन और आइकोसाइनाइड्स होते हैं। टर्पाइन्स क्या होते हैं, इस चीज को बोलते हैं। अभी हम एसेटाइल को, एंजाइम को जब कंडेंस करते हैं तो हमें क्या मिलता है? आइसोप्रीन मिलता है, जो 5 कार्बन का लगभग होता है, ये जिसे हम टर्पिनोइड्स या टर्पीन्स भी बोलते हैं। इन्हें टर्पीन से क्या मिलता है? स्टेरॉइड मिलता है, स्टेरॉइड पदार्थ या वसा में घुलनशील विटामिन जो फैट सोल्युबल विटामिन होते हैं, या कई प्रकार के पिगमेंट होते हैं, कलर पिगमेंट होते हैं, या पेड़ों में जो
फ्रेगमेंट कंपाउंड होते हैं, गंधक होते हैं, फूलों से जो खुशबू निकलती है वो सब किससे, यही टर्पीन्स के कारण ही होती है। उन सब में टर्पीन्स पाया जाता है। टर्पीन्स आता कहाँ है, एसिटाइल को एंजाइम को कंडेंस करते हैं तो हमारा आइसोप्रीन होता है। तो आइसोप्रीन से हमें टर्पीन मिला, आइसोप्रीन किससे मिला, हमारा एसिटाइल को एंजाइम से मिला। बात समझ में आ गई, टर्पिनॉइड्स भी बोलते हैं। दूसरा क्या होता है हमारा, स्टेरॉइड्स होता है। आप बहुत बार सुने होंगे स्टेरॉइड ऐसी एक केमिकल कंपाउंड होता है जो बहुत सारे जो प्लेयर होते हैं वो भी ले लेते हैं अपनी एनर्जी लेवल बढ़ाने के लिए। ये करता है कि एक कैटलिस्ट की तरह वर्क करता है, एड्रिनल में जाके जो आपके एड्रिनल एंजाइम होते हैं है ना, उसको क्या करता है एक्टिवेट कर देता है। तो आपकी जो पावर वगैरह होती है, जब थकान कम लगती है, माइंड को पता ही नहीं चलता है, आप में जो एक्टिविटी आ जाती है तेजी से, वो ये करता है स्टेरॉइड करता है। तो वसा में जो घुलनशील ऐसे लिपिड पदार्थ होते हैं जिसमें वसीय अम्ल नहीं होते स्टेरॉइड में, बात समझ में आ रही है। तो समझिएगा कि इसमें वसीय अम्ल नहीं होते, किसमें, स्टेरॉइड में वसीय अम्ल नहीं होते हैं। और जंतुओं में कोलेस्ट्रॉल नामक का स्टेरॉइड पाया जाता है, इवन हम लोग में भी कौन किस नाम से पाया जाएगा, कोलेस्ट्रॉल नाम का। तो जो कोलेस्ट्रॉल है वो कहीं ना कहीं क्या है, स्टेरॉइड ही है। आइसोकाइनाइड्स क्या होता है इसमें समझ लेते हैं। आइसोकाइनाइड्स होता क्या है, एक्चुअली ह्यूमन शरीर में, ह्यूमन बॉडी में लिनोलिक और लाइनोलिनिक ये दो टाइप के आपके कंपाउंड पाए जाते हैं, एंजाइम्स होते हैं बेसिकली। ये क्या बनाते हैं, ये एराकिडोनिक बनाते हैं, और इन्हीं एराकिडोनिक से तीन टाइप के हमारे जो बनते हैं लिपिड क्या होते हैं, थ्रोम्बोक्सिंस और ल्यूकोट्रिन्स और प्रोस्टाग्लैंडिन्स या प्रोस्टाग्लैंडिन्स बोल सकते हैं। अब इसका काम क्या होता है, थ्रोम्बोक्सिन ये विटामिन के का कंपोनेंट होता है, आगे चल के आप पढ़ोगे, ये हमारे जो खून उन जमने में बहुत ही ज़्यादा सहयोगी होते हैं। क्या होता है कि प्लेटलेट्स में हमारा ये बनता है, कौन सा, थ्रोम्बोक्सिन बनता है, और प्लेटलेट्स के सहारे हमारे क्या हो जाते हैं, सेल्स में आते हैं, ब्लड में आ जाते हैं, और जब हमें चोट लगता है या कभी ब्लड निकलता है तो ये वहाँ पे जाके एकदम पंचर की तरह जाके जम जाते हैं और वहाँ पे क्लॉटिंग कर देते हैं। वो किसकी से होता है, थ्रोम्बोक्सिन से होता है। ये है क्या आइसोकाइनाइड से, बात समझ में आएगा, डिराइव्ड लिपिड है एक तरीके का, दिमाग में रखिएगा। ऐसे ही ल्यूकोट्रिन्स होते हैं, ये हमारे बेसिकली क्या होते हैं, WBC होते हैं। WBC के फॉर्मेशन में ल्यूकोट्रिन्स का काम होता है। और प्रोस्टाग्लैंडिन्स जो होते हैं ये महिलाओं में प्रसव के समय, प्रेगनेंसी के समय, जब बर्थ वगैरह होता है, डिलीवरी वगैरह होती है, तो उस समय का जो मसल्स में जो सॉरी खिंचाव वगैरह आता है, उस समय जो पेन होता है, उन सबको ये कंट्रोल करता है। ये ऐसे लिपिड होते हैं जो बहुत ज़्यादा संकुचन में मददगार होते हैं। तो वो कौन से होते हैं, प्रोस्टाग्लैंडिन्स होते हैं। बात समझ में आ गई, ये तीन टाइप के आपके सैकेराइड डिराइव्स वाले। हम इस पे कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं जो आपका उम्मीद है पूछा जा सकता है। भोजन के वर्ग में प्रति यूनिट कैलोरी की मात्रा सर्वाधिक किसमें होती है, विटामिन के में कि वसा में कि कार्बोहाइड्रेट में कि प्रोटीन में। तो भैया पहली बात तो विटामिन में से कोई ऊर्जा मिलती नहीं है, प्रोटीन से ऊर्जा मिलती नहीं है, बचा वसा और कार्बोहाइड्रेट। तो मैंने बताया कि कार्बोहाइड्रेट की दुगने से ज़्यादा एनर्जी किससे मिल जाती है, वसा से मिल जाती है, इसलिए आपका ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। तो ये आपका मैं इसलिए क्वेश्चन ले रहा हूं ताकि आपके दिमाग में याद रहे। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं इसके बाद, प्रोटीन। तो प्रोटीन के बारे में देखते हैं हम बेसिकली। अभी हमने कार्बोहाइड्रेट अच्छे से पढ़ा, कार्बोहाइड्रेट रिलेटेड फैट अच्छे से पढ़ा, अब हम प्रोटीन को अच्छे से देखते हैं। प्रोटीन बहुत ही ज़्यादा जरूरी कंपोनेंट है, ऐसा बोल सकते हैं बहुत ही जरूरी न्यूट्रिएंट्स है। हमने पहले भी डिस्कस कर लिया कि प्रोटीन का काम क्या होता है, बॉडी ग्रोथ में या कोई रप्चर हो जाता है उसको सुधारने में प्रोटीन का बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होता है, बहुत ही ज़्यादा मदद करता है। तो प्रोटीन बेसिकली बिल्डिंग ब्लॉक होते हैं, बिल्डिंग के लिए वर्क करते हैं। अमीनो ग्रुप इसमें जुड़ा होता है, अमीनो कार्बोक्सिल ग्रुप है ना, यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर देख रहे हो, ये कार्बोक्सिल ग्रुप लगा हुआ है, ये आपका बेसिक एथीन वगैरह टाइप में ग्रुप लगता है, आर ग्रुप बोलते हैं है ना, और ये आपका एमिनो ग्रुप लगा हुआ है। ठीक, इसकी जो खोज की थी 1938 में जे बर्जीलियस नाम के साइंटिस्ट ने की थी। ध्यान रखना, आप लोग यहाँ पे बहुत कंफ्यूज होते हो, विटामिन की जो खोज किए थे वो फंक किए थे, सी फंक, और जो प्रोटीन की खोज किए हैं वो जे बर्जीलियस किए हैं, बर्जीलियस, इसकी स्पेलिंग ये होगी, बात समझ में आ गई। ये दो ध्यान रखिएगा, प्रोटीन की खोज बर्जीलियस किए हैं और विटामिन की खोज फंग किए हैं। पता नहीं क्यों आप लोग बहुत कंफ्यूज होते हो और बहुत ज़्यादा गलती करते हो। शरीर का अगर देखा जाए तो लगभग 15% जो भाग होता है वो क्या होता है, प्रोटीन का ही होता है। इतनी बात समझ में आ गई। चलिए प्रोटीन के बारे में हम कुछ और ज़्यादा देख लेते हैं। प्रोटीन का अगर हम क्लासिफिकेशन करें
तो ये मेनली तीन प्रकार के सिंपल प्रोटीन, कॉन्जुगेटेड प्रोटीन और डिराइव्ड प्रोटीन की तरह होते हैं, ठीक है। अच्छा, जितने भी चीजें हैं, कुछ हमारी विटामिन भी प्रोटीन होते हैं, जैसे विटामिन डी है ना, कहीं एक तरीके से प्रोटीन ही है, समझिएगा बात को, मैं आगे बताऊंगा। जितने भी एंजाइम्स होते हैं वो भी हमारे प्रोटीन्स ही होते हैं, तो कहीं ना कहीं हमें पता नहीं होता है कि अच्छा ये भी प्रोटीन है, अच्छा ये भी प्रोटीन है, सब कुछ अल्टीमेटली प्रोटीन से ही बना है। बस अभी आप इतना समझिए कि जो बॉडी में जहां भी ग्रोथ की जरूरत होती है तो प्रोटीन का काम आता है। अब देखते हैं सिंपल प्रोटीन में कौन कौन होते हैं, जैसे एल्बुमिन होते हैं, दूध वगैरह में पाया जाता है, तो ये हम अंडे वगैरह में पाया जाता है, तो ये हमारे क्या हो गए, सिंपल प्रोटीन हो गए। हिस्टोन्स हो गए, ग्लोबिन्स हो गए, ये सब हमारे क्या होते हैं, सिंपल प्रोटीन के एग्जांपल है। अगर हम कॉन्जुगेटेड प्रोटीन की या संयुग्मी प्रोटीन की बात करें तो हमारे न्यूक्लियो प्रोटीन्स टाइप के होते हैं, या ग्लाइको प्रोटीन्स, क्रोमो प्रोटीन्स या फास्फो प्रोटीन्स जो होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, संयुग्मी प्रोटीन होते हैं, कॉन्जुगेटेड होते हैं। और जो डिराइव्ड होते हैं ये इन्हीं से करके डिराइव किया जाता है कुछ केमिकल कंपोजिशन से। तो इसका फंक्शन क्या है बता दें, एंजाइम, जैसे मैंने बताया कि एंजाइम का काम क्या होता है, एज ए कैटलिस्ट की तरह हम काम करते हैं, आपके मेटाबॉलिक रिएक्शन को स्ट्रॉन्ग करते हैं, पर खाना पचाने वगैरह में आप देखो माल्टीज वगैरह सब पड़े होंगे, तो ये सारी चीज़ें ये जो होती हैं, सारे जितने भी एंजाइम होते हैं लगभग मोस्टली वो क्या होते हैं, प्रोटीन ही होते हैं। परिवहन प्रोटीन होते हैं, कहने का मतलब प्रोटीन का काम परिवहन का भी होता है, जैसे ब्लड में प्लाज्मा वगैरह, अब ये क्या करते हैं, ये कैरी करते हैं ऑक्सीजन वगैरह, इन सब चीज़ों को क्या करते हैं, कैरी करते हैं, तो परिवहन का काम करते हैं। संकुचनशील प्रोटीन होते हैं, जैसे ये ऐसे आपके एक्सटर्नल वगैरह पाए जाते हैं, या आप ओसोफेगस पर बोल सकते हैं, या आपकी नासिका में, नाक के नली में, इन सब में होता है, तो ये सारी जो प्रोटीन होती है ये संकुचित प्रोटीन होती है, इसमें नाक के पास जो पाया जाता है या फिर ज़्यादा हो जाता है उसे अस्थमा वगैरह भी कह सकते हैं, इस प्रोटीन के ज्यादा उसे अस्थमा हो जाता है। संरचनात्मक प्रोटीन मतलब कि जो बॉडी बिल्डिंग होती हैं, बिल्डिंग ब्लॉक टाइप में होती हैं, वो हमारी प्रोटीन होती ही होती हैं। और रक्षात्मक प्रोटीन जो हमें रक्षा करती है, जैसे एंटीबॉडीज वगैरह हुए, तो ये सारी हमारी क्या होती हैं, प्रोटीन का काम होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन इस पे कि कैसे हम इसको कैसे अपनी कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग करेंगे। इस पे क्वेश्चन कह रहे हैं कि निम्न में से कौन सा आहार मानव, ये मानव लिखा है, शरीर में नए उत्तकों की वृद्धि के लिए पोषक तत्व प्रदान करता है। अब समझिएगा मैं क्यों ये क्वेश्चन लेके आया, मैं आपके लिए ये क्वेश्चन लेके आया कि प्रोटीन सभी लोग जानते हो, और खासकर जो ये बहुत होते ना बॉडी वॉडी और साड़ी बनाते रहते हो, जिम जाते रहते हो, उन्हें तो ज्यादा मालूम होगा, उन्हें क्या हुए प्रोटीन, सेजिन केसिन जिसे बोलते हो, दो प्रोटीन तो पक्का रटा होता है कि अच्छा इस वाले पाउडर में हुए प्रोटीन पाया जाता है, हुए प्रोटीन होगा तुम्हारा बॉडी ज्यादा डेवलप करेगा। तो ये जब हम प्रोटीन के बारे में ज्यादा डिटेल में पढ़ेंगे तो समझेंगे कौन सा प्रोटीन कौन कहाँ की बॉडी ग्रो करता है, कौन सा मसल्स ग्रो करता है, कौन किसके लिए होता है। जैसे बहुत केरोटीन अलग ही प्रोटीन होता है जो आपका बाल वगैरह में पाया जाता है, केसिन दूध वगैरह में पाया जाता है, ये सब डिफरेंट टाइप की प्रोटीन होती हैं, तो हम उसके बारे में सारी चीज़ें पढ़ेंगे। लेकिन अभी हम स्ट्रक्चर और बायोलॉजिकल और अपने सिलेबस के हिसाब से पढ़ेंगे, हमें हुए प्रोटीन और केसिन प्रोटीन से ज़्यादा मतलब नहीं है, जितना काम का है वही हम करेंगे, जिन्हें बॉडी बनाना है वो समझे हुए प्रोटीन, ये सब बायो का मेडिकल का टर्म है, जितना पूछा सकता है हम उसकी बात करेंगे। तो जो प्रोटीन अब यहाँ पे क्यों जरूरी है, हमें ये जानना जरूरी है कि किस कौन से फल में प्रोटीन पाया जाता है, कौन से फल में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, कौन से फल में विटामिन्स पाया जाता है, हालांकि पाया सब में जाता है लेकिन ज़्यादा मात्रा किस में पाया जाता है, ताकि हम ऐसे क्वेश्चन कर पाएं। तो ये क्वेश्चन भी कुछ ऐसा है, पूछ रहा है कि ऐसा कौन सा फल खाया जाए कि उत्तकों की वृद्धि हो, ऐसा पोषक तत्व प्रदान हो। तो जाहिर सी बात है, फल है, सब्जियां हैं, पनीर है, मिठाई है। अब देखो वृद्धि के लिए पोषक तत्व प्रदान करता है, अगर इस क्वेश्चन को कॉन्सेप्चुअली देखें तो सब तो पोषक तत्व प्रदान करते हैं, ऐसा नहीं कि कोई नहीं करते, और सब में कुछ ना कुछ प्रोटीन पाई जाती है, लेकिन जो हमारा सटीक उत्तर होगा वो क्या होगा, पनीर होगा, क्योंकि पनीर में सबसे ज्यादा प्रोटीन पाई जाती है। बात समझ में आ गई, तो इसका उत्तर क्या होगा, प्रोटीन होगा। कुछ महत्वपूर्ण बिंदु देख लेते हैं इससे, जहां से क्वेश्चन बन सकते हैं। टायरोसिन नाम की एक प्रोटीन होती है जो आपके एड्रेनालिन और या नॉर एड्रेनालिन या डोपामाइन बोल सकते हैं, इन एंजाइमों को क्या करती है, बड़ा एक्टिवेट कर देती है। तो इससे क्या होता है, आप बहुत ज़्यादा एक्टिवेट हो जाते हो, तेज जाते हो, वरना आप इससे पहले सुस्त पड़े रहते हो, है ना, बात समझ में आ रही है। तो ये प्रोटीन ऐसे लोग जो लग रहा है कि पढ़ने मन नहीं लग रहा हो, सुस्त पड़े हो, बिस्तर तोड़ रहे हो, वो इस प्रोटीन को लोग टायरोसिन जब ढूंढ के लोग किसमें पाया जाता है, और वो फल खाओ ताकि आप लोग के अंदर थोड़ी फुर्ती आए, और आप लोग जल्दी जल्दी पढ़ो, अच्छे से ज़्यादा मेहनत कर पाओ, 12-15 घंटा पढ़ पाओ, 3-4 घंटे में कोई काम नहीं होगा। गेहूं में ग्लूटिन पाया जाता है, ग्लूटिन खासकर मैं बता दूं इसका क्या होता है, जो कच्चा गेहूं होता है उसमें ग्लूटिन नहीं पाया जाता, जब गेहूं पक जाता है, टाइट हो जाता है, तब ये क्या होता है कि इसमें ग्लूटिन की मात्रा आ जाती है या बढ़ जाती है, ऐसा बोल सकते हैं। इससे फायदा क्या होता है कि जो आप रोटी बना पाते हो ना,
इसी कारण बना पाते हो। अगर गेहूं नरम ही रहेगा, पकेगा नहीं, तो आप उसे रोटी बना पाओगे क्या? नहीं बना पाओगे। तो ग्लूटेन ही अल्टीमेटली डायरेक्टली इनडायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल है कि आप रोटी खा पाते हो, क्योंकि वो टाइट हो पाता है, या ऐसा बोल सकते हैं टाइट होता है तो उसमें ग्लूटेन आ जाता है, जिसके कारण रोटी अच्छे से बन जाती है। तो ये गेहूं में पाया जाता है, याद रखिएगा कौन सा है, ग्लूटेन है। टायरोसिन कहाँ पाया जाता है, देखिएगा इसे आप, बाल या सींग या नाखून या खुर। जानवरों के जो खुर होते हैं, हमारे नाखून होते हैं, बाल होते हैं, या जानवरों के सींग होते हैं, हमारे सींग तो नहीं होते, जानवरों के होते हैं, तो जिनके भी सींग होते हैं, कहने का मतलब उसमें अल्फा कीरेटिन पाया जाता है। जनरली ये कई बार क्वेश्चन में कीरेटिन ही बोल देते हैं, लेकिन कई बार क्वेश्चन में स्पेसिफाइड कर देते हैं, तो आपको ध्यान में रखना है कि जो अल्फा कीरेटिन होता है ये बालों में पाया जाता है, नाखून में पाया जाता है, जानवरों के सींग और खुर में पाया जाता है। ये ऐसे सारे बेसिक स्केलेटन जो हमें रक्षा प्रदान करते हैं, ऐसे सारे जानवर उनमें भी, जैसे मैंने बताया कछुआ के ऊपर जो होता है उसके ऊपर भी, ये सब क्या होते हैं, अल्फा कीरेटिन से ही बने होते हैं। जंतुओं की बात कर रहा हूँ। दूध का जो सफेद रंग होता है ये कैसीन क्या होता है, इसे इंग्लिश में ऐसे सेजिन भी लिखते हैं, CAESIN, इसे कैसीन बोलते हैं। इसी के पीछे बच्चे परेशान रहते हैं बॉडी बिल्डिंग बनाने के लिए, एक ये और एक होए प्रोटीन। होए प्रोटीन मोस्टली आपका गेहूं में पाया जाता है, केजीन मोस्टली आपका दूध में पाया जाता है। बात समझ रहे, बिल्डिंग ब्लॉक तो वो ज़्यादा आपका मसल्स डेवलप करता है, ये ज़्यादा आपका रोग प्रतिरोधी क्षमता का होता है, आपके इम्यून को स्ट्रांग करता है। तो ये हमारे कुछ खास प्रोटीन हो गए। गाय के दूध का जो रंग पीला होता है वो कैरोटीन नाम का होता है। ध्यान रखना, कीरेटिन और कैरोटीन दोनों अलग अलग होते हैं। इसका जो फॉर्मूला होता है C40H56, ये फॉर्मूला होता है किसका, कैरोटीन का। इसके कारण जो गाय का दूध होता है वो ज्यादा थोड़ा सा पीले रंग का होता है। अब इसका मतलब ये नहीं कि सारी पीली चीज में यही पाया जाता है, गाय के दूध की बात कर रहा हूँ, कैरोटीन पाया जाता है, और कैरोटीन से आप इसे कीरेटिन से कंफ्यूज मत होना जो बाल में पाया जाता है। भैंस के दूध में औसत जो वसा की मात्रा होती है ये 7.2% होती है। दूध में पाए जाने वाले प्रोटीन होते हैं जो जिसे पचाते हैं वो क्या होते हैं, रेनिन कहलाते हैं, है ना। ऐसे प्रोटीन जो दूध को पचाते हैं, हमारे बॉडी में, हमारे इंटेस्टाइन में जो दूध को पचाते हैं वो क्या कहते हैं, रेनिन। रेनिन क्या करते हैं एक्चुअली, जो सपोज करें कि आप दूध पिए, अब दूध पिए तो ये क्या करते हैं, इसे जैसे दही को तोड़ नहीं देते हैं तो उसका पानी पानी अलग कर देता है और उसका वो अलग कर देता है, सपोज करो कि उसकी मलाई मलाई एक जगह आ जाती है, तो ये तोड़ देता है और तोड़ने के कारण से अब उसका पाचन आसानी से हो पाता है, तो वो काम कौन करता है, रेनिन ही करता है। बात समझ में आ रही है। दूध में कुल प्रोटीन की मात्रा जो होती है वो 3.3% होती है। ये सब मैं इसलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ क्योंकि यहाँ से डायरेक्ट प्रश्न बन सकते हैं। दूसरी बहुत खास बात यह है कि हीट से और एक्स किरणों या भारी धातु के साल्ट से जो प्रोटीन होती है वो डिफॉर्म हो जाती है, उसका विकृत हो जाती है। इस कारण बोला जाता है, जैसे आप एनसीओ प्लस वगैरह जो प्रोटीन पाउडर वगैरह होते हैं या जो जिम करते हैं बच्चे जानते होंगे, उस पर लिखा होता है स्टोर एट डोंट पुट अंडर सन, ऐसे बोलते हैं कि मतलब सूर्य के उसमें ना रखो, है ना, स्टोर एट कूल प्लेसेस ऐसे करके बोलते हैं। तो इसलिए बोलते हैं कि उसमें हीट से या किसी किरणों से उसकी विकृत ना हो जाए, पता लगे आप प्रोटीन पाउडर समझ के पी रहे हो और उसमें कुछ मिल ही नहीं रहा है, पी रहे हो कुछ मिल गया कुछ, कोई फायदा नहीं, गाली जिम वाले को दे रहे हो, तो ऐसा नहीं करना है आपको। ये चीज़ थोड़ा जानोगे तो आप आराम से उसमें कर लोगे। सामान्य क्रियाशील महिला के लिए प्रोटीन का जो दैनिक मात्रा का प्रयोग होता है वो 45 ग्राम का होता है। जनरली जो महिलाएं होती 40 से 45 ग्राम, जो पुरुष होते हैं वो 60 से 70 ग्राम। जो गर्भवती महिलाएं होती हैं उन्हें 60 ग्राम की प्रोटीन की जरूरत होती है, इस बात को भी थोड़ा ध्यान में रखिएगा, आगे मैं इसे बता दूंगा। चलिए अब हम आते हैं मेन विटामिन पे, जो आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनता है। और फिर से मैं बता दूँ कि आपके लोअर के मेंस में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन विटामिन से ही पूछा जाएगा। तो विटामिन में ऐसा सच कुछ है नहीं, वही 12-13 विटामिन हैं, उन्हीं के बारे में अच्छे से पढ़ना है। बेसिकली हमें उनके केमिकल नाम पता होने चाहिए, उनके हमें ये पता होना चाहिए कि उसकी कमी से कौन से रोग होते हैं, और ये पता होना चाहिए कि किस में पाए जाते हैं। बस इतनी तीन चीज़ पता है तो आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, जिसके लिए मैं आपको यहाँ पे बता भी दे रहा हूँ, प्लस आप अलग से भी पढ़ लीजिएगा, दिए हुए नोट से भी पढ़ लीजिएगा, अच्छे से उसे रट डालिएगा, एक भी छोड़िएगा नहीं। विटामिन होता क्या है, ये होता है वाइटल अमीन्स, मतलब कि ऐसे अमीनो एसिड जो बहुत ही जरूरी होते हैं। जरूरी होते हैं, जरूरी तो वो प्रोटीन नहीं होता क्या, इसलिए इसे वाइटल बोला गया, क्योंकि ये हमें जनरली हमारे बॉडी में सिंथेसाइज नहीं होते हैं।
हमें अंदर से नहीं प्राप्त होता, हमें इसे बाहर से ही इनटेक करना पड़ता है, और हमारे मेटाबॉलिक रिएक्शन को कंट्रोल करने के लिए विटामिन की बहुत ज़्यादा जरूरत पड़ती है। इसलिए इसे क्या बोला गया, वाइटल अमीन्स, मतलब जो बहुत ही उपयोगी अमीन्स हैं उन्हें बोला गया वाइटल अमीन्स। और ये हमें कहाँ से प्राप्त होते हैं, बाहर सोर्स से प्राप्त होते हैं, फल से, सब्जियों से और भी विभिन्न सारी चीज़ों से क्या मिलता है, विटामिन मिलता है। विटामिन का काम क्या होता है, विटामिन अगर ना रहे बॉडी में तो आप केवल रोग से ग्रसित हो जाएंगे, इतने रोग हो जाएंगे कि आप पूछे मत। अभी सपोज करें विटामिन ए कम हो जाए तो आंखें एकदम सफेद हो जाएंगी आपकी, जो काला काला पोर्शन दिख रहा है ना सब खत्म हो जाएगा। क्यों? क्योंकि विटामिन ए पूरा आपका जो कलर पिगमेंट होता है पूरा आंखों के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होता है, आम हो विटामिन ए उसमें पाया जाता है। ऐसे डिफरेंट जैसे अगर विटामिन बी हुआ तो पता लगा पूरे शरीर में अगर विटामिन बी की कमी हुई जगह जगह छाले पड़ जाएंगे, जगह जगह से ब्लीडिंग होने लगेगी विटामिन सी की कमी से, है ना। विटामिन डी की कमी हो जाए तो पता लगे कि हड्डियां ही नहीं खड़ी हो रही हैं, खड़े हो रहे खट से टूट गई हड्डियां कमजोर हो गई, इतना रिकेट्स वगैरह हो जाता है। विटामिन ई की कमी हो जाए तो पता चले कि पाचन क्षमता ही खत्म हो गई या स्टेरिलिटी भी आ जाती है विटामिन ई से। ऐसे ही डिफरेंट विटामिन के हो गए तो पता लगे कहीं कटा खून ही बह रहा है, नहीं निकाल पा रहे, जम ही नहीं पा रहा है, सारा खून बाहर चला जा रहा है, रोक ही नहीं पा रहे, कपड़ा पे कपड़ा बांधे हैं, बस समझ में आ रहा है। तो इसके बहुत ज्यादा जरूरी है विटामिन्स, इसलिए हम पढ़ेंगे। हाँ, इसमें जैसे बताया था कि सी फंक ने इसका खोज किया था, तो आप इसे समझिएगा। विटामिन जो होते हैं जनरली दो प्रकार के होते हैं, मैं यहाँ पे बता दूं, एक होते हैं क्या वाटर सोल्यूबल और एक क्या होते हैं फैट सोल्यूबल। अब आप समझिएगा, फैट सोल्यूबल वही भाई जिसके पास ज्यादा पैसे होंगे वही तो फैट सोल्यूबल होंगे। कहने का मतलब जैसे आपके इंजीनियर हुए, डॉक्टर हुए, है ना, ए डी ई के इंजीनियर डॉक्टर ये सब जो होते हैं, एडवोकेट, ये सब क्या होते हैं, फैट, ज्यादा फैटी यही तो खाएंगे, पिज्जा बर्गर कौन खाएगा, यही खाएंगे जिनके पास पैसे हैं। तो ये सब क्या होते हैं, फैट सोल्यूबल होते हैं। और जो बेचारे होते हैं मतलब बी सी, ये क्या होते हैं, वाटर सोल्यूबल होते हैं। बात समझ में आ गई। अब वाटर सोल्यूबल होंगे तो इसकी एक कमियां हैं। कमियां क्या है, आप विटामिन लिए, सपोज करिए कि आप कोई ऐसी चीज खाए जिससे विटामिन नहीं लिए, क्या, चलिए आप मिर्ची खाए, चलिए आप आंवला खाए तो उसमें विटामिन सी कंज्यूम किए, अब थोड़ी देर बाद पानी पी लिए, पेट में विटामिन गया, पानी भी गया, वो विटामिन पानी में घुल गया और पेशाब के साथ बह गया, तो आपके खाने का क्या फायदा। बात समझ में आ गई। तो इसलिए ज्यादा से ज्यादा मात्रा में हमें इसकी जरूरत पड़ती है। क्यों? क्योंकि ये हमारे बॉडी में स्टोर नहीं हो पाते हैं, ये पानी के साथ, पसीने के साथ, पेशाब के साथ क्या होते हैं, बह जाते हैं, इस कारण हमें इन्हें ज्यादा जरूरत पड़ती है, ठीक है, ज्यादा जल्दी जल्दी कंज्यूम करना पड़ता है। जबकि जो हमारे फैट सोल्यूबल होते हैं ये एक बार गया तो वाटर में तल सोल्यूबल होंगे नहीं, वाटर में सोल्यूबल होते नहीं है, तो फैट में सोल्यूबल होंगे, वो आपकी जाके कहाँ हो जाएंगे, संचित हो जाएंगे। कहाँ संचित होंगे, लीवर में जाके संचित हो जाएंगे। फैट कहाँ पे जाके स्टोर होता है, लीवर में स्टोर होता है। फैट का सिंथेसाइज कहाँ होता है, बॉडी में तो सिंथेसाइज नहीं करते, कुछ विटामिन को छोड़ के, जैसे विटामिन के, जैसे विटामिन बी वन, जैसे बी वन टू कोवैलेमिन, अभी आगे बताऊंगा, जैसे विटामिन डी, ये तीन ऐसे विटामिन है जनरली, आप समझिएगा, जनरली जो विटामिन्स होते हैं वो बॉडी में सिंथेसाइज नहीं होते हैं, बॉडी में सिंथेसाइज नहीं होते हैं, किसे छोड़ के, विटामिन डी, विटामिन के और विटामिन बी वन टू, ये तीन विटामिन आपके बॉडी में सिंथेसाइज होते हैं। के और बी वन टू आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में सिंथेसाइज होता है, और विटामिन डी जो होता है वो आपका सनलाइट में या परावैगनिक किरणों के मौजूदगी में आपके स्किन के अंडर में क्या होते हैं, सिंथेसाइज होते हैं, जो वहां से सिंथेसाइज होकर आपके टिश्यू में चले जाते हैं और जाके बाद में स्टोर हो जाते हैं। बात समझ में आ गया। तो विटामिन डी, के और बी वन टू बॉडी में सिंथेसाइज होते हैं, इस बात को दिमाग में रख लीजिएगा। डी ए हमारा एंजाइम प्रोटीन भी है, और जो जनरली वाटर सोल्यूबल बी सी होते हैं और फैट सोल्यूबल ए डी ई के होते हैं। अब बी के बहुत सारे कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, बी वन होते हैं जैसे थायमिन बोलते हैं, बी टू होते हैं राइबोफ्लेविन बोलते हैं, अभी एक एक चीज़ मैं बताऊंगा, परेशान मत होइए। बी थ्री होता है, बी फाइव पेंटोइक एसिड होता है, बी सिक्स पाइरोडॉक्सिन होता है, बी सेवन, बी नाइन और बी ट्वेल्व, इतने आपके कंपोनेंट बी के होते हैं। तो एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ जो आपके जरूरी हैं, आठ ये, नौ दस ग्यारह बारह तेरह, ये तेरह जो हैं विटामिन, हालांकि टोटल बीस पाए जाते हैं लेकिन जो तेरह विटामिन हैं ये बहुत ही ज़्यादा आपके बॉडी के लिए उपयोगी हैं। तो एक एक विटामिन के लिए हम यहाँ पर पढ़ते हैं किसमें पाए जाते हैं, क्या उनका प्रयोग होता है,
अच्छे से हम इस चार्ट के माध्यम से देखते हैं। इसका नोट्स भी आपको दे दिया जाएगा, आप उसे रट लो। मैं फिर से बोलूंगा इसका एक एक चीज रटा होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन कहाँ से बनाएगा, विटामिन एक तरफ दे देगा और एक तरफ केमिकल नेम दे देगा, कूट में क्वेश्चन बना देगा, या केमिकल नेम दे देगा उससे होने वाली डिजीज पूछ देगा उसकी डिफिशियंसी से, और ये टफ हो जाता है जब आपको केमिकल नेम रटा नहीं होता है। तो केमिकल नेम आपको रटा होना चाहिए, इतना कोई बड़ी बात नहीं है। 13 विटामिन के केमिकल नेम ना याद कर पाओ तो समझ लो कि लोअर मेंस देना बेकार है। इसलिए विटामिन ए को हम क्या बोलते हैं, रेटिनॉल बोलते हैं। इंग्लिश में इसे RATINOL ऐसे लिखते हैं, रेटिनॉल बोलते हैं। किसमें पाया जाता है, कैरोटीन युक्त फल में। कैरोटीन जैसे मैंने बताया था कैसे दूध में पाया जाता है, केराटिन बाल में पाया जाता है, कैरोटीन कहाँ पाया जाता है, दूध में पाया जाता है। जिगर व आंतरिक श्लेष्मा की कोशिकाओं में, जिगर में, जिगर मतलब आपका लीवर है ना, बीड़ी जले ले जिगर से पिया पड़े है ना, वही वही है कलेजा जिसे बोलते हैं, अरे मेरा कलेजा है तू, वो इसका तो बहुत बहुत नाम है, बहुत संज्ञा दी गई है। तो लीवर में बहुत ज्यादा मिलता है। अब इसका मतलब ये नहीं कि कोई बगल वाला दोस्त है मारे एक हाथ उसका लीवर निकाले और चबा गए, है ना। लीवर भी समझो कि जैसे आप मुर्गा वर्गा तो खाते ही हो, तो जो नॉनवेज वाले हैं वहां से मिल जाते हैं, जो वेज वाले हैं उन्हें चिंता करने की बात नहीं कि भैया लीवर नहीं खाओगे तो कोई विटामिन ए नहीं मिलेगा आपके लिए। बहुत सारे फल होते हैं, कैसे आम बहुत अच्छा स्रोत है ना, पपीता बहुत अच्छा स्रोत है आपके विटामिन ए का। तो ये सारे जो फल हैं यहाँ से आप विटामिन, गाजर सबसे ज़्यादा जिसमें विटामिन पाया जाता है, तो गाजर हुआ, आम हुआ, पपीता हुआ, और फल में तो लगभग सब में पाया जाता है, ऐसा नहीं। मैंने क्या बताया था, ये विटामिन ए आम में पाया जाता है, इसका मतलब ये नहीं कि आम में कोई और विटामिन नहीं पाया जाता, उसमें विटामिन सी भी पाया जाता है, सारे फल में लगभग सारे विटामिन पाया जाता है, लेकिन जो प्रचुर मात्रा में पाया जाता है हम उसकी बात करते हैं। तो यहाँ पे बात करेंगे कि आम में प्रचुर मात्रा में विटामिन ए पाया जाता है, बात समझ में आ गई। गाजर में प्रचुर मात्रा में विटामिन ए पाया जाता है, लीवर वगैरह में, लीवर इंसानों की बात नहीं कर रहा हूँ, आप जैसे बकरा बकरी खाते हो है ना, नॉनवेज वाले उनके में है ना, या चिकन वगैरह इन सब में क्या होता है, कुछ लोग तो पता नहीं किसका किसका लीवर खा जाते हैं, जो बात नहीं करेंगे, फिर भी तो जी इसमें मिलता है, लीवर में मिलता है और कैरोटीन युक्त फल में मिलता है, बासों में विटामिन, दूध में भी विटामिन ही मिलता है। इसको थोड़ा ध्यान से देखेंगे, हमें रटा होना चाहिए किसमें क्या क्या मिलता है, और ऐसे क्वेश्चन जब एग्जाम में आते हैं मैं बताऊंगा ट्रिक, जब आपका प्रैक्टिस करवा रहा हूँगा है ना, जो सेक्शनल टेस्ट होंगे उसमें बताऊंगा कि कैसे ट्रिक से इसे सॉल्व किया जाता है ताकि आप आसानी से इसे फिल्टर आउट कर पाओ। इसकी कार्यकी पर प्रभाव क्या होता है, ये आपका जो कलर पिगमेंट होते हैं उसका सिंथेसाइजेशन करता है, दृष्टि के रंग का संश्लेषण करता है, इपिथेलियल स्तरों की वृद्धि का विकास करता है। अच्छा, बहुत लोगों के दिमाग में ये हो जाता है कि जो विटामिन ए होता है वो केवल आंखों के लिए फायदेमंद, ऐसा नहीं है। जो हमारा इपिथेलियल टिश्यू, जो टीसी का फॉर्मेशन होता है ना, वो भी विटामिन ए उसमें सहयोगी होता है, केवल एक काम नहीं है, एक काम होता तब तो उसको सैलरी फालतू भी जा रही होती, बात समझ में आ रहे हैं, मल्टीपर्पज होते हैं सब। हाँ, ऐसे ही इसकी कमी से क्या प्रभाव होता है, कॉर्निया या त्वचा के कोशिकाओं का विकास अवरुद्ध हो जाता है। कॉर्निया का अगर विकास अवरुद्ध हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, आपको तमाम तरीके आंखों की बीमारी हो जाएंगी, जैसे नाइट ब्लाइंडनेस, कुछ लोग कलर ब्लाइंडनेस बोल देते हैं विटामिन ए की कमी से। तो मैं बता दूं बेटा, कलर ब्लाइंडनेस विटामिन ए की कमी से नहीं होता, ये जेनेटिक रोग है, ये आपके पिता आपकी माता से ही आएगा और आपको मिलेगा। दूसरी बात, लड़कियों में कलर ब्लाइंडनेस होने का चांस नहीं होता, क्योंकि ये केवल एक्स क्रोमोसोम से होते, बात समझ में आ गया। अब लड़कियों में कलर ब्लाइंडनेस नहीं होता केवल लड़कों में, कोई भी ऐसी लड़की बताओ जिसको कलर ब्लाइंडनेस है, मुझे तो आज तक नहीं मिली, पता नहीं आपको कोई मिल गई हो तो बात अलग है, बायो ऐसा बदल गया हो, लेकिन लड़कियों में नहीं होता है कलर ब्लाइंडनेस। और कलर ब्लाइंडनेस विटामिन ए की कमी से नहीं होता है, है ना, किसकी कमी से होता है, वो जेनेटिक डिसऑर्डर होता है। तो ये क्या होता है फिर, नाइट ब्लाइंडनेस है ना, रात में रतौंधी जिसे बोलते हैं, शाम होने के बाद सब हाथ हाथ ऐसे मारने लगते हैं, ऐसे लोग कुछ लोग दादा लोग मिलते नहीं है गांव में, तो वो होते हैं उनके, क्योंकि खाने में विटामिन ए की कमी हो जाती है। कई बार विटामिन ए की कमी से आपके जो आंखों की पुतले हैं मांस से थोड़ा चढ़ने लगता है, या कई बार जो सफेद सफेद सा कैटरैक्ट बनने लगता है, आप लोग मोतियाबिंद बोलते हो, उसका भी थोड़ा बहुत शिकायत आ जाती है किससे, विटामिन ए की कमी से। तो ज्यादा डिजीजेस विटामिन ए की कमी से हैं, प्लस आपके ग्रोथ अवरुद्ध हो जाता है, अगर विटामिन ए की कमी हो जाएगी तो आपकी बॉडी डेवलप नहीं कर पाएगी, मतलब एक हाथ लंबा रहेगा एक हाथ छोटा रहेगा, हालांकि ऐसा होता नहीं, छोटा रहेगा तो दोनों छोटा रहेगा, लेकिन ज्यादा चांसेस क्या है विटामिन ए से, नेत्र में जो नेत्र की वो होती है आंखों में बीमारी होती है वो विटामिन ए की कमी से होती है। विटामिन डी जिसे हम कैल्सिफेरॉल भी बोलते हैं, मैं बता दूं विटामिन डी के दो कंपोनेंट होते हैं D2 और D3, ये होता है कैल्सिफेरॉल है ना, कैलो कैल्सिफेरॉल, और ये होता है एर्गो कैल्सिफेरॉल।
कैल्सीफेरॉल विटामिन डी होता है, कैलो कैल्सीफेरॉल डी टू होता है, और एल्गो कैल्सीफेरॉल क्या होता है, डी थ्री होता है। अब देखिएगा ये कहाँ से मिलता है, मक्खन से मिलेगा, लीवर से, फिर से वही बात, लीवर बड़ी काम की चीज़ है, मछली से मिल जाएगा, मछली के तेल से, किसी का गुर्दा खा जाओ, किसी का अंडा खा जाओ, सूर्य का प्रकाश, विटामिन डी तो मिलता ही है ना सूर्य से, तो विटामिन डी जनरली आप लोग केवल यही जानते हो सूर्य के प्रकाश से, लेकिन मक्खन, यकृत और मछली का तेल, गुर्दा, अंडे, और भी बहुत सारे कैप्सूल आते हैं, ना मेरे तो कैप्सूल चबा जाओ, डी थ्री वगैरह के कैप्सूल आते हैं, सीधा कैल्सीफेरॉल के ही नाम से आते हैं, उसे ही खा लिया करो, विटामिन डी की कमी हो जाए। देखो विटामिन डी की कमी होती है ना तो ब्लड में एक पोटेशियम करके होता है, वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जनरली उसका जो रेंज होना चाहिए वो 100 से 130 होना चाहिए, वो बढ़ जाता है 350-400 से, अगर वो रेंज बढ़ गया, कभी आप ब्लड टेस्ट वगैरह कराना तो जो आपका लीवर फंक्शन टेस्ट होता है, लीवर फंक्शन में पोटेशियम करके होता है, पोटैश करके ऐसे कुछ होता है, पूरा एग्जैक्ट नाम नहीं आ रहा है, वो अगर बढ़ जाता है 436-437 हो जाता है, तो समझ लो कि आपके बॉडी में विटामिन डी की कमी हो रही है, प्रोटीन की कमी हो रही है, तो जो रूटीन चेकअप एलएफटी केएफटी आप कराते रहा करो, पता चलता रहा, अगर कहीं ऐसा तो नहीं पता लगे कुछ बॉडी में डेवलप हो रहा हो, हाँ ध्यान रखा करो। कैल्शियम व फॉस्फोरस का कार्य क्या होता है, कैल्शियम और फॉस्फोरस का बहुत ज़्यादा काम करता है, उपापचय में मदद करता है, हड्डियों और दांतों की वृद्धि में काम आता है, दांतों की हड्डी होती है ना ऊपर इनेमल होता है, अंडर का तो सब कैल्शियम, ये विटामिन डी के ही मदद से होते हैं, जो हड्डी होती है ना, पता लगे कमजोर, विटामिन डी गया तो हड्डी गई कमजोर, क्या हो जाएगा, रिकेट्स हो जाएगा या ऑस्टियोमलेसिया हो जाएगा। इसमें क्या होता है रिकेट्स वगैरह में, रिकेट्स पहली बात तो जो हड्डी होती है वो पोरस हो जाती है, कमजोर हो जाती है, दूसरी चीज क्या होता है मैं आपको यहीं पर बता दूं, जिसे सपोज करो कि ये आपके पैर की हड्डी है, ये घुटना है और ये आपके पैर की हड्डी है, ऐसे बना देते हैं है ना, ये जनरल इंसान की पैर की हड्डी है, लेकिन जो लोग जिनके रिकेट्स हो जाता है वो बंदरों की तरह ऐसे, ये घुटना है ऐसे हो जाएगा, देखे हो किसी के पैर ऐसे, बच्चों में हो जाते हैं ऐसे करके, ये मोटू पतलू है समझ जाओ है ना, ऐसे पैर हो जाते हैं, जो नॉर्मल लेग है वो ऐसे है, और रिकेट्स वाले लेग कैसे हो जाते हैं, ऐसे हो जाते हैं, लचीले हो जाते हैं बचपन से विटामिन डी की कमी से, तो ये क्या हो जाते हैं, मुड़ जाते हैं, बस समझ में आ गया, तो ऑस्टियो मलेशिया नाम की बीमारी या सूखा रोग इसे ही क्या बोलते हैं, रिकेट्स बोलते हैं, इसमें हड्डियां क्या हो जाती हैं, कमजोर हो जाती है, विटामिन डी की कमी से होता है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, विटामिन ई, इसे टोकोफेरॉल के नाम से जाना जाता है, इसे कैल्सीफेरॉल, इसे क्या बोलते हैं, टोकोफेरॉल, तेल में मिलता है, गेहूं में मिलता है, अंडों की जल्दी में मिलता है, सोयाबीन में मिलता है, बादाम में भी मिलता है, और भी बहुत सारी चीज़ों में मिलता होगा, यहाँ पे जितना है उतना ही लिखा गया है। काम क्या करता है, कोशिका कला की सुरक्षा, जो सेल वाल होते हैं उनकी सुरक्षा करता है, जनन क्षमता में वृद्धि और पेशियों के संकुचन में मददगार होता है, तो ये हमारा क्या काम होता है, विटामिन ई का काम होता है, अगर ये कम हो जाए तो जनन क्षमता में कमी हो जाता है, जनन क्षमता में कमी मतलब एंटी स्टेरिलिटी, स्टेराइल हो जाता है इंसान है ना, तो उसमें बांझपन, औरतों में बांझपन हो जाता है, और मनुष्यों मर्दों में क्या हो जाता है, स्टेराइल हो जाते हैं, नपुंसक टाइप में हो जाते हैं, एपिथेलियम कमजोर हो जाता है, बाहर की जो लेयर होती है वो कमजोर होती है, किसकी कमी से, विटामिन ई की कमी से, इसे प्रेगनेंसी हार्मोन भी बोलते हैं, ध्यान रखिएगा क्या बोलते हैं विटामिन ई को, प्रेगनेंसी हार्मोन भी बोलते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं विटामिन के, विटामिन के को क्या बोलते हैं, इसका केमिकल नाम फिलोक्विनोन बोलते हैं, फिलोक्विनोन, अगर इसकी बात करें तो हरी पत्तियों में पाया जाता है, अंडा, यकृत, टमाटर, गोभी, सोयाबीन आदि के बैक्टीरिया में पाया जाता है। क्रियाशीलता इसकी क्या है, यकृत में प्रोथ्रोम्बिन का संश्लेषण, प्रोथ्रोम्बिन मैंने बताया नहीं, ये क्या करता है, आपके ब्लड में क्लॉट कराता है, थक्का कराने में मदद करता है, अगर इसकी कमी हो गई तो डॉक्टर आपका ऑपरेशन नहीं करेगा, बात समझ लीजिएगा, क्यों नहीं करेगा, क्योंकि अगर वो चीरा मार दिया तो दुनिया में कोई ऐसा डॉक्टर नहीं बचा है जो आपको उसका आपका ब्लड ब्लीडिंग रोक लेगा, इस कारण आपका ऑपरेशन नहीं होगा किसी का भी, अगर आपका विटामिन के की कमी हो गई है, बस ज्यादा हो जाए तो पता लगे सारा खून ही जम जाए, समझ रहे, तो विटामिन के क्या होता है, आपके ब्लड के क्लॉटिंग में सहायक होता है, चोट पर रक्त का थक्का ना जमने या जमने से अधिक रक्तस्राव होने लगता है, ब्लीडिंग होने लगती है, बात समझ में आ गया, विटामिन के ध्यान दीजिएगा, फिलोक्विनोन होता है इसका केमिकल नेम। इसके बाद आते हैं विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में, ये थोड़ा पेचीदा, इसमें सबसे ज्यादा परेशान होते हैं, विटामिन बी वन को थायमिन बोलते हैं, थायमिन का स्रोत क्या है, बिना पॉलिश अनाज या फलियां अंडा, क्या होता है विटामिन बी वन, आप बहुत सारे लोग आजकल फैशन में पता नहीं क्या होता है कि आप लोग चावल खाओ ना तो सफ़ेद वाला चावल खाओगे, अगर थोड़ा सा पीला हो जाएगा तो आपके लगता है पता नहीं कौन सी साख चली गई है, आपका पता नहीं कौन सा वो रॉयलिटी चली गई है, अगर चावल थोड़ा सा पीला हो जाता है, सफ़ेद कराने के लिए क्या करते हो, पॉलिश मरवाते हो, पॉलिश समझते हो, चावल में पॉलिश करवाया जाता है,
पता नहीं जब दराते वराते हैं गांव में चावल जैसे भी होगा, तो उसमें एक सिस्टम होता है पॉलिश चढ़ना, तो उसके ऊपर की जो फलक होती है, ऊपर जो लेयर होती है, उस लेयर को हटाया जाता है पॉलिश के सिस्टम में। जो ऊपरी लेयर को हटाते हैं तो चावल वगैरह क्या होता है, ज़्यादा सफ़ेद हो जाता है। या आप लोग ये जो आशीर्वाद का आटा खाते हो ना, एकदम सफ़ेद सफ़ेद सा होता है। मैं आपको बता दूँ, ज़्यादा आशीर्वाद वाले होगा तो बेरी बेरी हो जाएगा, विटामिन बी1 की कमी से बेरी बेरी हो जाता है। क्यों? क्योंकि जब हम कोई फल पॉलिश नुमा चावल या गेहूँ खाते हैं तो उनका छिलका उतार दिया जाता है, जिसमें से विटामिन बी1 कम हो जाता है। इसके जो साइंटिस्ट थे, मुलर नाम था, वो भी इसके छिलके में ही विटामिन बी1 की मात्रा ज्यादा पाए थे। तो बिना पॉलिश के अनाज ही खाया करिए, वरना क्या हो जाएगा, बेरी बेरी हो जाएगा। और बेरी बेरी में होता क्या है, आपके ऊंटों के यहां पे एकदम लाल सा हो जाएगा, बहुत कट फिट जाएगा, हाथ आपके दाने निकल आएंगे हाथों में, पैर की हड्डियां ऐसे मुड़ जाएंगी, एकदम कमजोर से हो जाएंगे, बहुत वो हो जाएंगे, जगह जगह दाने हो जाएंगे, जगह जगह चकत्ते पड़ जाएंगे, बहुत गंदी बीमारी होती है बेरी बेरी। तो आपको इससे बचना है, बेरी बेरी से। इसका कार्य क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट एवं वसा के मेटाबॉलिक रिएक्शंस में बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है और एंजाइम का घटक होता है। इतनी बात समझ में आ गई। विटामिन बी1 के बाद पी2 आता है, जिसका हम क्या बोलते हैं, राइबोफ्लेविन बोलते हैं। किसमें पाया जाता है, पनीर, अंडा, ईस्ट, हरी पत्तियां, दूध, यकृत, मांस में, यकृत मतलब लीवर। फायदा क्या है, उपापचय में महत्वपूर्ण है। और बीमारी क्या होती है, कीलोसिस होती है, बेरी बेरी की तरह ही होती है, लेकिन बेरी बेरी में हड्डियां वड्डियां सब कमजोर हो जाती है, रिप्स वगैरह भी दिखने लगते हैं, लेकिन कीलोसिस में आपके केवल ऊँटों की बीमारी होती है। आप देखते हो बहुत लोगों के यहाँ पे कटे होते हैं, यहाँ पे कटे होते हैं, वो क्या होती है, वो कीलोसिस होती है, लाल लाल खून ही निकल जाता है, यहाँ पे छोटा सा, यहाँ पे खूब जैसे लगता है, गाँव में तो बोलते हैं कि मकड़ी पेशाब करके चली गई इसलिए ऐसे निकल आया, वो सब विटामिन बी की इसकी कमी से होती है, बी2 की कमी से कीलोसिस रोग होता है। ये मकड़ी उकड़ी सब बहाना है, पहले के लोग जानते नहीं थे, अब आप लोग साइंस के विद्यार्थी हो, विज्ञान के, बायो ज्यादा आ गया है, तो घर पे जाके बताना कि भैया ऐसा खाना खाओ, कौन सा, पनीर वगैरह ज्यादा खाओ, अंडा खाओ, ईस्ट खाओ, हरी पत्तियां खाओ, साग वाग खाओ, तो विटामिन बी2 की कमी नहीं होगी, राइबोफ्लेविन की कमी नहीं होगी, तो आपको ये बीमारी नहीं होगी। चलिए विटामिन बी3 की बात करते हैं। बी3 में निकोटेनिक अम्ल से बोलते हैं, किसमें पाया जाता है, फही, ईस्ट, या मांस, यकृत, मछली, अंडा, दूध, मटर में, ये बहुत ही काम की चीज होती है मटर बी3 के मामले में, मेवा और फलियों में पाया जाता है। इसका भी काम वही होता है, मेटाबॉलिक रिएक्शन में हेल्पफुल होता है और इसकी वजह से पेलाग्रा बीमारी हो जाती है। पेलाग्रा बीमारी में क्या होता है, आप लोग कौन लोगों को देखेंगे, ये पूरा हाथ पाथ ऐसा लगता है जल गया हो, जल मतलब ऐसे व्हाइट वाला नहीं, ऐसा वो खाले बट एकदम ऐसा लगता है कि उस पर कोई गम लगा दिया हो, फेविकोल लगाने के बाद जैसा नहीं हो जाता है वैसे टाइम में, सीने पे हो जाएगा, कंधे पे हो जाएगा, पूरी स्किन ऐसे बर्न टाइप में हो जाती है, चिपक जाती है आपस में स्किन, तो वो क्या होता है, पेलाग्रा होता है। किसकी कमी से होता है, विटामिन बी3 या निकोटेनिक अम्ल, या इसे नियासिन भी बोलते हैं, इसे भी ध्यान रखिएगा, कई जगह आपको मिलेगा, इसकी कमी से पेलाग्रा हो जाता है। विटामिन P5 को क्या बोलते हैं, पेंटाथिनिक एसिड बोलते हैं। पेंटाथिनिक, पेंटा से ही नाम याद रखिएगा, B5 है तो पेंटा वाला नाम है, पेंटा मतलब 5, थेनिक मतलब यही थायमिन वाला, तो B5 हो जाएगा। किसमें मिलता है, अंडा, यकृत, मांस, दूध, टमाटर, मूंगफली, अंडा वगैरह ज्यादा खाया करें तो विटामिन बी के सारे कॉम्प्लेक्स मिल जाएंगे आपको। मेटाबॉलिक कैटाबॉलिक रिएक्शन में या सहकोएंजाइम के घटक होते हैं मेनली। बीमारी क्या होती है, चरम रोग, स्किन डिजीज, वृद्धि कम, बाल सफेद हो जाते हैं, जनन क्षमता कम हो जाती है। बात समझ में आ रही है, अगर बाल सफेद हो रहे हैं तो आपकी कौन से विटामिन कम हुई है, विटामिन B5 कम हुई है। विटामिन B6 की बात करें तो इसे क्या बोलते हैं, पाइरीडॉक्सिन बोलते हैं। पाइरीडॉक्सिन ध्यान रखिएगा, ये बच्चे भूल जाते हैं ना, इवन B7 का उन्हें याद रहेगा कि बायोटिन बोलते हैं, लेकिन इसमें भूल जाते हैं कि पाइरीडॉक्सिन बोलते हैं, तो इसे पाइरीडॉक्सिन बोलते हैं। डॉक्सिन याद रखना है, कुछ एक्शन है तो क्या है, 6 है। ये किसमें पाया जाता है, दूध में, ईस्ट में, अनाज में, मांस में, यकृत में, है ना। ये आप PDF से भी बहुत अच्छे से रट मारिएगा, कैसे भी करके रट मारिएगा, 4-5 बार लिख के पूरा टेबल बनाना पड़े, लेकिन बिना रटे हुए एग्जाम में मत जाइएगा। अमीनो अम्ल के उपापचय में है, इसके क्या होते हैं, साइंजाइम की तरह वर्क करते हैं। इसके कमी से होता क्या है, रक्त क्षीणता हो जाती है, चर्म रोग हो जाता है, पेशियां ऐठन हो जाती है, जो आपके बहुत ज्यादा मुझे टास लग रहा है ना, मसल्स वगैरह बहुत ज्यादा स्क्रैम्प आने लगते हैं, किसकी कमी से, विटामिन B6 की कमी से होने लगता है। रक्त क्षीणता यानी कि एनीमिया, एनीमिया आपके सिलेबस में है, ध्यान रखिएगा, यही एक ऐसा B6 एक ऐसा बी कॉम्प्लेक्स का है जिसकी कमी से आपका क्या हो जाता है, एनीमिया हो जाता है। एक B6 और एक B12, ये दोनों ऐसे घटक है, 6 का मल्टीपल याद रखिएगा, 6 6 12 है ना, ये दोनों ऐसे कंपोनेंट है जिसकी कमी से एनीमिया
हो जाता है और ये आपके एग्जाम में ज्यादा पूछ भी सकता है, तो मैं यहाँ पे आपको बता दिया हूँ। चलिए B7 जिसे बायोटिन बोलते हैं, कहाँ मिलता है? मांस, गेहूं, अंडा, मूंगफली, चॉकलेट में, वसीय एवं अमीनो अम्लों सहित कई अन्य पदार्थों का ये क्या करता है? हेल्पफुल होता है। इसमें चर्म रोग, बालों का झड़ना हो जाता है, अगर बाल ज्यादा गंजापन हो रहा है तो समझ जाओ विटामिन सेवन की कमी हो रही है। फिर आपको खाना क्या है, ज्यादा अंडा खाना शुरू कर दो, मांस खाना शुरू कर दो, किसी का कलेजा खा जाओ, है ना, चॉकलेट ज्यादा खाओ, मूंगफली, मैंने बताया ना 100 ग्राम मूंगफली तो रोज खाओ ही खाओ, बहुत फायदेमंद चीज है, आपकी जिंदगी बदल देगी, हो सकता है अधिशासी अधिकारी बन जाओ मूंगफली खा के, तो मूंगफली खाया करो, कहने का मतलब कुछ भी हो फायदा नुकसान। नेक्स्ट पे आते हैं जल्दी जल्दी से, B9 को फॉलिक एसिड बोलते हैं। इस ये हमारा क्या होता है, आयरन का एफिनिटी रखता है, इसकी कमी से भी क्या हो जाता है, एनीमिया हो जाता है। आयरन कम होगा तो जाहिर सी बात है आपका RBC में फर्क पड़ेगा, हीमोग्लोबिन में फर्क पड़ेगा, हीमोग्लोबिन में फर्क पड़ेगा तो आपका एनीमिया तुरंत हो जाएगा, तो B9 से भी एनीमिया का सिस्टम होता है। अब क्या होगा, हरी पत्तियां में मिलता है, लीवर में मिलता है, सोयाबीन, ईस्ट, गुर्दे और फलियों में मिलता है। काम क्या होता है, वृद्धि निर्धारणों का निर्माण, मतलब कि ऐसे आपके जो ब्लड सेल्स होते हैं जो डेवलप करते हैं उनका निर्माण होता है, DNA के संश्लेषण में इसका हेल्पफुल होता है, एनीमिया हो जाता है और वृद्धि में कमी हो जाती है B9 की कमी से, फोलिक एसिड से बोलते हैं। जब आप चेक कराने जाओगे खासकर अगर आप, तो B9 का चेक आपका जरूर होता है फोलिक एसिड का, अगर आपके खून के इससे रिलेटेड कुछ टेस्ट होगा तो। B12 साइनोकोबालमिन, इसकी अलग टेबलेट भी आती है, ये बहुत ही काम का कॉम्प्लेक्स है, हालांकि बहुत कम जगह मिलता भी है, वेज फूड में तो ज़्यादा मिलता नहीं, दूध के अलावा जल्दी आपको मिलेगा नहीं, तो ये आपको मांस, मछली, यकृत, अंडा इन्हीं में ज़्यादा मिलता है, दूध केवल वेज में ज़्यादा नहीं मिलता। इसलिए अगर आप लोग वेजिटेरियन हो तो B के कॉम्प्लेक्स वैसे ही वो आती है, टेबलेट आती है, वो खा लिया करो, कैप्सूल आता है हालांकि, ताकि दिक्कत ना हो, क्योंकि इसकी कमी से आपके लीवर पे इफेक्ट पड़ेगा, लीवर पे इफेक्ट पड़ेगा तो आपके पाचन क्षमता पे इफेक्ट पड़ेगा, फिर आप दिन में दो दो बार पता नहीं टॉयलेट ही में बैठे रहोगे बहुत सारी। और सबसे बड़ी बात है न्यूरॉन्स में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है, नर्वस सिस्टम में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है B12 जो आपकी ये NA+ का जो ये संयोजन करता है आपके ट्रांसमिशन में, न्यूरो ट्रांसमिशन में, वो सारा काम किसका होता है, B12 कॉम्प्लेक्स का होता है। तो किस में मिलता है, मोस्टली नॉनवेज फूड में मिलते हैं दूध के अलावा, और आंत के बैक्टीरिया में इसका सिंथेसाइज होते हैं, इनका जो संश्लेषण होता है वो आंत के बैक्टीरिया के द्वारा होता है, बॉडी में भी संश्लेषण होते हैं, मैंने बताया नहीं था, B12 और के और टी ये तीन ऐसे विटामिन हैं जो बॉडी में भी क्या होते हैं, सिंथेसाइज कर जाते हैं। विटामिन डी सनलाइट के प्रेजेंस में स्किन के अंदर, विटामिन B12 आंत में, और विटामिन के भी आंत में, स्मॉल इंटेस्टाइन में, बात समझ में आ रही है। इसके वृद्धि रुधिराणु का निर्माण रुक जाता है, न्यूक्लिक अम्लों का संश्लेषण में यह काम करता है। कमी क्या आती है, रक्त छिड़ता होगा एनीमिया में। तंत्रिका तंत्र की गड़बड़ियां, मतलब मोटर न्यूरॉन डैमेज हो जाएगा, बस पता चले मार दिया पैरालिसिस, है ना, मोटर न्यूरॉन डिजीज बहुत घातक बीमारियाँ हो जाती हैं इससे, तो ये बहुत ही जरूरी, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि जो वेजिटेरियन हो वो कम से कम महीने में 2-3 टेबलेट तो जरूर खा लिया करो, या तो दूध अच्छी मात्रा में भी, फिर भी बहुत ज़्यादा पीना पड़ेगा, लेकिन फिर भी आप खा लिया करो क्योंकि बहुत ज़्यादा जरूरी है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं विटामिन सी। विटामिन सी को एस्कॉर्बिक अम्ल बोलते हैं, इसके बारे में, ये एक ऐसी विटामिन है जो आप बचपन से जानते हो। टीचर पूछी, बेटा विटामिन सी किस में पाया जाता है? बोले, मैडम मिर्ची में। बेटा कैसे पता? क्योंकि सीसी करता है, ये वाला जो बहुत ज़्यादा फेमस था, तो बस वैसे ही ये विटामिन सी आपको बचपन से पता होता है। नींबू, खट्टे फल, टमाटर, सब्जियां, अन्य फल में पाए जाते हैं। काम क्या होता है, ये आपको जैसे रप्चर हो जाता है, चोट लग जाती है तो उसका बहुत जल्दी फिल करता है, या कोलेजन तंतुओं का निर्माण में, हड्डियों की मैट्रिक्स जो होती है उसके निर्माण में, और अंतरकोशीय सीमेंट का काम करती है ये। बीमारी क्या होती है, स्कर्वी होती है, या डेंटाइन का निर्माण, इससे दांतों के डेंटाइन का निर्माण होता है, तो वहाँ भी दांत में जो होते हैं उसमें भी कमी आने लगती है। और स्कर्वी और स्केबीज से बच्चे लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं, मैं बता दूं, स्कर्वी और स्केबीज दोनों अलग बीमारी हैं। स्केबीज आपकी फंगल बीमारी है, जो आपको खुजली बोलते हो ना, जिसे खुजली हो गई, वो स्केबीज होती है। स्कर्वी जो होता है, स्कर्वी आपके मसूड़ों से, आपके दांत के पास से पानी ब्लीडिंग होने लगती है, वो आपकी स्कर्वी, मुंह की बीमारी है स्कर्वी। जनरली जगह जगह से खून आने लगता है, विटामिन सी की ज़्यादा कमी हो जाएगी तो पता लगे नाक से खून आने लगेगा, तो ये जो बीमारी होती है स्कर्वी होती है। और स्कर्वी जो होता है, उसे कन्फ्यूज मत होइएगा, वो किसी विटामिन की वजह से नहीं होती है, वो फंगल बीमारी होती है।
कुछ इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं कि जो विटामिन डी को मैंने पहले ही बोला हार्मोन बनाया जाता है, माना जाता है। विटामिन के एवं बी वन टू आंत में संश्लेषण होते हैं, मैंने बता दिया है। ए डी ई के एवं विटामिन बी वन टू का संचय यकृत कोशिका में होता है, मतलब कि ये उसमें स्टोर होते हैं। कौन कौन से? कोई विटामिन स्टोर नहीं होता सिवाय ए डी ई के और बी वन टू के, समझिएगा। ए डी ई और के क्या थे? फैट सोल्यूबल थे, तो ये तो जाके स्टोर हो ही जाएंगे। लेकिन बी और सी वाटर सोल्यूबल थे, तो ये आपके पेशाब के साथ निकल जाएंगे। लेकिन बी में एक बी वन टू है जो बहुत जिद्दी प्रकृति का होता है, ये भी जाके लीवर में बैठ जाता है और बाहर नहीं निकल पाता है। इसी कारण क्या होता है कि थोड़ा बहुत आप लोग वेजिटेरियन जो होते हो बचे रहते हो, वरना पता लगे टे हो जाओ, है ना। तो ये बात समझिएगा, विटामिन बी वन टू कहाँ होता है? लीवर में संचय होता है। तो ए डी ई के और बी वन टू संचित रहता है। विटामिन बी वन टू 3 से 5 वर्ष तक संग्रहित रहता है। आप समझिएगा, कुदरत का कितना धन्यवाद किया जाए उतना कम है। जो विटामिन हम लोग वेजिटेरियन होते हैं ना, अब वेजिटेरियन जो खाने में बी वन टू मिलते नहीं है, तो कुदरत ने क्या बोला कि बेटा तुम दूध से कर रहे हो कोई बात नहीं, तुम थोड़ा थोड़ा भरोगे, बूंद बूंद से घड़ा भरता है। हम बूंद बूंद विटामिन बी वन टू उठाएंगे, लीवर में डालते चले जाएंगे और उसके बाद इतना दिन तक रखेंगे, 3 साल तक रखते रहेंगे कि अब 3 साल तक ना खाओ कुछ तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इस कारण से क्या होता है, विटामिन बी वन टू की उतनी कमी नहीं आपको महसूस होती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपको खाना नहीं चाहिए, खाना चाहिए, क्योंकि बीच बीच में जो लीवर से रिलेटेड बीमारी हो जाती है, अपचन हो जाता है, ये सब इसी विटामिन बी वन टू कॉम्प्लेक्स की वजह से हो जाता है। तो आप बीच बीच में ले लिया करो, उसे फायदेमंद होगा, प्लस आपका नर्वस सिस्टम ज़्यादा स्ट्रांग रहेगा, सोचने की क्षमता ज़्यादा अच्छी रहेगी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं खनिज। अभी सब कुछ हमने मेन देख लिया है, अब हमारा मिनरल्स है। मिनरल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं और एग्जाम में इससे 1-2 क्वेश्चन बन सकता है। जो मैं मेन चीज़ में बता दे रहा हूँ कि वो आपको पढ़ लेना है, वहीं से आ सकता है। 2 टाइप के मिनरल्स होते हैं। मिनरल्स का काम पहले मैंने बता दिया कि मेटाबॉलिक रिएक्शन को कंट्रोल करता है। 2 टाइप के होते हैं, एक माइक्रो मिनरल्स बोलते हैं, एक माइक्रो मिनरल्स बोलते हैं, या ऐसा बोले कि लघु या दीर्घ मात्रिक या लघु मात्रिक। अब मैक्रो वाले में क्या होता है, ऐसे सारे मिनरल जिनके जो उपयोगिता होती है 2 से 3 ग्राम होती है, डेली बेसिस पे 2 से 3 ग्राम होती है, वो मैक्रो आते हैं। और जिनकी मिलीग्राम में होती है 10 मिलीग्राम 15 मिलीग्राम ऐसे होते हैं, ये क्या होते हैं, माइक्रो होते हैं। जैसे आपके क्या होते हैं, सोडियम हुआ Na बोल दें, NKP आप तो समझ रखो, NKP की यूरिया भी आती है, सोडियम हुआ, पोटेशियम हुआ, फास्फोरस हुआ, सल्फर हुआ, ये सब जो होते हैं ये आपके मैक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं। इन्हें 2-3-4 ग्राम में ही जरूरत पड़ती है, 5-5 ग्राम की जरूरत पड़ती है। जबकि आपके आयरन हुआ या मॉलिब्डेनम हुआ, ये सब जो होते हैं इसमें आपके 10-3 मिलीग्राम में भी काम बन जाते हैं। समझिएगा, ये मिलीग्राम में जरूरत पड़ती है, इसकी ग्राम में जरूरत पड़ती है। देख लेते हैं इसके कार्य क्या हैं। हड्डियों, दांतों तथा रक्त के जमने में सहभागी होते हैं। अणुओं को बांधने के माध्यम से जोड़ने में सहभागी होते हैं, अणुओं को जोड़े रहते हैं ये। दिल की धड़कन एवं पेशी संकुचन के लिए बहुत आवश्यक होते हैं। मैं बता दूं, दिल के लिए पोटेशियम की बहुत ज़्यादा जरूरत होती है। पोटेशियम की सिंगलिटी होता है, पोटेशियम की बहुत ज़्यादा जरूरत होती है। अगर पोटेशियम आपकी मात्रा में खत्म हो गया तो समझ लो कि हार्ट अटैक आया। और किस में सबसे ज़्यादा मिलता है? सेब में। याद रखिएगा, सेब में सबसे ज़्यादा पोटेशियम मिलता है। तभी तो बोलते हैं एप्पल इन अ डे कीप्स डॉक्टर अवे, है ना। एक दिन में एक अगर सेब खाओगे तो डॉक्टर आपके पास नहीं आएगा। शायद उसके कहने का मतलब यही था कि आपका हृदय जो होगा, हार्ट जो होगा, वो बहुत प्रॉपरली फंक्शन करेगा। तो पोटेशियम का जो काम होता है दिल में बहुत ज़्यादा होता है। ऐसे पेशी संकुचन में आपका जो होता है वो सोडियम होता है। सोडियम की कमी से आपके मांसपेशियां ऐंठने लगती हैं, बात समझ में आ गया। मैग्नीशियम की कमी से आपके हाथ पाथ जो हिलते रहते हैं वो मैग्नीशियम की कमी से होता है। आयरन की कमी हो जाएगी तो फोलिक एसिड पे फर्क पड़ेगा, आपको एनीमिया हो जाएगा। तो इनके मिनरल के भी बहुत ज़्यादा जरूरी होते हैं। देख लेते हैं कि कौन कौन से दीर्घ मात्रिक, कौन कौन से लघु मात्रिक, किनका उपयोग कितना है और उनका कार्य क्या है और उनके कारण बीमारी क्या हो सकती है। तो सबसे पहली बात कैल्शियम देख लेते हैं, जो सबसे ज्यादा जरूरत है। क्या 500 मिलीग्राम या बोले 5 ग्राम बोल सकते हैं, है ना, 500 मिलीग्राम बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। तो अब ये क्या हुआ, किसमें? दूध, पनीर, हरी सब्जियां, फलियों में, अनाज में पाए जाते हैं। दांतों और हड्डियों की रचना रुधिर, स्कंदन, तंत्रिकाओं एवं पेशियों में कार्य करते हैं। तंत्रिकाओं एवं पेशियों में किसका? कैल्शियम का प्रयोग होता है। और सबसे बड़ी बात, दांत और हड्डी में, दांत और हड्डी सब जानते हो, तंत्रिकाओं में इसका प्रयोग नहीं जानते, तो उसमें भी इसका प्रयोग होता है।
ना होने से दांत और हड्डी कमजोर हो जाएंगे और वृद्धि क्या हो जाएगी, प्रभावित हो जाएगी। फास्फोरस, ये भी आपका लगभग 500 मिलीग्राम की जरूरत पड़ती है, देखिए काफी ज्यादा जरूरत पड़ी है। दूध और मांस एवं अनाज में मिलता है फास्फोरस। दांतों और हड्डियों में जैसे कैल्शियम का काम, कैल्शियम और फास्फोरस दोनों भाई भाई हैं, साथ में चलते हैं, एक ही ग्रुप एलिमेंट है, जानते ही हो, केमिस्ट्री पढ़े ही होगे। रचना अम्ल क्षार संतुलन एटीपी डीएनए आरएनए में सब में मददगार करते हैं ये। इनके कमी से कमजोर हो जाते हैं दांत हड्डियां और शरीर की वृद्धि में क्या हो जाता है, बहुत ही ज्यादा रुक जाती हैं। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। कैल्शियम फास्फोरस याद रखिएगा क्या है, मैक्रो में है। गंधक यानी कि इसे सल्फर बोलते हैं, ये 3 ग्राम होना चाहिए, मिलीग्राम नहीं, 3 ग्राम होना चाहिए। जनरली बॉडी में 1.5 से लेके 5 ग्राम तक जरूरत पड़ती है, ये ग्राम है मिलीग्राम नहीं है, सल्फर की बात कर रहा हूं, है ना। गंधक जिसे बोलते हैं, किससे मिलता है, अंडे से मिलता है, मांस से मिलता है, पनीर एवं मछली से मिलता है, ज्यादा नॉनवेज फूड से मिलते हैं, तो अगर नॉनवेज ना हो तो खाना शुरू करते हैं, हालांकि और भी सोर्स फल वगैरह में मिल जाते हैं, परेशान मत हो, सल्फर वगैरह बहुत सारे ऐसे फल होते हैं, जाइए गूगल करिएगा सल्फर किसमें मिलता है, आप वेजिटेरियन हो आपको नहीं मिलेगा तो परेशान हो जाओगे, क्यों, क्योंकि प्रोटीन की कमी आ जाएगी, सल्फर की कमी होगी तो प्रोटीन की उपापचय में अनियमितता हो जाएगी। काम क्या करता है, अमीनो अम्लों को और हार्मोन्स और विटामिनों का ये घटक होता है, बेसिक कंपाउंड होता है। इसके बाद पोटेशियम आया, पोटेशियम की भी जरूरत 2 ग्राम पड़ती है, किसमें मिलता है, मांस में, दूध में, अनाज में, मैंने बताया ना दिल के लिए सबसे ज्यादा यूजफुल होता है। निम्न रुधिर चाप ब्लड प्रेशर कम रखता है, पेशियों की दुर्बलता, अंगात का जोखिम, हृदय के लिए अति उपयोगी, है ना, जैसे कि मैंने बताया। किसमें ज्यादा मिलता है, फल में, फल में कौन सा, सेब में, सेब में सबसे ज्यादा पोटेशियम मिलता है। अम्ल क्षार संतुलन में काम करता है, जल संतुलन, तंत्रिकाओं की कार्यकी में मददगार होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं, क्लोरीन, ये भी आपका मैक्रो ही है, 3.5 ग्राम की जरूरत है, कहाँ से मिलता है, नमक से मिलता है, एकमात्र साधन, हालांकि और भी जगह से मिल जाता है। जठर रस और अम्ल का संतुलन करता है, भूख की कमी, पेशियों में ऐंठन हो जाता है इसकी कमी से। नेक्स्ट देख लेते हैं, सोडियम मैंने बताया खाने वाले नमक से मिलता है 2 ग्राम से। अम्ल क्षार का संतुलन करता है, जल संतुलन, तंत्रिकाओं की कार्य की, निम्न रुधिर चाप, भूख में कमी आना, पेशियों में ऐंठन होना, है ना, अगर आप सोडियम कम हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ऐंठन हो जाएंगी। मैग्नीशियम 3.5 ग्राम की जरूरत पड़ती है, हरी सब्जियों में ज्यादा मिलता है, ग्लाइकोलाइसिस तथा एटीपी पर आश्रित अनेक उपापचयी क्रियाओं के एंजाइमों का संघटक होता है। उपापचयी क्रियाओं की अनियमितताओं से विविध तंत्रों तो मुख्यतः तंत्रिका तंत्र की कार्य की प्रभावित होती है, बात समझ में आ गया, तो ये आपका मैग्नीशियम का काम हो गया। तो समझिएगा कौन कौन से, सल्फर, पोटेशियम के, क्लोरीन सीएल, सोडियम एनए, मैग्नीशियम एमजी, पीछे वाले में क्या क्या था, कैल्शियम और फॉस्फोरस, ये जो है इतने आपके बहुत ही उपयोगी है, फॉस्फोरस, कैल्शियम, सोडियम, सल्फर, सोडियम, पोटेशियम, है ना, क्लोरीन और मैग्नीशियम, ये आपके मैक्रो में आते हैं, इसे आप याद कर लीजिएगा, 2-3 बार लिख के याद करेंगे हो जाएगा, ठीक। इसके बाद हमारे क्या होते हैं, लघु मात्रिक होते हैं, इनको देख लेते कौन कौन से, जैसे जिंक हुआ, आयरन हुआ, और क्या हुआ, फ्लोरीन हुआ, या आयोडीन हुआ, या तांबा हुआ, ये सब हमारे क्या होते हैं, मैंगनीज, मैंगनीज मैग्नीशियम में कंफ्यूज मत होइएगा, मैंगनीज लघु है, मैग्नीशियम मैक्रो है ना, दीर्घ मात्रिक है। कोबाल्ट, सेलेनियम, क्रोमियम, मॉलिब्डेनम, ये सब हमारे क्या है, हमारे लघु मात्रिक है। तो इसका हम देख लेते हैं जल्दी जल्दी से, बाकी आपको पीडीएफ मिल ही जाएगी। जिंक 15 मिलीग्राम की जरूरत पड़ती है, अनाज, दूध और अंडे में मिलता है, इससे बीमारी क्या होती है, कुटित वृद्धि, रूत छिड़ता और त्वचा दुर्बल है, और सुरक्षा तंत्र जन क्षमता का क्षय हो जाता है। लोहे की क्या जरूरत पड़ती है, मैंने बताया हीमोग्लोबिन में कमी हो जाती है ना, इसमें एनीमिया हो जाता है, शरीर की सुरक्षा तंत्र दुर्बल हो जाती है, 15 मिलीग्राम की जरूरत है। फ्लोरीन की 2.5 मिलीग्राम की जरूरत है, पीने वाले जल से मिल जाता है फ्लोरीन, ज्यादा फ्लोरीन हो जाएगा दांत गल जाएंगे, कम फ्लोरीन हो जाएगा दांत कमजोर हो जाएंगे, तो कहने का मतलब फ्लोरीन का एक पर्टिकुलर ही क्वांटिटी चाहिए, ज्यादा ले लोगे तो दांत बेकार हो जाएंगे, कम हो जाएगा तो दांत बेकार हो जाएंगे, ये फ्लोरीन का काम है। आयोडीन जानते ही हो आपका क्या, घेगा वगैरह हो जाता है, इसके हम बताने की जरूरत नहीं है। तांबा, तांबा देख लो आप किस समय होता है, आपका एनीमिया हो जाता है, रुधिर छिड़ता हो जाती है, संयोजी उत्कों और हेल्पफुल होता है। मैंगनीज किसमें जरूरत है, इसकी कमी से अस्थि तथा संयोजी उत्कों की वृद्धि में अनियमितता आ जाती है, तो ये आप अच्छे से देख लीजिएगा। कोबाल्ट ये बहुत जरूरी होता है, ये विटामिन B12 में पाया जाता है,
कोबाल्ट का घटक होता है, बहुत सारे इस पे क्वेश्चन भी बने हैं। दूध पनीर मांस में होता है ये, 5 से 40 ग्राम जरूरी है, और इसकी कमी से भी आपकी क्या हो जाती है, एनीमिया हो जाती है, जैसा कि मैंने बताया। सेलेनियम, क्रोमियम, मॉलिब्डेनम ये तीन है जो 70 ग्राम, 120 ग्राम, 150 ग्राम की जरूरत होती है। इनमें हृदय की यह होता है, ये ग्लूकोज उपापचय में और नाइट्रोजनी पदार्थों के उत्सर्जन में काम आता है। चलिए अगर इतना कर लिए हो तो एक क्वेश्चन कर लेते हैं। सेब का हृदय रोगियों के लिए विशेष महत्व है क्योंकि ये बड़े स्रोत हैं, अभी अभी मैंने बताया पोटेशियम। अच्छा इसमें देखिए पोटेशियम और फास्फोरस और केवल पोटेशियम, इसमें सही उत्तर केवल पोटेशियम आयोग ने माना है। हालांकि पोटेशियम और फास्फोरस दोनों सही होते हैं, लेकिन देखिए ध्यान का दिया क्वेश्चन क्या दिया, बड़े स्रोत होते हैं, तो बड़े स्रोत कौन है, केवल पोटेशियम है। 100 ग्राम आपके एप्पल में करीबन आपके 107 मिलीग्राम लगभग क्या मिलेगा, आपको पोटेशियम मिलेगा, और 1 से 2 मिलीग्राम केवल क्या मिलेगा, फास्फोरस भी मिलेगा। तो कहने का मतलब ये बहुत कम है, इसलिए ज्यादा क्या होगा, सही उत्तर पोटेशियम होगा, क्योंकि क्या पूछा, बड़े स्रोत। चलिए अब क्या जरूरी है इसके बाद, रेसे। जैसे हमने क्या बात कर ली, हमने कार्बोहाइड्रेट पढ़ा, हमने प्रोटीन्स पढ़ा, हमने फैट पढ़ा, हमने विटामिन पढ़ा, हमने मिनरल्स पढ़ा, अब बचा रेसा और पानी। पानी सब लोग जानते हो क्या जरूरत है, रेसे के बारे में बता दो। रेसे को फाइबर बोलते हैं और फाइबर की बहुत ज़्यादा जरूरत होती है खाने में, क्योंकि ये पाचन क्षमता में बहुत ज़्यादा उपयोगी होते हैं। रेसों में एक खासियत होती है कि ये पानी को अपने अंदर संजोए रहता है। अच्छा विडंबना देखिए, लोग बोलते हैं फाइबरस फूड खाइए, फाइबरस फूड खाने से क्या होगा, आपकी पाचन क्षमता अच्छी हो जाएगी, क्यों, क्योंकि उसमें पानी होता है। और भी बहुत सारी, जैसे क्या होता है, कुछ लोग होते हैं जानते होंगे जो भुक्तभोगी होंगे, बवासीर वगैरह हो जाता है, क्यों हो जाता है ना, इसीलिए क्योंकि फाइबरस फूड नहीं खाते हैं। क्यों, वो क्या खाते हैं, फिर वो ऑयली फूड खाते हैं। अच्छा देखिए फाइबरस फूड रेसेदार होता है, जो रफी होता है, अगर आप जैसे दानेदार जो वो होते हैं अनाज होते हैं, या बोलते हैं ना कि ऐसे मल्टीग्रेन आटा खाओ, वो ज़्यादा फाइबरस होता है, या रेसेदार और भी बहुत सारे फल होते हैं उन्हें खाओ, तो रेसेदार फल में क्या होता है, वो थोड़ा टाइट फल होते हैं, बात समझिएगा। अब फल तो टाइट होते हैं, या ऐसे भोजन होते हैं वो थोड़ा टाइट होते हैं, लेकिन वो पानी ज़्यादा देते हैं, और जो तेल ज़्यादा चिकने होते हैं और वो ज़्यादा सारा पानी सोख लेते हैं, तो ये उल्टा काम करता है। फाइबर क्या होता है, आपके पाचन क्षमता में करता है। फाइबरस फूड खाना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में खाना चाहिए, ताकि आपकी पाचन क्षमता अच्छी रहे, ये बवासीर वाली प्रॉब्लम आपको ना हो। तो जल में घुलनशील रेसे होते हैं, ये पेक्टिन कम या म्यूसिलेज होते हैं, और जल में जो अघुलनशील रेसे होते हैं, ये सेलुलोज, हेमीसेलुलोज और लिग्निन आदि होते हैं। महत्व क्या होता है, जैसे मैंने आपको बता दिया, जल 65% होता है। तो ये बेसिकली आपका क्या था, अभी जो बेसिक न्यूट्रिएंट था। अब हम लोग थोड़ा संतुलित आहार के बारे में बात कर लेते हैं। तो संतुलित आहार की अगर बात करें, तो प्रतिदिन किसी मनुष्य को 3000 से लेके 3500 कैलोरी की ऊर्जा की आवश्यकता होती है, बात आप दिमाग में रख लो। एक सामान्य मनुष्य जो दिन में 4 से 6 घंटे परिश्रम करता है, उसे किस किस चीज की जरूरत है, 90 ग्राम की प्रोटीन की, 60 से 70 ग्राम फैट का, 400 से 750 ग्राम किसका, कार्बोहाइड्रेट का, और 30 ग्राम किसका, खनिज का। और अगर ये परिश्रम करने वाली महिला कोई प्रेग्नेंट है, तो सबकी मात्रा बढ़ जाती है, बात समझिएगा। असंतुलित आहार के बारे में बात करते हैं, ये तो हमारा संतुलित आहार हुआ कि ये होना चाहिए, अगर इनकी कमी हो जाती है तो वह आहार क्या हो जाता है, असंतुलित हो जाता है। और अगर आहार असंतुलित हो जाएगा तो हमारा क्या हो जाएगा, मॉल न्यूट्रिशन हो जाएगा, उसके बारे में पढ़ेंगे। उससे पहले पढ़ लें कार्यक्षम ऊर्जा की आवश्यकता क्या होती है, कार्य क्षमता का स्तर, बैठ कर काम करने वालों को 2100 कैलोरी से 2500 कैलोरी, जो लोग ऑफिस वर्क करते हो, बैठकर दिमाग चलाते हो, साधारण काम करने वाले को, जैसे घर में औरतें वगैरह होती हैं, 2500 से 3000 कैलोरी, और कठिन परिश्रम जैसे किसान लोग होते हैं, 3000 से 3600 कैलोरी की प्रतिदिन की ऊर्जा की जरूरत होती है। ये आपसे क्वेश्चन डायरेक्ट बन सकता है। हम संतुलित तालिका देख लेते हैं, ये पूरी पीडीएफ आपको मिल जाएगी, आप उससे देख लीजिएगा। अनाज में 350 ग्राम होता है, ठीक है ना, अनाज स्त्री को 350 ग्राम जरूरत होनी चाहिए, और पुरुष को 450 से 475 ग्राम रोज खाना ही चाहिए। दालें 70 ग्राम खाना चाहिए महिलाओं को, 80 ग्राम पुरुषों को। पत्तेदार सब्जियां 150 ग्राम स्त्री को खाना चाहिए, 100 ग्राम पुरुष को खाना चाहिए। दूसरी सब्जियों में 75 ग्राम, दूसरी सब्जी क्या, एक तो पत्तेदार सब्जी हो गई, एक आपकी जड़ वाली सब्जी हो गई, तो बची जो सब्जी है वो क्या हो गई, दूसरी सब्जी, जैसे मटर वगैरह के हैं, ये सब दूसरी सब्जी, बीज वाली सब्जी, ना पत्तेदार है ना जड़ वाली है, तो ये ऐसे 75 ग्राम, दोनों 75 ग्राम खा सकते हैं। जड़ वाली सब्जी 75 ग्राम 75 ग्राम, फल 30 ग्राम तो खाइए ही, दूध 250 ग्राम रोज पिए ही, और फैट के रूप में कुछ भी ऐसा करिए कि 35 ग्राम आपको मिल जाए, हालांकि आप फैट नहीं लेते हो। शक्कर और चीनी भी बहुत ज़्यादा जरूरी है, 30 ग्राम, अगर ग्लूकोज नहीं रहेगा बॉडी में तो वैसे ही आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी। ये कुछ है विभिन्न खाद्य पदार्थों में पाए जाने वाले विभिन्न
पोषक ही होगा तत्वों की मात्रा प्रतिशत में। तो ये मैंने बताया, जैसे कुछ मैंने कर दिया है, कुछ और भी बता दूंगा आपको, दे दूंगा मैं आपको कंपेंडियम में, आप वहां से देख लीजिएगा अच्छे से। ये हमारा आज का चैप्टर था। बेसिकली देख लेते हैं कि माल न्यूट्रिशन की वजह से क्या क्या बीमारी हो जाती है। अच्छा, कुछ इंपॉर्टेंट चीज देख लेते हैं कि माँ के दूध में लौह पोषक तत्व का अभाव होता है, मतलब आयरन, जो माँ की दूध होती है, माँ का दूध होता है, उसमें आयरन की क्वांटिटी कम होती है, कम क्या नहीं होती है। ये अभी आपके पीसीएस के पेपर में भी आया हुआ था। कोलेस्ट्रम क्या होता है, खीस होता है, जो दुग्ध श्रवण की आरंभिक कुछ दिनों तक जो दूध निकलता है उसे क्या बोलते हैं, खीस बोलते हैं। जैसे गाय भैंस के निकलता है उसे क्या बोलते हैं, प्योसी दूध जो बोलते हैं, वही क्या है, खीस है इंग्लिश में, क्या बोलते हैं, कोलेस्ट्रम बोलते हैं। बस समझ में आ गई। कुपोषण की वजह से, आप देखिए कुपोषण दो टाइप के होते हैं, एक अल्प पोषण, एक अति पोषण। भैया ये बात तो सबको समझ में आती है कि खाना नहीं मिला, कोई चीज़ प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट कम हो गया तो अल्प पोषण हो जाएगा। लेकिन कोई बहुत ज़्यादा आप खा भी रहे हो, चाहिए हमें 70 ग्राम, खा रहे हैं हम 150 ग्राम, चाहिए हमारे 400 से 450 ग्राम कार्बोहाइड्रेट, खाए पड़े हैं 800-800 एक किलो कार्बोहाइड्रेट, तो क्या होगा, तब भी आप कुपोषित हो जाओगे, तब भी आपका मॉल न्यूट्रिशन हो जाएगा, फिर आप क्या बोलोगे, अतिशय पोषण हो गया, बहुत ज़्यादा पोषण हो गया। मॉल न्यूट्रिशन की कमी से, जैसे प्रोटीन वगैरह की कमी से क्वासिकर हो जाता है। क्वासिकर और मैरस्मस में बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, दोनों बीमारी प्रोटीन की कमी से ही होती है, लेकिन दोनों अलग अलग हैं। क्वासिकस में जैसा कि आप ये फोटो देख पा रहे हो, ये अफ्रीका के उसमें एरिया में ज़्यादा होता है, बच्चे सिंपल रहते हैं, इनका जो ये पेट वाला सिस्टम होता है बहुत ज़्यादा निकल आता है, हाथ पैर ज़्यादा फूल जाते हैं, एडिमा भर जाता है जैसे बोलते हैं, बहुत ज़्यादा फूल जाता है ना, जैसे सूजन बोलते हो आप, तो ऐसे दबाएंगे कुछ देर तो दबा ही रह जाएगा। तो ये अफ्रीका साइड में ज़्यादा होते हैं, माल न्यूट्रिशन के कारण होते हैं, प्रोटीन की कमी कारण होते हैं, ऐसा कुछ स्ट्रक्चर हो जाता है। मैरस्मस में क्या होता है, ये भी प्रोटीन की कमी से ही होता है, लेकिन और इसमें भी बॉडी कमजोरी होती है, लेकिन इसमें कहीं एडिमा नहीं जमता। ये जैसे पेट इसका देखो, इसमें खासकर ये रिप्स दिखने लगते हैं, सीने की जो हड्डियां होती है अच्छे से बहुत दिखने लगती है, देखो हाथ लग रहा है कि अभी मार दो तो वैसे ही गिर जाए। ये भी अफ्रीका साइड पे ज्यादा होता है माल न्यूट्रिशन, ऐसे गरीब अफ्रीका क्या ऐसे बोलेंगे, ऐसे गरीब इलाकों से जहां पे बहुत ही अच्छी स्थिति नहीं है खाने पीने को लेके, तो प्रोटीन की कमी से मैरस्मस हो जाता है। बाकी बीमारियों की बात हम डिजीज वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। तो ये हमारा आज का न्यूट्रिएंट्स, उससे रिलेटेड हमारे जो फूड कंपोनेंट है, उसके बाद हमने सारी चीज़ें जो न्यूट्रिशन पे हो सकता है, मॉल न्यूट्रिशन वगैरह सारी चीज़ पढ़े, बैलेंस डाइट के बारे में पढ़े। उम्मीद है पहली क्लास में आपको मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी। ये जो आपका इतनी टॉपिक है, ये 40% बायो वैसे कवर कर रहे हैं, जितना इसमें डिपिक्ट किया है सिलेबस में लगभग मैंने उसका, आप देखिएगा जो 12-13 टॉपिक है उसमें 7-8 टॉपिक मैंने क्लियर कर दिया है। जो इसका पर्टिकुलर चैप्टर है इसे आप अच्छे से कम 10 बार पढ़िएगा, यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा फंसने वाला है। इसके बाद आप जितने भी प्रैक्टिस सेट हैं वो कर लोगे तो एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा, सब कुछ यहीं से आपका आने वाला है, बात क्लियर है। अन्य जो चैप्टर हैं वो ऐसे ही लंबी लंबी क्लास में हम कंप्लीट करवा देंगे, हमें वही पढ़ना है जो जरूरी है परीक्षाओं पे आगे। कोई जरूरी नहीं कि अगर सेल स्ट्रक्चर से क्वेश्चन नहीं आ रहा तो हम सेल स्ट्रक्चर पढ़े चले जा रहे हैं, अगर वहाँ पे नहीं पूछ रहा है प्रोटोजुआ और अमीबा इन सबसे तो हम वही पढ़े चले जा रहे हैं क्लासिफिकेशन से, बॉटनी से क्वेश्चन नहीं आया तो वही, कोई जरूरत नहीं, हमें वो पढ़ना है जो ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ेंगे सब, लेकिन उसको ज़्यादा अच्छे से पढ़ेंगे जिससे ज़्यादा क्वेश्चन आएगा, बात समझ में आएगी। तो ये आपकी साइंस की पहले की क्लास थी, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी और आप लोग ऐसे तैयारी करते रहिए, टीम जैसे आपके साथ है ऐसे ही साथ रहेगी, आपका सिलेक्शन करवा के रहेगी। धन्यवाद।